हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आज अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं बेटा जी, किसकी? केम डीटीएस 7 नंबर की, है ना। टॉपिक अपना कौन सा है? नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और जीओसी। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट वन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट आईयूपीएसी नेम। तो आईयूपीएसी नेम की बात हो रही है, सही आईयूपीएसी नेम कौन सा है? तो अपन इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले। ठीक है, तो वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले पूंछ पकड़ लिया करो, यानी कि क्या दे रखा है अपने को? हेप्ट दे रखा है। तो हेप्टेन यानी कि पूंछ का मतलब है वर्ड रूट पकड़ लो। ठीक है, कितने कार्बन दे रखे हैं अपने को? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, फिर क्या दे रखा है? थर्ड नंबर पे इथाइल दे रखा है, नंबरिंग कर लो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। थर्ड नंबर पे अपने इथाइल लगा देते हैं और फोर नंबर पे क्या लगा देते हैं? मिथाइल लगा देते हैं। ठीक है, अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या सही दे रखा है? जी हाँ, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन 7 है। नंबरिंग अपन किधर से करेंगे? जिधर से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को क्या मिल जाए? लेस नंबर मिल जाए, तो यहीं से करेंगे 1, 2, 3। इसका मतलब ये नेम क्या दे रखा है अपने को? सही दे रखा है। चलो सेकेंड ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। क्या दे रखा है अपने को? हेप्टेन। ठीक है, यानी कि 7 कार्बन दे रखे हैं। फिर अपने क्या दे रखा है? 4,4-डाइमिथाइल, यानी कि अल्फाबेट में गड़बड़ कर रखी है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। फिर क्या दे रखा है दोस्तों? ये दे रखा है कि 5-ethyl-4,4-dimethylheptane दे रखा है। ठीक है, यानी कि फिर क्या कर रखी है? 1, 2, 3, 4, 5, इसका मतलब नंबरिंग में फिर गड़बड़ कर रखी है। इसका मतलब क्या होगा? नंबरिंग गलत हो गई। क्यों? क्योंकि नंबरिंग अपन उधर से करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी यानी कि सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिले? लेस नंबर मिले। यस नो? जी हाँ, ये 20 यूज नहीं कर सकते मिथाइल के लिए। आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आता है तो अपन क्या करते हैं? 20 यूज करते हैं, है ना। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आ जाएगा अपना? फर्स्ट ऑप्शन हो गया राइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या दे रखा है अपने को? सेकंड सवाल देखिएगा सर, क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि कार्बनिक यौगिकों में बहुत बड़ी संख्या में होने का कारण क्या है? यानी कि वेरी लार्ज नंबर में कार्बनिक कंपाउंड का होने का रीजन क्या है? अब आपको पता है कि कार्बन कार्बन में बोन स्ट्रेंथ जो होती है, यानी कि बोन एनर्जी होती है, वो क्या होती है? ज्यादा होती है। इसलिए कार्बन कार्बन में क्या पाया जाता है? श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। ठीक है, यानी कि कार्बन 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 क्या पाया जाता है? इसमें श्रृंखला बनाने की अद्भुत प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा अपने? अधिक क्रियाशील है? नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब केटिनेशन का मेन प्रॉपर्टीज क्या हो गई? यानी कि कार्बन बहुलक के रूप में, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा, यानी कि कार्बन कार्बन के रूप में प्रेजेंट होने का मुख्य कारण क्या है? केटिनेशन है। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या सवाल दे रखा है अपने को? ये दे रखा है, बिल्कुल आसान सा सवाल है। मीथेन अणु में 4 हाइड्रोजन जो परमाणु होते हैं, ठीक है, वो किस शेप में होते हैं, किस अरेंजमेंट में होते हैं? तो ये अपने दे रखा है मीथेन, यानी कि CH4। ये क्या दे रखा है? कार्बन के साथ में हाइड्रोजन, यानी कि 4 वैलेंसी है इसकी। किस पोजीशन में है? टेट्राहेड्रल, चतुष्फल के रूप में होते हैं। इनका बोन एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। इसका मतलब क्या होता है? CH4 किस फॉर्म में मिलता है? टेट्राहेड्रल में। यस करो, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या दे रखा है अपने को? बहुत ही प्यारा सा सवाल है, अक्सर हाइब्रिडाइजेशन का नीट में सवाल पूछा जाता है। ठीक है, क्या दे रखा है बेटा जी? ये दे रखा है कि कार्बन 2 और 3 का संकरण बताओ। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन की बात हो रही है, तो पहले तो अपन क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे, अपन पता लगाएंगे कि कार्बन नंबर 2 और 3 है कौन सा। तो आपको पता है कि डबल बोन और ट्रिपल बोन अगर अपने को दोनों दे रखे हैं और उनको सेम नंबर मिल रहा है, तो अपन नंबरिंग कहां से करते हैं? डबल बोन की ओर से करते हैं। और डबल बोन और ट्रिपल बोन को सेम नंबर नहीं मिलता, तो अपन नंबरिंग कहां से करते हैं? जहां से जो नजदीक में है, चाहे वो डबल बोन हो चाहे वो ट्रिपल बोन हो। ठीक है, तो अपन इसकी नंबरिंग कहां से करेंगे? 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब कार्बन नंबर 2 कौन सा है? कार्बन नंबर 2 डबल बोन वाला है, और कार्बन नंबर 3 क्या है? ट्रिपल बोन वाला। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp2। इसका भी कौन सा है? sp2। इसका कौन सा है? sp। और इसका कौन सा है? sp। हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखते हैं? हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर काउंट किया जाता है। ठीक है, तो कार्बन फैमिली के पास क्या नहीं होता दोस्तों? लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? यानी कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से ही काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 3 सिग्मा sp2, और इसके पास 2 सिग्मा sp। ठीक है, तो क्रमशः आपने यानी कि रेस्पेक्टिवली पूछा है, तो क्या आ जाएगा? sp2 एंड sp। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? देखो,
दोनों ऑप्शन हैं, यानी कि एक में sp2 sp है और फिर क्या है sp sp2 है। तो अपने से क्या पूछा गया है, कार्बन नंबर 2 और 3 का रिस्पेक्टिवली में पूछा गया है, यानी कि क्रमशः पूछा गया है, 2 का पहले 3 का बाद में। ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा अपना, सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी मिस्टेक होती है जो क्या कर देती है अपने को, नंबरों को गिरा देती है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या दे रखा है बेटा जी, ये दे रखा है IUPAC नेम, NCERT का बहुत ही प्यारा सा सवाल है, बिल्कुल हूबहू NCERT की लाइन उठाई हुई है ये। ठीक है, क्या दे रखा है, ये दे रखा है सी, एक नन्ही सी जान पर 3 CH3 लगा रखे हैं, देख लो CH3 और यहाँ पे क्या दे रखा है CL, ये तो दे रखा है टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब इसका IUPAC नेम अपने से पूछा गया है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे दोस्तों, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, कितने कार्बन है, 1, 2, 3 कार्बन है, 1, 2, 3 कोई सी भी ले लो। अब ये क्या है मिथाइल और ये क्या है क्लोरो। ठीक है, तो अल्फाबेटिक में दोनों का नंबर नेम लिख देंगे, 2 नंबर पे क्या है क्लोरो, ठीक है, और 2 नंबर पे क्या है मिथाइल, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन कितने कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज कर देंगे एन, तो क्या नेम हो जाएगा 2-क्लोरो-2-मिथाइल-प्रोपेन, कौन सा आंसर हो गया अपना, थर्ड आंसर हो गया, यस कि नो। ठीक है, ये इसका क्या था सिंपल नेम था, तो अपना आंसर मिल जाएगा थर्ड। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है अपने, ये देखिए क्या कहा गया है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, क्या कहा गया है अपने की, सबसे पहले तो क्या दी थी ब्रिजिलियस जी आए थे, ब्रिजिलियस को फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है, उसने वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी, है ना, उसके बाद में उस थ्योरी को किसने फेल कर दिया था, वुलर नाम के बंदे ने, वुलर ने क्या बनाया था यूरिया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था। बट अपने से क्या पूछा गया है दोस्तों कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि लेब में जो बनाया गया और वो भी एलिमेंट्स के यूज से कौन बना था, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन किया था किसने भला, कोलबे नाम के बंदे ने। ठीक है, तो एसिटिक एसिड को बनाया गया था, किसको बनाया गया था, एसिटिक एसिड को एलिमेंट्स का यूज करते हुए किसको बनाया था, एसिटिक एसिड को बनाया था, और किसने बनाया था, कोलबे ने बनाया था। ठीक है, और जो वुलर ने बनाया था वो क्या बनाया था, यूरिया। तो उसने क्या पूछा है कि लेबोरेटरी में सिंथेसिस किया गया था किसके द्वारा, एलिमेंट्स का यूज करते हुए, वो कौन सा था, एसिटिक एसिड था। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल की अगर बात करें तो क्या दे रखा है अपने को, ये देखिए, देखिएगा दोस्तों पढ़िएगा इसको, क्या कह रहा है कि कैन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव सेम मोलेकुलर बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि मोलेकुलर फॉर्मूला तो सेम हो बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, इसका मतलब डीएनए सेम हो, और डीएनए किसका सेम होता है, आइसोमर्स का होता है। आइसोमर्स में क्या होता है दोस्तों, व्हेन कंपाउंड हैविंग सेम मोलेकुलर फॉर्मूला बट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, उसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें यही कहा गया है कि मोलिकुलर फॉर्मूला अगर सेम होगा और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा तो वो क्या आएगा, आइसोमर्स में आएगा। ठीक है, आइडेंटिकल वो हो नहीं सकते, क्या नहीं हो सकते, होमोलोगस नहीं हो सकते, मेटामर्स नहीं हो सकते, सीधे अपन क्या बता सकते हैं, आइसोमर्स बता सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जिसमें डिफरेंट हो गया वो क्या हो गया, FGI, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो गया। ठीक है, तो आइसोमर्स होगा, इसलिए अपने ना आइडेंटिकल लिखा ना मेटामर्स लिखा। नेक्स्ट, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, क्या दे रखा है ये देखिएगा, क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सी समझात श्रेणी दे रखी है, CnH2n, ये किसका फॉर्मूला है दोस्तों, आपको पता है जिसकी DU क्या हो, 1 हो, उसका फॉर्मूला है ये, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, असंतृप्तता की कोटि कितनी हो, 1 हो, उसका ये फॉर्मूला है। वो किसका हो सकता है दोस्तों, जिसमें एक डबल बोन आए, एक है डबल बोन आए या फिर एक रिंग बन जाए, तो देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है, होमोलोगस सीरीज की बात कर रहा है। एसिटिलीन का हो सकता है क्या, एसिटिलीन आपको पता है एल्काइन है, और एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2 होता है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। ओलिफिन किसको बोलते हैं दोस्तों, एल्कीन को बोला जाता है, एल्कीन, एल्कीन का नेम क्या है, ओलिफिन। ठीक है, जिससे ऑयल का फॉर्मेशन किया जाता है, इसका जनरल फॉर्मूला यानी कि GF CnH2n होती है। ठीक है, पेराफिन किसको बोलते हैं, पेराफिन की अगर अपन बात करें तो पेराफिन को बोलते हैं रोकोइल्स, यानी कि क्या है, एल्केन, एल्केन को बोला जाता है दोस्तों पेराफिन। ठीक है, साइक्लो एल्कीन का हो नहीं सकता, साइक्लो एल्केन का हो सकता था, इसका मतलब कौन सा आंसर आ जाएगा अपने, ओलिफिन आ जाएगा, यानी कि एल्कीन की जनरल फॉर्मूला है ये, यस करो। चलो नेक्स्ट, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, कौन सा सवाल अपने को दे रखा है, 9 नंबर,
देखिएगा दोस्तों क्या कह रहे हैं, आइसोब्यूटेन से युक्त एल्काइल ग्रुप का नेम बताना है। अब देख लो क्या कह रहा है, एल्काइल ग्रुप ड्राइव नेम फॉर आइसोब्यूटेन। आइसो कब यूज करते हैं पहले तो ये बताइए, आइसो अपन कब यूज करते हैं कि टोटल कितने भी कार्बन हो भले ही, यानी कि आइसो ऑक्टेन को छोड़कर, वो एक क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक्सेप्शन है, ठीक है, वो आइसो रूल को फॉलो नहीं करता। टर्मिनल एंड से सेकंड नंबर कार्बन पे सिंगल CH3% है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, आइसो। यानी कि टर्मिनल एंड से सेकंड नंबर कार्बन पर सिंगल CH3 है तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, आइसो। तो आइसो ब्यूटेन अपने को दे रखा है तो ये हो गया टर्मिनल एंड, यानी कि सिरे से दूसरे नंबर कार्बन पर एक CH3 है तो क्या यूज करेंगे, आइसो यूज करते हैं, तो इसका नेम हो गया आइसो ब्यूटेन। अब इसमें संगति देखो कि कितने प्रकार के हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट है। ये देखो ये कौन सा कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन, 1 कार्बन अटैच अदर 1 कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, तो ये एक कार्बन एक अन्य कार्बन से जुड़ा है तो उसे 1 डिग्री कहेंगे। ये कार्बन देखिएगा दोस्तों कितने से जुड़ा है, 3 से, इसका मतलब ये कैसा हो गया 3 डिग्री, ये भी 1 डिग्री और ये भी क्या है 1 डिग्री। क्या तीनों 1 डिग्री एक जैसे हैं क्या, 9 के 9 हाइड्रोजन एनवायरमेंट में सेम है क्या, जी हाँ संगति इनकी समान है और संगति जीवन में बहुत ही मेन फैक्टर होती है कामयाबी का। तो यहाँ पे 3 डिग्री से क्यों, क्योंकि ये अपनी सारी बातें इसके साथ शेयर करता है 3 डिग्री के साथ, है ना, तो ये भी क्या है 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री, इसका मतलब ये 9 के 9 हाइड्रोजन एनवायरमेंट में सेम है। तो एनवायरमेंट में सेम है इसका मतलब इससे कितने रेडिकल बनाए जा सकते हैं, 2 प्रकार के कार्बन हो गए और 2 ही प्रकार के क्या है हाइड्रोजन उपस्थित है। तो एक हाइड्रोजन कोई सा भी हटा दो इसमें, 1 डिग्री से हटाइए, चलो क्या आ जाएगा दोस्तों CH3 CH CH2 और ये CH3 ये बन जाएगा, और दूसरा अपन 3 डिग्री से हटाएंगे तो क्या कर देंगे CH3 CH3 और CH3, और यहां से वैलेंसी फ्री कर दी, यानी कि ये क्या बना दिया आपने रेडिकल्स बना दिए, 2 रेडिकल बन गए दोस्तों इसके। अब इसका नेम क्या है, टर्मिनल एंड, यानी कि ये तो किसी के साथ अटैच हो जाएगा तो यहां से क्या है सिरे से दूसरे नंबर कार्बन पर एक CH3 है तो क्या यूज करेंगे आइसो, क्या यूज करेंगे आइसो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितने हैं, 4 कार्बन है दोस्तों, तो क्या यूज कर देंगे आइसोब्यूटाइल, तो इसका नेम तो हो गया आइसोब्यूटाइल। अब इसमें देखिए क्या आइसो यूज कर सकते हैं, देखिए सिरे से दूसरे नंबर कार्बन पर ये किसी के साथ अटैच होने के लिए बेताब है, क्यों, क्योंकि इसकी वैलेंसी फ्री है दोस्तों, यस कि नो, तो यहां से देखें तो सिरे से दूसरे नंबर कार्बन पर 2 CH3 है तो अब इसके लिए आइसो यूज नहीं करेंगे। अब इसके लिए देखेंगे कि ये कार्बन कितने डिग्री है, कितने डिग्री कार्बन है दोस्तों 3 डिग्री, और 3 डिग्री के लिए अपन क्या यूज करते हैं टर्शरी यानी कि तृतीयक, और कितने कार्बन है 4 कार्बन और क्या यूज कर देंगे ब्यूटाइल, तो इसका नेम तो हो गया टर्शरी ब्यूटाइल और इसका नेम हो गया आइसो ब्यूटाइल। देख लो कौन सा ऑप्शन में है, आइसो ब्यूटाइल टर्शरी ब्यूटाइल, तो कौन सा आंसर आ जाएगा अपना, 3rd आंसर आ जाएगा दोस्तों, यस करो। चलो नेक्स्ट, बिल्कुल आसान आसान सवाल है, बिल्कुल एनसीईआरटी और नीट लेवल के सवाल है, एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल सवाल बनाए गए हैं। क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फ्लोविंग फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल, अब ये बताना है कि किसमें क्रियात्मक समूह समावयता उपस्थित नहीं हो सकती, ठीक है, अल्कोहल, जी हाँ अल्कोहल प्रदर्शित कर सकता है। अब आपको पता है कि जिसमें अणुसूत्र समान हो लेकिन क्या हो भला क्रियात्मक समूह अलग अलग हो, उसे अपन क्या बोलेंगे FZI बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, तो अल्कोहल एंड ईथर आर FZI, तो ये दोनों तो FZI होते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन आर FZI, एल्डिहाइड एंड कीटोन आर FZI, ठीक है। अब एक कार्बन का एल्डिहाइड होता है लेकिन कीटोन तो नहीं होता, कीटोन कितने कार्बन का होता है, कम से कम 3 कार्बन का, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है मोलिकुलर फॉर्मूला, यानी कि आइसोमेरिज्म की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, यानी कि डीएनए मैच करेगा तभी तो उसका होगा, नहीं तो किसी और का होगा, यस करो, तो इसका मतलब क्या है एल्डिहाइड भी शो करेगा, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड आर FZI, जी हाँ ये तीनों करेंगे, इसका मतलब एल्काइल हैलाइड शो नहीं कर सकता दोस्तों, कितने भी कार्बन हो, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा दो एक्स लगा दो, एक्स क्या है हैलाइड तो है, फिर चल बाहर आई, अब इसकी पोजीशन चेंज कर दो, क्या कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा आप पोजीशन चेंज कर सकते हो, इसका मतलब ये पोजीशन आइसोमर शेप कर सकते हैं लेकिन कभी भी FZI शो नहीं कर सकते, इसका मतलब कौन सा आंसर आ जाएगा, ये 4th आंसर आ जाएगा, यस नो। चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, अपने को कौन सा सवाल दे रखा है, देखिए सवाल नंबर 11 IUPAC नेम पूछा गया है दोस्तों, पहले तो क्रियात्मक समूह को आइडेंटिफाई करो कि ये क्रियात्मक समूह है कौन सा, देखिए कौन सा है क्रियात्मक समूह है, ये एस्टर है,
कैसा है? एस्टर है। अब एस्टर का नाम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? सबसे पहले जो ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है उसका नेम सबसे पहले लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद में मेन चेन देखते हैं, ऑक्सीजन के साथ में कौन जुड़ा हुआ है उसका नाम सबसे पहले लिखते हैं। तो बताइएगा ऑक्सीजन के साथ में कौन जुड़ा हुआ है? ये इथाइल जुड़ा हुआ है, C2H5 जुड़ा हुआ है। इसका नाम क्या होता है दोस्तों? इथाइल। तो सबसे पहले अपन इथाइल लिख देंगे, ठीक है। अब मेन चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3। मेन फंक्शन ग्रुप से काउंटिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। तो 1 2 3। दूसरे नंबर पे कौन लगा हुआ है? मिथाइल। तो क्या लिखेंगे? 2 नंबर पे मिथाइल लिख देंगे, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन कितने कार्बन है सर? 3 कार्बन है। और 3 कार्बन के लिए अपन क्या यूज करेंगे बताइए? प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए N, और लास्ट में क्या यूज कर देते हैं? OH। तो क्या नेम हो जाएगा बताइए? तो जरा इसका जो IUPAC नेम हो गया वो कौन सा हो गया? इथाइल 2-methyl propanoate। OH यूज करते हैं एस्टर के लिए लास्ट में, अगर उसको नंबर मिल रहा है। तो नंबर नहीं मिलता तो कार्बोक्सिलेट, कार के बॉक्स में लेट जा, ठीक है। कौन सा आंसर मिल गया अपने को? सेकंड। नेक्स्ट इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। कौन सा सवाल दे रखा है? 12 नंबर सवाल। क्या पूछा गया है दोस्तों? IUPAC नेम। ये ऐसे सवाल नीट में बहुत ही आए गए हैं, ठीक है। कभी इससे सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड पूछ लिया जाता है, कभी इसका IUPAC नेम पूछ लिया गया है, ठीक है। तो ये भी NCERT का ही सवाल है। नंबरिंग अपन किधर से करेंगे? डबल बोन और ट्रिपल बोन। अगर सेम नंबर मिल रहा है तो डबल बोन को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है, ठीक है। और डबल बोन और ट्रिपल बोन को सेम नंबर नहीं मिल रहा तो दोस्तों कहां से नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं? जो नजदीक में है, चाहे वो डबल बोन नजदीक में है चाहे वो ट्रिपल बोन नजदीक में है, ठीक है। तो यहां से देखें तो 1 2 सेकेंड नंबर पे डबल बोन आ रहा है, इधर से देखेंगे तो फर्स्ट नंबर पे क्या आ रहा है दोस्तों? ट्रिपल बोन। तो नंबरिंग अपन किधर से करेंगे? ट्रिपल बोन की ओर से कर देंगे। 1 2 3 4 5 5 कार्बन के लिए अपन क्या यूज करते हैं दोस्तों? पेंट यूज करते हैं, ठीक है। अब एक से अधिक बार डबल बोन आए तो वर्ड रूट के साथ में ए लगा देते हैं, लेकिन एक ही डबल बोन है, एक ही ट्रिपल बोन है, तो वर्ड रूट के साथ में कुछ नहीं यूज करेंगे, तो पेंट। अब इन पहले लिखेंगे, आइन। अल्फाबेटिक में पहले कौन आता है दोस्तों? इन आता है, तो इन पहले नंबर पे आएगा, यानी कि 3rd नंबर पे कौन आएगा? इन। और 1 नंबर पे क्या आ जाएगा दोस्तों? आइन। 1 नंबर पे क्या आ जाएगा? आइन। तो देख लो कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा, पेंट 3-in-1-I, यानी कि अपना ऑप्शन मिल गया 3rd ऑप्शन हो गया, यस कि नो? तो ये अपने क्या मिल गया? आंसर, ठीक है। तो 3rd आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौन सा सवाल अपने को दे रखा है देखिएगा, ये देखिए IUPAC नेम का बेहद ही प्यारा सा सवाल है, ठीक है। मेन फंक्शन ग्रुप को आइडेंटिफाई करिए। सबसे पहले तो कौन है? अल्कोहल है। कौन है? अल्कोहल, ठीक है। तो नंबरिंग कहां से करेंगे? साइक्लोहेक्सेन दे रखी है, वो क्या है? आपकी मेन चेन है। अब अपन नंबरिंग कहां से करते हैं? सबसे पहले अपन क्या देखते हैं? मेन फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, उसके बाद में अपन डबल बोन ट्रिपल बोन की बातें करते हैं, उसके बाद में क्या देखा जाता है? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप देखा जाता है, जूनियर फंक्शनल ग्रुप देखा जाता है। यहां तो एक ही है मेन फंक्शन ग्रुप है, वो अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल ओल, यानी कि पीने के बाद में डब्बा हो जाएगा गोल। तो नंबरिंग अपन कर देंगे OH से, फिर सेकेंड नंबर पे, फिर 3rd नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। अब 3rd नंबर पे देखिए क्या आ रहा है, 2 पंखुड़ियां लगी हुई है कोई सीरियल वाली, तो इनका नेम लिख देंगे। क्या लगी हुई है? 3-3 सेम है, तो क्या यूज करेंगे? डाई। और कौन सी है? सिंगल है, इसका मतलब मिथाइल। और चक्कर इसको आ रहे हैं तो क्या यूज करेंगे? साइक्लो। 6 कार्बन के लिए क्या यूज कर देंगे? हेक्सेन, ठीक है। और 1 नंबर पे क्या यूज कर देंगे बताओ तो जरा? ओल, ठीक है। क्या यूज कर देंगे? हेक्सेनोल। तो कौन सा आंसर हो जाएगा देखें, अब ये क्या यूज कर सकते हैं? 1-cyclohexanol के आगे भी यूज कर सकते हैं, वो तो एक ही बात हो गई, ठीक है। तो देखो कौन सा आंसर हो जाएगा, ये दे रखा है आपको फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या दे रखा है देखें, 3-3-dimethyl-1-hydroxy। ये तो मेन फंक्शन ग्रुप का था और उसको आपने सब्स्टिट्यूएंट के रूप में नेम लिख दिया, ये तो सरासर बेइंसाफी हो गई क्रियात्मक समूह के साथ। फिर क्या दे रखा है? 1-1-dimethyl, ये भी गलत बात हो गई, क्यों? क्योंकि क्रियात्मक समूह की अपेक्षा प्रतिस्थापी को कम नंबर दिया गया है, ठीक है, ये सरासर बेइंसाफी है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों? 3-3-dimethyl-1-cyclohexanol, इसका मतलब ये अपना क्या हो गया दोस्तों? राइट आंसर हो गया, ठीक है। फिर क्या दे रखा है? 1-1-dimethyl-3-hydroxy, ये भी क्या हो गया? गलत है। इसका मतलब कौन सा आंसर आ जाएगा अपना? 3rd आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े, देखिएगा क्या दे रखा है दोस्तों, ये दे रखा है कि नीचे दिए यौगिकों में कार्बन कार्बन बंध लंबाई का बढ़ता हुआ क्रम बताना है, ठीक है। क्या पूछा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की बात हो रही है। क्या दे रखा है दोस्तों? एक तो अपने को दे रखा है CH2 double bond CH2, देखो तो C2H4 क्या हो गई? एथीन हो गई। फिर क्या दे रखा है? सी
H2, ठीक है, यानी कि C2H2 एसिटिलीन दे रखी है। और फिर अपने को क्या दे रखी है, देखो तो जरा, बेंजीन, पता नहीं ये कौन सा नशा करती है जो सबसे ज्यादा स्थाई है ड्यू टू रेजोनेंस अनुनाद एरोमेटिक के कारण, है ना। और डी की बात करें तो कौन सा दे दिया दोस्तों, CH3, यही दे रखा है। अब देख लो बॉन्ड लेंथ आपको बताइए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में कितनी होती है दोस्तों, अगर अपन बात करें तो 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड की अगर अपन बात करें तो 1.20 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। और बेंजीन की अगर अपन बात करें तो कितनी होती है, 1.39 एंगस्ट्रॉम होती है। और कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की अगर अपन बात करेंगे तो कितनी होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम। और पिकोमीटर में चेंज करोगे तो पॉइंट हटा देना, 154 पीएम आ जाएगा। यस करो, चलो देखिए सबसे ज्यादा किसकी हुई, सबसे ज्यादा सिंगल बॉन्ड की हुई, और ये सिंगल बॉन्ड कौन सा है अपना, डी वाला। यस करो, डी की सबसे ज्यादा मिलेगी। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो किसकी है, बेंजीन की। और बेंजीन कौन से नंबर पे आ रहा है, देख लो कौन से पे है, सी पे है, इसका मतलब कौन आ जाएगा, डी के बाद में सी। उसके बाद में बात करें तो कौन आ गया, ए। और उसके बाद में कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। कौन सा आंसर हो गया देख लो आप, DCAB, यानी कि कौन सा आंसर मिल गया अपने को, फर्स्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो कौन सा आंसर मिला, फर्स्ट आंसर। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर, कौन सा सवाल दे रखा है अपने को, इसका आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट। ये दे रखा है बेटा जी, क्या दे रखा है अपने को, देखो 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है, हेक्सा 1,3-diene-5-ion द नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड रेस्पेक्टिवली पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। तो पहले से इसकी स्ट्रक्चर बनाइए आप, उसके बाद में ही अपन बात कर सकते हैं। क्या दे रखा है, पूछ पकड़ लो, हेक्स दे रखा है, यानी कि कितने कार्बन हो गए, 6। तो देखिएगा 6 कार्बन लिख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए 6 कार्बन। फिर अपने जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ, क्या कह रहे हैं, डबल बॉन्ड लगाओ, कौन से नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड लगाओ, 1, 2, 3 नंबर पे भी डबल बॉन्ड लगाओ, और फिर क्या कह रहा है, 5 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड लगाओ। तो 1, 2, 3, 4, 5 नंबर के बाद में क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। यस करो, अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर लो। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं, देखें कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहा है, केवल कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहा है कि कार्बन कार्बन में कितने सिग्मा बॉन्ड है। देखो ये कार्बन कार्बन में सिग्मा बॉन्ड तो है ना, पाई बॉन्ड भी है और सिग्मा बॉन्ड भी है, तो सिग्मा बॉन्ड तो होगा ही ना, सिग्मा बॉन्ड क्यों, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड पहले बनता है, पाई बॉन्ड तो बाद में बनता है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड तो इसके जीवन का हिस्सा है, तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5। तो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए दोस्तों, 5 हो गए, ठीक है। फिर अपन बात करें तो क्या दे रखा है, पाई बॉन्ड की संख्या, पाई बॉन्ड कितने हैं दोस्तों, इसमें 2 पाई बॉन्ड है, इसमें 1 पाई बॉन्ड है और इसमें भी 1 पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड कितने आ जाएंगे, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड की अगर अपन बात करें तो कितने हो गए दोस्तों, 4 बॉन्ड हो जाएंगे। यस करो, 2 उसके पास है, 1 इसके पास, 1 इसके पास, ठीक है। अब अपनी जो बात हो रही है मोस्ट इंपोर्टेंट, वो क्या हो रही है, CH सिग्मा बॉन्ड की बात हो रही है, CH सिग्मा बॉन्ड की बात हो रही है, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो कितने बॉन्ड है, इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा दोस्तों, नंबर ऑफ हाइड्रोजन के इक्वल होगा, जितने हाइड्रोजन होंगे इसका मतलब उतने ही क्या होंगे, बॉन्ड होंगे वो। तो यहां पे 2 वैलेंसी तो इसने डबल बॉन्ड से शो कर दी, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन यहां पे आ जाएंगे, 1 हाइड्रोजन यहां पे आ जाएगा, 1 हाइड्रोजन यहां पे, 1 हाइड्रोजन यहां पे, यहां कुछ आ नहीं सकता, यहां पे 1 हाइड्रोजन आ जाएगा। तो कितने हाइड्रोजन है दोस्तों, गिन लो, वही उसका आंसर आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसका मतलब कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड कितने हैं दोस्तों, 6 हैं। तो कौन सा आंसर आ जाएगा दोस्तों, देख लो, रिस्पेक्टिवली पूछा था, यानी कि सबसे पहले 5, फिर 4 और 6, 5, 4 और 6, कौन सा आंसर आ गया दोस्तों, दूसरा आंसर आ गया। तो बहुत ही प्यारा सा सवाल था ये, इसमें क्या पूछा गया है, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड भी पूछ लिया, ठीक है, कर लोगे आराम से। तो ये आपने किया होगा, बहुत ही प्यारा सा सवाल था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखिए अपने को क्या दे दिया, ये दे रखा है साहब, क्या दे रखा है, द मॉलिक्यूल विच कैन नॉट एग्जिस्ट मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म कौन सा शो नहीं कर सकता दोस्तों। मेटामेरिज्म की डेफिनेशन क्या होती है, मेटामेरिज्म उसको बोलते हैं कि व्हेन टू आइसोमर हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, यानी कि क्रियात्मक समूह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप सेम है बट पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप से अटैच अल्काइल और एराइल पार्ट की नेचर अगर डिफरेंट होती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मेटामर्स बोलते हैं। यानी कि फंक्शनल ग्रुप तो सेम है
बट पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप से अटैच एल्काइल और एराइल पार्ट की नेचर अगर दोस्तों डिफरेंट है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मेटामर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेटामर्स। ठीक है। ईथर, ईथर मेटामेरिज्म शो करता है? जी हाँ करता है साहब। ईथर की क्या दे रखा है? C4H10 दे रखा है। देखिएगा दोस्तों, मान लो आपने यहाँ पे ये लगा दिया, कितने कार्बन, दो एक साइड में है और दो ही एक साइड में कर दिया आपने, यही है डाई इथाइल ईथर। ठीक है, इसका मेटामर्स बनाएंगे तो क्या कर देंगे दोस्तों, मान लो आपने ये कर दिया, एक दो तीन, एक साइड में तीन कार्बन लगा दिए, या फिर आप इसका आइसोमर भी चेंज कर सकते हो, यानी कि ये तीनों आपस में क्या रिश्ते में लगेंगे, मेटामर्स लगेंगे। मेटामेरिज्म के लिए क्या हो सकती है दोस्तों, मेटामेरिज्म के साथ साथ सीआई या फिर पीआई हो सकती है। सीआई मतलब चेन आइसोमर या पोजीशन आइसोमर हो सकती है, बट इनको कंसीडर नहीं करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी अपन किसको देते हैं, मेटामेरिज्म को देते हैं। यस करो, तो इसका मतलब इसमें मेटामेरिज्म शो हो रही है। फिर अगर अपन बात करें तो एल्कीन, एल्कीन शो नहीं करेगी दोस्तों, एल्कीन पोजीशन आइसोमेरिज्म चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकती है, बट क्या शो नहीं कर सकती दोस्तों, मेटामेरिज्म शो नहीं कर सकती। यानी कि एल्कीन आपको दे दी 1 2 3 4, यहाँ डबल बॉन्ड दे दिया, आप डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दोगे, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दोगे, तो वो क्या होगी, पोजीशन आइसोमेरिज्म होगी, न कि मेटावर्स। मेटावर्स में काउंट नहीं करते। ठीक है, क्यों? क्योंकि अनसेचुरेशन तो कहीं भी पाई जा सकती है, इसका मतलब सारे मेटावर्स होंगे फिर वो, नहीं दोस्तों, इसको किस में काउंट नहीं किया जा सकता, मेटामेरिज्म में काउंट नहीं करते। फिर अपने क्या दे रखा है दोस्तों, कीटोन दे रखा है, और कीटोन क्या है, ये क्या शो करेगा दोस्तों, मेटामेरिज्म शो कर सकता है, उछल कूद करते हुए। अपने को क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 कार्बन दे रखे हैं, अब इसमें चेंज कर दो, ये क्या लगा रखा है, प्रोपाइल लगा रखा है, इसका क्या बना दो, आइसो प्रोपाइल लगा दो, इसका मतलब ये भी शो करेगा, और ये एमीन है, एमीन भी शो करेगी दोस्तों, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन आपस में क्या होंगे, एफजीआई होंगे। 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री वाले जितने भी हैं वो आपस में मेटामर्स हैं, 3 डिग्री 3 डिग्री वाले आपस में क्या है, मेटामर्स हैं। ठीक है, उसकी अगर अपन बात करें तो 1 डिग्री वाले मेटामर्स शो नहीं कर सकते, 1 डिग्री एमाइन मेटामर्स शो नहीं कर सकती। तो क्या दे रखा है दोस्तों, मान लो अपने को चार कार्बन दे रखा है, एक साइड में तीन लगा दो और एक साइड में क्या लगा दो, एक कार्बन लगा दो। अब ये कौन सा ग्रुप है, प्रोपाइल, इसको किस में चेंज कर दो, आइसो प्रोपाइल में, वही वाली बात आ जाएगी कि ऑक्सीजन को हटाओ NH लगाओ। यस करो, तो कौन सा आंसर आ जाएगा जो मेटामेरिज्म शो करने के हालात में नहीं है, वो कौन सा है, सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ें। ये सवाल अपने को दे रखा है, देखो ये भी एनसीईआरटी का बहुत ही प्यारा सा सवाल है। क्या दे रखा है दोस्तों, द नंबर ऑफ जेम डाइहैलाइड पॉसिबल विद मोलिकुलर फॉर्मूला, ये दे रखा है। ठीक है, तो अब बताइएगा दोस्तों क्या पूछा गया है, जेम, जेम किसके लिए यूज करते हैं, कि इस एक ही कार्बन की दो वैलेंसी फ्री है तो उसके लिए अपन क्या यूज किया जाता है, जैम या फिर एल्काइलिडीन, याद करो। ठीक है, यानी कि अपने को क्या दे दिया, अपने को एल्केन दे दिया दोस्तों, एल्केन, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये भी, एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दें तो क्या बन जाता है, एल्काइल बन जाता है, और एक ही कार्बन से अगर अपन दो हाइड्रोजन को हटा दें, एक ही कार्बन से, सेम कार्बन एटम से अगर दो हाइड्रोजन को हटा देंगे तो क्या नेम हो जाता है उसका, एल्काइलिडीन। क्या नेम हो जाता है, एल्काइलिडीन, इसको ही अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, जेमिनल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जेमिनल। दूसरी अगर अपन बात करें तो पड़ोस में से नियर कार्बन से क्या कर दें, एक एक हाइड्रोजन को हटा दें तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एल्काइलीन। क्या बोला जाता है, एल्काइलीन, एल्काइलीन, और इसको अपन क्या कहते हैं, विसिनल। क्या कहा जाता है, विसिनल। ठीक है, और अगर अपने क्या करें दोस्तों, तीन हाइड्रोजन को एक ही कार्बन से हटा दें, सेम कार्बन एटम से तीन हाइड्रोजन को हटा दें तो ये क्या थी, एल्काइलिडीन, और उसको अपन क्या बना देंगे, डाइन बना देंगे, यानी कि एल्काइलिडाइन। क्या नेम हो जाएगा, एल्काइलिडाइन, आइन यूज कर देंगे लास्ट में। ठीक है, और अगर अपन टर्मिनल एंड से सिंगल सिंगल हाइड्रोजन को हटा दें, कहां से भला, टर्मिनल कार्बन से हटा देंगे तो क्या नेम हो जाता है दोस्तों, पॉलीमिथाइलीन। क्या नेम हो जाता है, पॉलीमिथाइलीन इसका नेम हो जाता है। बट अपने बात किसकी हो रही थी दोस्तों, जैम डाइहैलाइड की बात हो रही थी, तो जैम इसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे, एक ही कार्बन से अगर दो वैलेंसी फ्री है तो वहां पे आपने फ्री वैलेंसी थी, वहां पे आपने क्या लगा दिया दोस्तों, हैलोजन लगा दिया, तो उसे अपन क्या बोल देंगे, जेमिनल, जेमिनल डाइहैलाइड। ठीक है, तो चलो बात कर लेते हैं, अपने क्या दे रखा है, अपने को एक तो मोलिकुलर फॉर्मूला ये दे रखा है, क्या दे रखा है, मोलिकुलर फॉर्मूला ये दे रखा है, कितने कार्बन है, दो कार्बन, तो क्या कर सकते हैं, CH3CH यहाँ पे X लगा दो और यहाँ पे क्या लगा दो दोस्तों, X लगा दो, एक तो ये बना दिया। अब दूसरा इसका आइसोमर क्या बना सकते हो,
चाहे तो आप इस पे लगाओ चाहे इस पे लगाओ, दोनों एक ही बात है। दूसरा आप क्या लगा सकते हो दोस्तों, CH2 और X लगा सकते हो। इसका मतलब ये तो आपका जेमिनल है, लेकिन ये आपका जेमिनल नहीं है दोस्तों, कौन सा है, विसिनल है। ठीक है, तो इसका जेमिनल कितना बनाया जा सकता है, मात्र एक बनाया जा सकता है। और दूसरा अपने को क्या दे रखा है, देखो तीन कार्बन दे रखे हैं, तीन कार्बन की अगर मैं बात करें तो अपने को क्या दे दिया, तीन कार्बन, एक यहाँ पे एक्स लगाइए और एक यहाँ पे। अब इसका नेम क्या हो गया, 1,1-di। ठीक है, फिर अपन क्या कर सकते हैं बताओ तो, अब इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं ना, यहाँ पे और यहाँ पे क्या नेम हो जाएगा दोस्तों, 2,2। इसका मतलब ये भी कैसा है दोस्तों, जेमिनल, और ये भी कैसा है, जेमिनल। अब और अगर इसका आइसोमर बनाओगे तो आपको पता है दोस्तों क्या कर दोगे, एक 1 पे लगा दो, एक 2 पे लगा दो, एक 1 पे लगा दो, 3 पे लगा दो, वो तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर हो गया। अपने से क्या पूछा गया था, मात्र जेमिनल पूछा गया था। इसका मतलब जेमिनल इसके कितने बनाए जा सकते हैं, 2 इसके बनाए जा सकते हैं और एक इसका बनाया जा सकता है, तो पहले का 1 और दूसरे का 2। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा, तो देख लो दोस्तों, पहले का 1 और दूसरे का 2, तो 1 और 2 आंसर आ जाएगा आपका। यस करो, चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। कौन सा सवाल दे रखा है अपने को, ये दे रखा है बेटा जी, कौन सा दे रखा है, दी गई संरचना में एकल बंध से जुड़े कार्बन 2 और कार्बन 3 में संकरित अवस्था बतानी है, कार्बन 2 एंड कार्बन 3 में हाइब्रिडाइजेशन बताना है दोस्तों, सिंगल बॉन्ड में जुड़े हुए हैं। तो देखिए यहां से अब नंबरिंग कहां से करेंगे, नंबरिंग अपन उस ओर से करेंगे जिस ओर से क्या मिले, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को लेस नंबर मिले। तो यहां से अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों सेम होते तो डबल बॉन्ड से मिलता, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सेम नहीं है तो अपन कहां से करेंगे, जो नजदीक में है। तो 1, 2, 3, 4, 5 इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp, इसका भी sp, इसका sp2, इसका कौन सा हो जाएगा sp2 और इसका sp3। ठीक है, तो कौन सा हुआ पहले का, पहला तो आपका हुआ sp और दूसरा अपना कौन सा हुआ sp2। ठीक है, तो रिस्पेक्टिवली पूछा है तो दो आंसर दे रखे हैं, देखो एक तो sp sp2 और दूसरा क्या दे रखा है sp2 sp। ठीक है, तो अपन क्या देंगे, दूसरा नंबर कार्बन ये है तो क्या आएगा, पहले sp और उसके बाद में sp2 आएगा, तो कौन सा आंसर हो गया दोस्तों, फर्स्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि पहला आंसर आपको मिल गया। यस करो, चलो नेक्स्ट, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आपको क्या दे रखा है, 19 नंबर सवाल दे रखा है। ठीक है, क्या पूछा गया है दोस्तों, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछा गया है। ठीक है, सबसे अच्छा बेस कौन सा है, सबसे अच्छी ताकतवर भैंस कौन सी है, तो देख लो दोस्तों कौन सी भैंस ताकतवर है कौन सी नहीं है। ठीक है, उसी की बात कर लेते हैं, चलो बेस की बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस क्या दे रखा है दोस्तों, मिथाइल, क्या दे रखा है CH3-, फिर क्या दे रखा है अमोनिया, अमोनिया क्या होता है दोस्तों NH3। यस करो, उसके बाद में क्या दे रखा है दोस्तों OH- और एक क्या दे रखा है दोस्तों F-, यही तो दे रखा है। अब आपको पता है कि एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, यानी कि एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर EN इंक्रीज होती है, क्या होती है दोस्तों, इधर से इधर जाने पर EN क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो EN इंक्रीज होगी तो डोनेटिंग नेचर क्या हो जाएगी दोस्तों, डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब EN डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंजूसी के, जिसके पास धन जितना ज्यादा होगा इसका मतलब वो उतना ही ज्यादा कंजूस होगा। ठीक है, तुम लोगों की बात नहीं कर रहा यार, ठीक है, कहीं दिल पर ले लो। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है, क्या है, जिसकी EN ज्यादा होगी इसका मतलब वो उतना ही कंजूस होगा। तो सबसे कम EN वाला कौन सा है, कार्बन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जल्दी डोनेट करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, गरीब दास है, जल्दी लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। तो कौन सा सबसे अच्छा बेस हुआ दोस्तों, फर्स्ट वाला, ठीक है, मिथाइल आयन हो गया। ठीक है, चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, कौन सा सवाल अपने को दे रखा है, 20 नंबर सवाल। देखो तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल निम्न में से किसका क्रियात्मक समावी है, कार्बोक्सिलिक एसिड, देख लो ये दे रखा है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर अपन बात करें तो किसका होता है, मान लो कोई एक छोटा सा एग्जांपल लिया, CH3COOH, यही तो है कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि एसिटिक एसिड ले लिया। ठीक है, इससे एमाइन बना सकते हो क्या, नहीं बनाया जा सकती, एमाइन में नाइट्रोजन ग्रुप है, इसमें नहीं है दोस्तों। एस्टर, जी हाँ एस्टर बनाया जा सकता है, एस्टर बनाएंगे तो क्या कर देंगे दोस्तों, मान लो दो कार्बन आपको दे रखे हैं तो इसका अपन एस्टर बना देंगे, ये बना दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये एस्टर, ये दोनों आपस में क्या हो गए, FZI हो गए, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो गए। ईथर बनाया जा सकता है क्या, ना ना ना, ईथर में तो क्या है दोस्तों, ईथर में तो एक ऑक्सीजन चाहिए और इसके पास है दो ऑक्सीजन, इसका मतलब अल्कोहल बनाया जा सकता है क्या दोस्तों, अल्कोहल नहीं बनाया जा सकता, अल्कोहल नहीं बनाया जा सकता है। इसका मतलब किसका FZI क्रियात्मक समावी है, वो एस्टर का। यस करो, तो कौन सा आंसर आ जाएगा अपना, सेकंड आंसर।
नेक्स्ट इसी कड़ी में आगे बढ़े हैं, तो कौन सा सवाल दे रखा है दोस्तों, डाइपोल मूवमेंट का बेहद ही प्यारा सा सवाल। देख लो, स्ट्रक्चर बनाओ, लुप्त उठाओ और डाइपोल मूवमेंट यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण चेक करो। ठीक है, तो देख लो स्ट्रक्चर बनाइए, पहले क्या दे रखी है, ट्रांस, और क्या दे रखा है, ब्यूटीन, टू ब्यूटीन, ट्रांस बनाइए पहले। तो ट्रांस कौन सी पोजीशन होती है दोस्तों, ये सेम ग्रुप सेम साइड में होते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सिस। और ये शाहरुख खान वाली कंडीशन कौन सी हो जाती है, यानी कि ग्रुप अपोजिट हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस। ठीक है, तो देख लो ब्यूटीन दे रखा है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, और यहां पे क्या दे रखा है दोस्तों, टू ब्यूटीन लगा दिया आपने, यहां पे क्या लगाइए, CH3, यहां पे भी क्या लगाइए, CH3, क्योंकि ट्रांस। और फिर क्या दे रखा है, 2,3-dichloro, 1,2,2,3-dichloro, यही तो हुआ दोस्तों ट्रांस। अब देखिए क्या मामला है इसका, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी क्या करेगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्यों, क्योंकि EN जिसकी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन देगा और जिसकी EN ज्यादा होगी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। EN किसको बोलते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी, क्या कहलाती है या टेंडेंसी, क्या कहलाती है, EN कहलाती है, विद्युत ऋणता कहलाती है, बंधित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। ठीक है, तो ये क्या करेगा दोस्तों, ये इधर दे रहा है और ये इधर दे रहा है, यानी कि ये CH3 एक इधर दे रहा है और एक इधर दे रहा है, एक दूसरे को क्या कर देंगे दोस्तों, कैंसल आउट कर देंगे, कहानी खत्म हो गई CH3 की। तो अब ये क्या कर रहा है दोस्तों, ये Cl इधर खींच रहा है और ये Cl इधर खींच रहा है, लो कर लो बात, ये इधर खींच रहा है और ये इधर खींच रहा है, वो इधर दे रहा था एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहा था, और वो इधर खींच रहे हैं एक दूसरे को, क्या कर देंगे दोस्तों, कैंसल आउट कर देंगे, कहानी खत्म हो गई। इसका मतलब इसका डायपोल मोमेंट क्या हो गया दोस्तों, जीरो, क्या हो गया, जीरो। तो ये अपना आंसर नहीं हो सकता। फिर क्या दे रखा है दोस्तों, 1,2-dichlorobenzene, 1,2-dichlorobenzene, जी हाँ। अब यहां देखिएगा क्या दे रखा है अपने को, Cl, और यहां पे भी क्या दे रखा है, Cl, तो ये इधर इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये क्या करेगा दोस्तों, इधर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये 60 डिग्री पे दोनों इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इधर, इसका मतलब इसका डायपोल मोमेंट क्या नहीं हो सकता दोस्तों, कदापि जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ये दूसरा डाइपोल मूवमेंट शो करेगा। चलो बढ़ते हैं कौन से की ओर, फोर्थ की ओर, फोर्थ में थर्ड की ओर, थर्ड क्या दे रखा है दोस्तों, ये दे रखा है 1,4, ये दे दिया आपने Cl और ये दे दिया आपने Cl, ये देख लो, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। ठीक है, यानी कि 180 पे खींच रहे हैं, इसका मतलब डाइपोल मूवमेंट क्या रहेगा दोस्तों, जीरो। ठीक है, यहां पे क्या दे दिया, 2-butyne, 2-butyne, CH3, C(CCH3), ये कैसी है दोस्तों, लीनियर, कैसी है, लीनियर, यानी कि रेखा, मैंने तुझे पहली बार देखा, देखते ही समझ गया था कि ये कुछ नहीं कर सकती, इसका मतलब क्या हो गया, डाइपोल मूवमेंट जीरो हो गया, यानी कि ये भी क्या करेगा दोस्तों, ये भी इधर और ये भी इधर, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे, तो कहानी क्या हो गई, इसकी भी खत्म हो गई। इसका मतलब कौन सा आंसर आ जाएगा, सेकेंड आंसर आ जाएगा 1,2-dichlorobenzene, जो है वो डाइपोल मूवमेंट शो करेगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े, तो क्या दे दिया आपने को, देखो तो जरा क्या दे रखा है दोस्तों, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर हैव एब्सेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक रिंग इन बोथ साइक्लिक, यानी कि निम्न में से कौन से युग्म में दोनों यौगिक कार्बोचक्रीय वल्य नहीं है। कार्बोचक्रीय का मतलब क्या हो गया दोस्तों, कार्बोसाइक्लिक का मतलब यहां पर यह नहीं है कि कार्बोक्सिलिक एसिड हो, नहीं, कार्बोसाइक्लिक का मतलब है जिसमें कार्बन 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 उपस्थित हैं, वो कार्बोसाइक्लिक रिंग है, यानी कि जिसमें कार्बन 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 है, होमोसाइक्लिक जिसको बोला जाता है दोस्तों, वही है कार्बोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक का दूसरा नाम है कार्बोसाइक्लिक। ठीक है, फिर क्या पूछा गया है, कार्बोसाइक्लिक वल्य नहीं है, इसका मतलब जिसमें कार्बन के अलावा भी कोई और बैठा है दूसरा, इसका मतलब वो कार्बोसाइक्लिक नहीं हो सकती। ठीक है, इसका मतलब हेट्रोसाइक्लिक होगी, वो कौन सी होगी, हेट्रोसाइक्लिक। फर्स्ट को पकड़िए, कौन दे रखी है, पिरिडीन, पिरिडीन दे रखी है दोस्तों, इसका मतलब यहां पे क्या दे दिया, नाइट्रोजन। ठीक है, और यहां पे क्या दे दिया दोस्तों, बेंजीन, इसका मतलब ये बेंजीन जो है वो तो होमोसाइक्लिक है, बट ये हेट्रोसाइक्लिक है, ये कार्बोसाइक्लिक है, ये कार्बोसाइक्लिक नहीं है, तो उसने दोनों पेयर पूछे हैं, इसका मतलब ये नहीं हो सकता साहब, कहानी खत्म। ठीक है, फिर क्या दे रखा है, बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन दे दिया, बेंजीन अपनी ये रही और साइक्लोहेक्सेन ये रही, ये दोनों तो कैसी हैं देखो बताओ तो, कार्बोसाइक्लिक हैं। ठीक है, जिसमें कार्बन 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 उपस्थित हैं। फिर क्या दे दिया दोस्तों, साइक्लोहेक्सेन और फ्यूरेन दे दिया, ये रही आपकी साइक्लोहेक्सेन और फ्यूरेन अपनी क्या होती है दोस्तों, बताइए जरा, ये आपकी क्या होती है, फ्यूरेन, यस नो, इसका मतलब ये तो क्या है, होमोसाइक्लिक और ये हाइड्रोसाइक्लिक है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। फिर अपने क्या दे दी, पिरिडीन और फ्यूरेन,
ये देखिए ये पिरिडीन आपकी और ये क्या है दोस्तों प्यूरेन है। ये दोस्तों क्या है दोनों की दोनों हेट्रोसाइक्लिक है, इसका मतलब इन दोनों में कार्बोसाइक्लिक रिंग नहीं है। ठीक है, कार्बन के अलावा भी कोई और उपस्थित है इसका मतलब वो कार्बोसाइक्लिक में नहीं आएगी, किसमें आएगी हेट्रोसाइक्लिक में आएगी। यही अपना क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर हो गया फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्या दे रखा है अपने को देखिएगा जरा बताइए। निम्न में से कौन सी गैस कोयले की खानों व दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, बिल्कुल आसान सा सवाल था। ठीक है, कौन सी है बताइए, नेचुरल गैस में सबसे ज्यादा परसेंट होती है उसकी, कौन सी है वो, मीथेन, जिसको क्या बोला जाता है दोस्तों गोबर गैस। ठीक है, यही है आपकी मीथेन। मीथेन जो नेचुरल गैस में भी क्या होती है 80% होती है। ठीक है, ये क्या है और कहां मिलती है ये गैस कोयले की खानों और दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। यस करो, ये बिल्कुल आसान सा सवाल था, बिल्कुल ऐसे सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है अपने, ये कह रहा है 24 नंबर सवाल, देखिएगा 24 नंबर सवाल अपने से क्या पूछा गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है दोस्तों हाइड्रोकार्बन में। अब बीपी आपको पता है दोस्तों क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलिकुलर वेट के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइड चेन के। किसके, साइड चेन के। साइड चेन के क्या होता है भला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि ब्रांच जितनी ज्यादा होगी उसमें सरफेस एरिया उतना ही क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, उसमें वंडरवाल अट्रैक्शन फोर्स उतने ही क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे, तो बीपी उतना ही क्या हो जाएगा दोस्तों कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए सबसे कम की अगर अपन बात करें कि सबसे कम ब्रांच किसमें है और मोलिकुलर वेट भी सबसे ज्यादा किसमें है, तो ए और बी में तो कितने कार्बन है दोस्तों 4 कार्बन है और सी डी ई में कितने कार्बन है 5। ठीक है, तो इन तीनों का ज्यादा होगा इन दोनों की अपेक्षा। ठीक है, तो देख लो एन पेंटेन और एक आइसोपेंटेन और एक नियो पेंटेन दे रखा है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा बताओ एन पेंटेन का, कोई ब्रांच नहीं है दोस्तों, एन पेंटेन का क्या रहेगा सबसे ज्यादा रहेगा, कौन सा है दोस्तों ये डी। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो कौन आएगा, आइसोपेंटेन या नियो पेंटेन, ब्रांच बताओ किसकी ज्यादा है, एन पेंटेन और नियोपेंटेन में से, नियोपेंटेन में 2 पंखुड़ियां लगी हुई है और आइसोपेंटेन में 1 ही है, इसका मतलब आइसोपेंटेन की ज्यादा होगी, तो कौन सा आ गया दोस्तों आइसोपेंटेन। ठीक है, कौन सा आ जाएगा दोस्तों सी। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो देखो कौन आएगा ई, नियोपेंटेन। यस करो, नियोपेंटेन। नियो कब यूज करते हैं दोस्तों, नियो की अगर अपन बात करें तो टर्मिनल एंड से सेकंड नंबर कार्बन पर 2CH3 और कार्बन 4 डिग्री हो तो अपन क्या यूज करते हैं, नियो का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में एन पेंटेन, एन ब्यूटेन दे रखा है और आइसोब्यूटेन दे रखा है, बताओ किसमें ब्रांच है, आइसोब्यूटेन में ब्रांच है और एन ब्यूटेन में ब्रांच नहीं है, इसका मतलब बीपी किसका ज्यादा होगा, एन ब्यूटेन का ज्यादा होगा, तो एन ब्यूटेन कौन सा है दोस्तों ए और उसके बाद में कौन आएगा बी, बी यानी कि आइसोब्यूटेन। तो ये देख लो दोस्तों ऑर्डर अपने को मिल गया है, कौन सा आ जाएगा डी सी ई ए बी, डी सी ई ए बी, डी सी ई ए बी, यानी कि कौन सा आंसर मिल गया अपने को फोर्थ आंसर मिल जाएगा। यस करो, जी हाँ। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखिए क्या दे रखा है अपने को, ये दे रखा है C5H8 मोलिकुलर फॉर्मूला जो अपने को दे रखा है, यानी कि क्या दे रखा है अल्काइल ग्रुप की बात कर रहा है दोस्तों। ठीक है, रेडिकल की बात कर रहा है, C5H11 मोलिकुलर फॉर्मूला जो अपने को दे रखा है, इसके कितने रेडिकल बना सकते हो, कितने रेडिकल बना सकते हो दोस्त, 8 रेडिकल बना सकते हैं सिंपल बात करें तो। ठीक है, कैसे भला, यानी कि अपने को क्या है एन पेंटेन, पेंटेन का आइसोमर है ये, पेंटेन में आपको पता है 1, 2, 3, 4 ये बना सकते हो पेंटेन। ठीक है, पेंटेन से आप क्या बना सकते हो दोस्तों, आइसो पेंटेन भी बनाई जा सकती है और एक क्या बनाई जा सकती है दोस्तों नियो पेंटेन भी बनाई जा सकती है। ये तो पेंटेन है यानी कि C5H12 है। ठीक है, और अब इसके रेडिकल बनाएंगे दोस्तों, तो क्या बनाएंगे आप, इसके रेडिकल बनाओगे तो वो बनेंगे C5H11। ठीक है, उसके कितने रेडिकल बनाए जा सकते हैं कि इसमें कितने टाइप के हाइड्रोजन एंड कार्बन उपस्थित हैं, उससे उतने ही रेडिकल बनाए जा सकते हैं। ये एनसीईआरटी के कॉलम का सवाल है, बिल्कुल हूबहू। ठीक है, C5H11 के कितने रेडिकल बनाए जा सकते हैं दोस्तों, ये 1 डिग्री, फिर दूसरा यहां से निकाल दीजिएगा, फिर तीसरा यहां से, 3 इसके बन जाएंगे, ये इथाइल इथाइल सेम हो गया है ना। यहां पे अगर बात करें तो 1 यहां से बनाइएगा, दूसरा यहां से, तीसरा यहां पे और फोर्थ है यहां पे, ये नंबर ही नहीं कर रहा हूं, कहीं यूपीएससी नंबर समझ लो है ना। तो ये क्या है दोस्तों, ये टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन की बात हो रही है।
ठीक है, ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, ये तीनों एनवायरमेंट में सेम नहीं है दोस्तों, इनकी संगति अलग अलग है। क्यों? क्योंकि ये 1 डिग्री 2 डिग्री से जुड़ा होगा और ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं? 3 डिग्री से जुड़े हैं। इसका मतलब इनकी संगति क्या हो गई दोस्तों? अलग अलग हो गई। यस करो, चलो देखते हैं। इससे 4 बनाए जा सकते हैं, इससे 3 बनाए जा सकते हैं और नियो पेंटेन से 1 ही बनाया जा सकता है क्योंकि 12 के 12 हाइड्रोजन क्या है एनवायरमेंट में? सेम है, 1 डिग्री है सारे के सारे, 1 इससे। तो कितने हो गए दोस्तों? 3 + 4 + 1, यानी कि टोटल कितने बनाए जा सकते हैं? 8 रेडिकल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इससे ये भी सवाल पूछा गया है कि C5H12 यानी कि C6H12 और O2 में कितने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए जा सकते हैं? बहुत ही प्यारा सवाल है, एक सवाल और बता देता हूं। चलो, C6 यानी कि C6H12O2 में कितने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए जा सकते हैं? तो देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या यूज करोगे? CWH होता है। कितना होता है? CWH। अब यहां से देखिए, एक कार्बन इसमें आ गया, कितने कार्बन बच गए? 5 कार्बन, 12 थे, एक हाइड्रोजन इधर गया, इसका मतलब कार्बन हाइड्रोजन 11। ठीक है, तो इसका मतलब ओ दोनों यहीं आ गए। C5H11 के कितने कार्बोक्सिलिक एसिड बने? यानी कि जितने इसके आइसोमर बने, कितने? 8 रेडिकल बनेंगे। यहां जहां वैलेंसी आपने भरी छोड़ोगे, वहां वहां क्या लगा दोगे? CWH। तो कौन सा आंसर आ जाएगा दोस्तों? इसका आंसर अपने को मिल गया 8। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौन सा सवाल दे रखा है अपने को, देखिए। IUPAC नेम, ये भी NCERT का है, देख लो, बिल्कुल आसान सा सवाल है। CH3 की 3, एक नन्ही सी जान पर 3 CH3 लगा रखे हैं। देखो तो इसको गौर से, इस कार्बन को, इस कार्बन पर क्या लगा रखे हैं दोस्तों? इधर भी CH3, उधर भी CH3, जिधर नहीं लगा था वहीं भी लगा दिया आपने CH3। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, क्या दे दिया दोस्तों? CH2। देखो तो CH2, फिर क्या दे रखा है? एक फिर एक बार नन्ही सी जान पर 3 CH3 लगा देंगे, CH3 CH3 और CH3, ये दे रखा है। तो देखिएगा, अब इसमें क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे और नेम लिख देंगे। लॉन्गेस्ट चेन आपने यही सीधी सादी भोली भाली वाली सिलेक्ट कर ली। फिर अपन काउंटिंग करेंगे, काउंटिंग किस ओर से करेंगे? जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को लेस नंबर मिले, किधर से भी कर लो, 1 2 1 2, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है ये, यानी कि नंबरिंग किधर से भी कर लो सिमेट्रिकल उसको बोलते हैं, कि नंबरिंग किधर से कर लो नाम क्या आए? सेम आए। तो ये देखो, 2 नंबर पे ये पंखुड़ी लगी हुई है, 2 नंबर पे लगी हुई है, 4 नंबर पे लगी हुई है, 4 नंबर पे लगी हुई। ठीक है, इसका IUPAC नाम लिखेंगे 2 2 4 4। ठीक है, 4 बार कोई चीज आए तो क्या यूज करते हैं? सेम चीज आ रही है, इसका मतलब सेम ग्रुप, तो टेट्रा यूज करेंगे। ठीक है, और फिर क्या है, कौन सा ग्रुप आ रहा है दोस्तों? मिथाइल, तो क्या यूज कर देंगे? मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, 5 कार्बन के लिए क्या यूज कर देंगे? पेंट, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन यूज कर देंगे। बताइए कौन सा IUPAC नेम हो गया? फर्स्ट हो गया क्या? 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। यस करो, ये देखो इसमें नंबरिंग गलत दे रखी है। ठीक है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा दोस्तों? फर्स्ट सी आंसर आ जाएगा। ठीक, हाँ, तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल 27 नंबर देखिएगा, क्या कह रहा है अपने से? ये कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर ऑफ, ये स्ट्रक्चर अपने को दे रखी है और इसका क्या पूछा गया है? सही स्ट्रक्चर, यानी कि नेम अपने को दे रखा है और सही स्ट्रक्चर पूछी गई है। तो देखिएगा दोस्तों, क्या दे रखा है? पेंटेन, यानी कि 5 कार्बन बना लो पेंटेन, और 3rd नंबर पे क्या लगा दो? इथाइल, 1 2 3, 3rd नंबर पे आपने क्या लगा दिया दोस्तों? इथाइल। फिर 2 2 डाइमिथाइल, 2 2 डाइमिथाइल। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं अपने? कंडेंसेशन कर देते हैं, यानी कि संघनन कर देते हैं, संघनन फॉर्मूला बना देते हैं, CH3C, और यहां पे क्या लगा देंगे? CH3 की 2, और फिर क्या जाएगा? CH और C2H5, और क्या जाएगा? CH2CH3। कौन सा आंसर आ जाएगा दोस्तों? ये अपना आंसर मिल गया, कौन सा? सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, अपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक नन्ही सी जान पर 3 CH3 हैं, तो 3 CH3 का मतलब क्या हो गया? कि CH3 की 3, यानी कि CH3 की 3, और फिर क्या दे रखा है? कार्बन। फिर क्या दे रखा है? CH, और इसके साथ में क्या जाएगा अपने? इथाइल, यानी कि अपने किस कैसे लिख सकते हैं इसको? CH3 की 3 C, और फिर CH, यहाँ पे C2H5, और आगे क्या जाएगा? CH2CH3। फर्स्ट ऑप्शन में यहां तक तो सेम था, लेकिन एक कार्बन ज्यादा है, इसका मतलब कौन सा आंसर रहेगा अपना? फर्स्ट आंसर। ठीक है, कौन सा सवाल अपने को दे रखा है? 28 नंबर, ऐसे परमाणुओं की त्रिविम व्यवस्था जो कार्बन कार्बन एकल बंध के घूर्णन के कारण एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती हैं, वो कहलाती हैं। सिंगल बोन में फ्री रोटेशन के कारण जो बनते हैं, इन्फिनाइट अरेंजमेंट बनते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों?
कार्बन कार्बन सिंगल में फ्री रोटेशन के कारण अपने को जो इन्फिनाइट अरेंजमेंट मिलता है वो क्या कहलाता है, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर यानी कि रोटोमर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कन्फॉर्मर्स कहलाते हैं, ये इसकी डेफिनेशन ही है दोस्तों, एनसीईआरटी से उठाई हुई लाइन। ठीक है, क्या कहलाते हैं, कन्फॉर्मर्स कहलाते हैं। ठीक है, कर लोगे आराम से, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। क्या दे रखा है अपने को, 29 नंबर सवाल, देखो बेहद ही प्यारा सा सवाल है। क्या कह रहा है, सहसंयोजक बंधु अलग अलग तरीकों से क्लीवेज किए गए हैं उनमें। ठीक है, तो क्या किया गया है, फ्यूजन किया गया है इनटू डिफरेंट वे। तो क्या कह रहा है कि बी आर हेट्रोलाइटिक दे रखा है, क्लीवेज को शामिल करने में सही प्रतिनिधित्व करता है। क्या दे रखा है दोस्तों, ये दे रखा है सी एस थ्री बी आर, जिसकी ई एन ज्यादा होगी वही इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा दोस्तों। हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज और होमोलाइटिक क्लीवेज की अगर हम बात करें, होमोलाइटिक तो किसको बोलते हैं कि अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाए। ठीक है, तो यानी कि ये अपना इलेक्ट्रॉन, इन दोनों की बात नहीं बनी। ठीक है, इन दोनों की बात नहीं बनी, इन दोनों ने साझेदारी ब्रेक कर दी। इसका मतलब क्या आ जाएगा दोस्तों, इसके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी क्या रहेगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो ये तो क्या बन जाएंगे, फ्री रेडिकल। अब इसमें क्या है दोस्तों, एक मोर इन एटम है, मोर इन एटम है, और एक क्या है, लेस इन एटम है। इसका मतलब इसके ऊपर क्या रहेगा दोस्तों, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या रहेगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। अब जिसकी ई एन ज्यादा होगी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब किसकी ई एन ज्यादा है, बी आर की है, तो इसका मतलब बी आर सी एस थ्री बी आर को कह रहा है जा बेवफा जा। इसका मतलब ये बेवफा जा रहा है, क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन लेकर यानी कि साझेदारी सब कुछ ब्रेक करके, सब कुछ छोड़ छाड़ के अनारकली डिस्को चली। यानी कि क्या आ जाएगा दोस्तों, सी एस थ्री के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और बी आर के ऊपर क्या आएगा दोस्तों, नेगेटिव चार्ज, यही तो मिलेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बी आर की ओर जा रहे हैं। तो देख लो दोस्तों कौन सा है, ये तीर देखो गलत मार रखा है, ये तीर सही मार रखा है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है, कौन लेकर जा रहा है दोस्तों, बी आर इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन किधर होगी, इधर ही होगी। उसके बाद में ये भी गलत मार रखा है, ये होमोलाइटिक क्लीवेज कर रखा है, और ये अपने से क्या पूछा गया था दोस्तों, हेट्रोलाइटिक फ्यूजन की बात हो रही थी। कौन सा आंसर आ जाएगा, सेकंड। कर लोगे, चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ करते हैं। कौन सा सवाल अपने को दे रखा है, 30। देखिएगा दोस्तों क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रोफाइल आर इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीसीज। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही किसे कहा जाता है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला, इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला, इलेक्ट्रॉनों की ओर आकर्षित होने वाला, इलेक्ट्रॉनों को चाहने वाला। तो इलेक्ट्रॉनों को चाहने वाला कौन है दोस्तों, जिसका या तो ऑक्टेट कंप्लीट हो, सॉरी जिसका क्या हो, ऑक्टेट अनकंप्लीट हो। इलेक्ट्रॉनों को चाहने वाला कौन सा होता है, जिसका ऑक्टेट क्या हो, अनकंप्लीट हो, यानी कि अष्टक पूरण ना हो। ठीक है, या फिर उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल। अब देखो BF3 इलेक्ट्रॉनों को चाहने वाली स्पीसीज है, कैसी है, क्यों, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका वैकेंट ऑर्बिटल पड़ा है, क्योंकि अष्टक पूरा नहीं है। यहाँ पे अमोनिया, अमोनिया अब इलेक्ट्रॉनों को चाहने वाली नहीं है दोस्तों, ये नाभिक को चाहने वाली स्पीसीज है, क्यों, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, लुईस बेस है ये, और लुईस जो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। वाटर की अगर अपन बात करें तो दोस्तों इसके पास तो एक ही था, इसके पास तो दो दो है लुटाने के लिए, इसका मतलब ये क्या है दोस्तों, लेकिन लुटाएगा बंदा एक ही, किसी के पास कितने भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, केवल एक लोन पेयर को ही लुटाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये पेयर नहीं हो सकता। NO2 पॉजिटिव कैसा होता है दोस्तों, इलेक्ट्रोफाइल होता है। NO2 पॉजिटिव कैसा होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये नाइट्रेशन में अपन बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या जाता है दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि ये अपना लोन पेयर तो इसको लुटा बैठा, और यहाँ से साझेदारी कर रखी है इसने, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, NO2 पॉजिटिव। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि NO2 पॉजिटिव कैसा होता है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, है ना, कैसा है, इलेक्ट्रोफाइल है। नाइट्रेशन में अपन यूज ही करते हैं NO2 पॉजिटिव को। यस करो, फिर अपन बात करें तो CH3 नेगेटिव, ये कैसा हो गया दोस्तों, कार्ब एनायन बना दिया, तो एनायन बना दिया, इसका मतलब इसके पास नेगेटिव चार्ज, यानी कि लोन पेयर आ गया, तो ये लुटाएगा लोन पेयर को, नए के इलेक्ट्रॉन को चाहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लेकिन एक बंदा नहीं है, इसका मतलब पूरा पेयर आना चाहिए था। ये क्या दे दिया दोस्तों, AlCl3 वैकेंट ऑर्बिटल है इसके पास, इसका मतलब ये कैसा रहेगा, इलेक्ट्रोफाइल। SO3 भी इलेक्ट्रोफाइल होता है, SO3 वैकेंट ऑर्बिटल है दोस्तों, SO3 कैसा होता है, इलेक्ट्रोफाइल। अपन सल्फोनेशन में यूज करते हैं, किसमें यूज करते हैं, बेंजीन का सल्फोनेशन करवाते हैं, तो किसका यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोफाइल। वहां पे कौन होता है दोस्तों, SO3 होता है, इसका मतलब ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है,
और AlCl3 भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। इसका मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा, अब तक का आंसर थर्ड। इसकी बात करते हैं, देखो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज दे दिया, इसका मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। ये तो ये इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसका मतलब ये कैसा हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब ये भी इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन एक न्यूक्लियोफाइल, दो इलेक्ट्रोफाइल बात नहीं बनी, तीनों के तीनों अपने को क्या चाहिए थे, इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। तो कौन सा आंसर हो गया दोस्तों, थर्ड आंसर आ गया। ठीक है, चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। कौन सा सवाल दे रखा है अपने को, ये न्यूक्लियोफाइल की बात हो गई। अभी नाभिक स्नेही, नाभिक को चाहने वाली स्पीसीज क्या कहलाती है, नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल कहलाती है दोस्तों। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज कैसी होती है बताओ, जिसके ऊपर, ऐसी स्पीसीज जिसके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज हो या फिर लोन पे डोनेटिंग स्पीसीज जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, न्यूक्लियोफाइल कहलाती हैं। तो बताइए, वैकेंट ऑर्बिटल वाली स्पीसीज होती हैं क्या, ना ना ना। फिर कौन सी होती है, पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज होती हैं क्या, नहीं हो सकती दोस्त। कौन सी होगी, नेगेटिव चार्ज, या फिर क्या होना चाहिए, ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डोनेट, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज, वो क्या कहलाएगी दोस्तों, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज ना, ये तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज के ऊपर अटैक करता है, देने वाली स्पीसीज है, इसका मतलब ये क्या होगी दोस्तों, थर्ड आंसर आ जाएगा। यस करो, नेगेटिव चार्ज वाली या फिर लोन पे डोनेटिंग स्पीसीज क्या कहलाएगी, नाभिक से नहीं कहलाएगी। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल कहलाएगी। नेक्स्ट इसी कड़ी में आगे बढ़े हैं। तो कौन सा सवाल दे रखा है अपने को, बेहद ही प्यारा सा सवाल है, देखो इंटरमीडिएट का कॉलम मैचिंग का सवाल है। ठीक है, इंटरमीडिएट कौन सा दे रखा है, एक तो फ्री रेडिकल दे रखा है, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। देखो क्या दे दिया, CH3 फ्री रेडिकल, ठीक है, और फिर क्या दे दिया, कार्बोकैटायन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दो चलो। ठीक है, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या दे दिया दोस्तों, CH3 नेगेटिव चार्ज। इसमें हाइब्रिडाइजेशन देख लो कौन सा होता है, sp2, इसमें भी कौन सा होता है, sp2, इसमें कौन सा होता है दोस्तों, sp3। यस करो, sp2 होते ही कैसी स्ट्रक्चर हो जाएगी, प्लेनर, और वो भी कौन सी, ट्राइगोनल, कैसी, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, समतलीय त्रिकोणीय, त्रिकोणीय समतलीय, ठीक है, और इसकी सेम स्ट्रक्चर होगी। और ये कैसी होगी दोस्तों, ये देखो ये कैसा हो गया, अमोनिया जैसा हो गया, अमोनिया जिसको सूंघने पर आंखों में आंसू आ जाते हैं, ज्यादा सूंघने पर घर वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, ये ऐसी है। ठीक है, कौन है, अमोनिया की बात हो रही है दोस्त। ये इसका भी हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, sp3, सेम है, इसकी शक्ल वाला है ये। तो इसका मतलब इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है दोस्तों, पिरामिडल, पिरामिडल स्ट्रक्चर कैसी है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है दोस्तों, और स्ट्रक्चर कैसी है इसकी, पिरामिडल है, पिरामिडल। ठीक है, जिसमें पिरामिडल यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करते, ट्राइगोनल स्टैंड जैसी है, ट्राइगोनल स्टैंड जिसपे अपन मटका रखते हैं, वैसी स्टैंड, ट्राइगोनल स्टैंड होता है ना जो, जिसके ऊपर घड़ा रखा जाता है, उसकी तीन टांगे हैं, और घड़ा जो है यानी कि मटका जो है वो क्या है दोस्तों, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या ऐसी होगी, इन दोनों की तो ट्राइगोनल प्लेनर रहेगी, इसकी पिरामिडल रहेगी, तो मिला दो दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, इसकी बात करें तो ट्राइगोनल प्लेनर, और इसकी क्या आ जाएगी, पिरामिडल आ जाएगी, लीनियर कोई नहीं है इनमें। इसका मतलब कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट का भी ए, दूसरे का भी ए, और इसका भी आ जाएगा, यानी कि कौन सा आंसर मिल गया अपने को, फर्स्ट आंसर मिल गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसी कड़ी में आगे बढ़े। तो कौन सा सवाल दे दिया अपने को, 33 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सा जीआई शो नहीं करेगा। जीआई शो, जीआई के लिए कंडीशन होती है दोस्तों, फर्स्ट कंडीशन अपन क्या देखते हैं कि रिसेप्टर रोटेशन प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए, प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए, प्रतिबंधित घूर्णन। अब प्रतिबंधित घूर्णन की अगर अपन बात करें तो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड दे रखा है, तो उसमें प्रतिबंधित घूर्णन है। क्या सभी प्रतिबंधित घूर्णन वाले जीआई शो करेंगे, नहीं दोस्तों, कंडीशन अप्लाई। ट्रिपल बॉन्ड में भी प्रतिबंधित घूर्णन है, क्या वो जीआई शो करेगा, नहीं दोस्तों, वो तो क्या है, रेखा है, लीनियर है, रेखा। मैंने तुझे पहली बार देखा, देखते ही समझ गया, क्या भोले वाली सीधी सादी है, ये जीआई शो नहीं कर सकती। इसका मतलब एसपी वाले जीआई शो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें 3D अरेंजमेंट डिफरेंट नहीं कर सकते दोस्तों। ये एसपी तो है, इसमें अपन 3D अरेंजमेंट डिफरेंट कर सकते हैं, कदापि नहीं कर पाएंगे। ठीक, चलो देखिएगा दोस्तों क्या पूछा गया है, जीआई की कंडीशन क्या है। फर्स्ट, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रेजेंट होना चाहिए। सेकंड क्या है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाले सिस्टम से अटैच ऑल फोर ग्रुप, यानी या फिर सिंगल कार्बन से अटैच टू ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, या फिर क्या होने चाहिए दोस्तों, सारे के सारे एक प्लेन में होने चाहिए। फिर कौन सी कंडीशन है, टू जीआई में टू पर्टिकुलर ग्रुप के डिफरेंट क्या होने चाहिए दोस्तों, यानी कि डिस्टेंस डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो जीआई शो करेंगे, अदरवाइज जीआई शो नहीं कर सकते। फर्स्ट की अपन बात करें तो ये देखो, ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है, और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है, इसका मतलब ये जीआई शो करेगा। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आ जाओ, फ्लोरीन और सीएल, ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों भी अलग अलग हैं, इसका मतलब ये भी जीआई शो करेगा।
यहां देखिए ये सी एस थ्री दे दिया और ये इथाइल दे दिया, ये दोनों अलग अलग हैं, और यहां पे बात करें तो सी एस थ्री दे दिया और यहां मिथाइल दे दिया, क्या ये इशो करेगा दोस्तों? नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम ही है मिथाइल, बस आपको बेवकूफ बनाने के लिए या सवाल गलत करवाने के लिए ऐसा दिया जाता है, यानी कि एक सी एस थ्री और एक मिथाइल है, सेम ही तो बात होगी, सी एस थ्री को मिथाइल बोलते हैं, इसका मतलब ये दोनों ग्रुप सेम हो गए, इसका मतलब ये जी आई शो नहीं कर सकता, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, इसका मतलब जी आई शो करेगा। तो कौन सा पूछा गया है कि कौन सा जी आई शो नहीं करेगा दोस्तों, कौन सा जी आई शो नहीं करेगा? अपना फोर्थ आंसर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि मिथाइल मिथाइल एक जैसे ही है, मिथाइल मिथाइल एक जैसे है, ठीक है। नेक्स्ट इसी कड़ी में आगे बढ़े, तो कौन सा सवाल दे रखा है देखो, विच इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक, यानी कि ई एस आर के प्रति कौन सा अधिक क्रियाशील है, ठीक है। अब आपको पता है कि बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कौन इंक्रीज करता है और कौन डिक्रीज करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? प्लस एम के, प्लस एच के, प्लस आई के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है दोस्तों किसके? माइनस आई के, माइनस एच के, माइनस एम के, यानी कि प्लस वाले तो क्या करेंगे दोस्तों, इंक्रीज करते हैं डेंसिटी को, और माइनस वाले डिक्रीज करते हैं, यानी कि ये कौन सी हो गई? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो गई, और ये कौन से हो गए दोस्तों? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। यानी कि प्लस वाले सहारा देते हैं, माइनस वाले टांग खींचते हैं, ठीक है। तो अब देख लो दोस्तों, प्लस वाले इंक्रीज करेंगे, माइनस वाले डिक्रीज करेंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग, इसको ही अपन क्या बोलते हैं? ईएसआर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्लस वाले इंक्रीज करेंगे, माइनस वाले डिक्रीज करेंगे, बताओ किसके ऊपर प्लस है? देखो सीएस थ्री का कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस एच, कौन सा होता है? हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। और ओएच का कौन सा इफेक्ट होता है दोस्तों? प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम बोल दो, प्लस आर बोल दो, ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। प्लस एम किसको बोलते हैं? किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़े परमाणु के पास या तो लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज, उसे क्या कहा जाता है? प्लस एम। माइनस एम किसे कहा जाता है? किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़े परमाणु तथा आगे वाले परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तथा जुड़े परमाणु से आगे वाले की ईएन क्या हो दोस्तों? ज्यादा हो, तो उसे क्या कहा जाता है? माइनस एम कहा जाता है, ठीक है। एक छोटी सी बात, किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कॉन्जुगेटेड सिस्टम किसको बोलते हैं? पाई सिग्मा इसको बोला जाता है। अगर किसी के पास क्या है? लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है, तो उसे तो क्या कहेंगे? प्लस एम कहेंगे, ठीक है। और अगर अपन बात करें किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़े परमाणु के पास, ठीक है, नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर है, तो उसे अपन क्या कहेंगे? प्लस एम। लेकिन माइनस एम किसे कहेंगे? किसी कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड पाई सिग्मा पाई, किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़े परमाणु तथा आगे वाले परमाणु के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो या फिर क्या हो दोस्तों? ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। लेकिन जुड़े परमाणु से आगे वाले की ईएन क्या होनी चाहिए दोस्तों? ज्यादा होनी चाहिए। इसकी ईएन क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, तब उसको क्या कहेंगे? माइनस एम कहेंगे। तो ओएच का कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस एम। इसका कौन सा इफेक्ट है दोस्तों? इसका तो अपन बात करें तो प्लस एच इफेक्ट है, और इसकी बात करें तो कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई। क्यों? क्योंकि अब क्या हो गया? कॉन्जुगेशन टूट गया है, कॉन्जुगेशन टूट गया है, ठीक है। तो क्या हो गया? सिग्मा सिग्मा लोन पेयर हो गया, तो कहानी खत्म होगी, कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता। इसकी अगर हम बात करें तो कौन सा इफेक्ट है? प्लस एच है, और इसके कौन सा इफेक्ट है दोस्तों? प्लस एम इफेक्ट है। कौन सा? प्लस एम। ओ सी एस थ्री का भी कौन सा इफेक्ट होता है दोस्तों? प्लस एम इफेक्ट होता है। कौन सा इफेक्ट है? प्लस एम। तो प्लस एम वाले कितने लोग हैं? तीन लोग हैं। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, वैसे तो सारे कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कौन करेगा? सबसे ज्यादा जिसका प्लस एम होगा, प्लस एम सबसे ज्यादा किसका है दोस्तों? प्लस एम को ऑर्डर की अगर अपन बात करें तो लिख देते हैं अपन, प्लस एम सबसे ज्यादा किसका होता है बताओ? ओ नेगेटिव का। उसके बाद में किसका होता है? एन एस टू का। उसके बाद में किसका होता है? एन एच आर का। उसके बाद में एन आर टू का। उसके बाद में ओ एच का। उसके बाद में ओ आर का। उसके बाद में एन एच सी ओ आर का, ठीक है। उसके बाद में ओ सी ओ आर का, ओ सी ओ आर का। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो किसका नंबर आता है? फिर चल बाहर आई का, ठीक है। अब आपको पता है कि फ्लोरीन का माइनस आई सबसे ज्यादा होता है, माइनस आई ज्यादा होता है, लेकिन इसका प्लस एम भी सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा मतलब हेलोजन में सबसे ज्यादा होता है। क्यों साहब? जिसका साइज जितना छोटा होता है, जिसका साइज जितना छोटा होता है, उसमें अतिव्यापन उतना ही क्या होता है दोस्तों? ज्यादा होता है। तो इसका मतलब बैक बॉन्डिंग में उतना ही ज्यादा जाएगा।
ठीक है, तो प्लस सेवन इसका सबसे ज्यादा। और वैसे भी आपको पता है कि हेलोजन वाले एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं होते, क्या होते हैं? डीएक्टिवेटिंग। क्यों? क्योंकि माइनस आई वाले यानी कि अधिक ईएन वाले, मोर ईएन वाले किसी को इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करते। तो ये अधिक विद्युत ऋणी है, इसका मतलब मोर ईएन एटम है, इनका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है कंपेयर टू प्लस एम, यानी कि माइनस आई मोर डोमिनेट है प्लस एम से। अब देख लो प्लस एम सबसे ज्यादा किसका है, इसी का ज्यादा है दोस्तों, OH का। क्यों? यहां देखो OH, फिर OR, OCS3, फिर आता है NHCOR का नंबर, NHCOR, ठीक है। इसका मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी? पहले की होगी, ठीक। चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। कौन सा सवाल दे रखा है? 35 नंबर सवाल, IUPAC नेम पूछा गया है दोस्तों, बिल्कुल आसान सा सवाल है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लो, क्या कर लो? लॉन्गेस्ट चेन क्या कर दोगे दोस्तों? 1, 2, 3, 4 नंबरिंग कर लो। नंबरिंग अपन किस ओर से करेंगे? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर, किधर से भी चले जाओ। तो क्या नेम लिख दोगे? ब्रोमो ब्रोमो क्लोरो क्लोरो, ठीक है। तो क्या नेम लिखा? 2, 3, 2, 3 डाई ब्रोमो। और क्या नेम लिख दोगे? 1, 4 डाई क्लोरो 1, 4 डाई क्लोरो और क्या नाम आ जाएगा दोस्तों? 2 ब्यूटीन। देख लो दोस्त कौन सा मिला, 2, 3 डाई ब्रोमो 1, 4 डाई क्लोरो 2 ब्यूटीन, यानी कि कौन सा आंसर हो गया? फर्स्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो बिल्कुल आसान सा सवाल था एनसीईआरटी का, ये भी एनसीईआरटी का बेहतरीन सवाल है दोस्तों। देखो क्या पूछा गया अपने से, आईयूपीएसी नेम पूछा गया। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लो दोस्तों जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यही लंबी लग रही है। फिर अपन नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग किधर से करेंगे दोस्तों? पहले डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे, क्रियात्मक समूह कोई इसमें नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए। इधर से करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इधर से करेंगे तो 1, 2, 3, 4। तो नंबरिंग दोस्तों उधर से करेंगे जिधर से अपने को डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले, उसके बाद में देखते हैं प्रतिस्थापी का नंबर, ठीक है। अब देखो प्रतिस्थापी कौन कौन सा आ रहा है, एक तो ये मिथाइल आ रहा है, एक ये इथाइल आ रहा है और एक ये और मिथाइल आ रहा है, ठीक है। तो क्या लिखोगे? अल्फाबेटिक नेम लिख दो। पहले ये ई से स्टार्ट हो रहा है तो ई वाला पहले आएगा, 4-ethyl। देखो 4-ethyl किसमें है? इसमें और इसमें, दोनों में 4-ethyl है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें भी 4-ethyl है, वाह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो 4-ethyl, उसके बाद में क्या लिखोगे? 2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl इसमें नहीं है दोस्तों, ठीक है। फिर अपन बात करें तो डेक यानी कि डाकन बना दो, डेक कार्बन यानी कि 10 कार्बन के लिए डाकन बना दी, 4 नंबर पे क्या है? इन, इसका मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? सेकंड, यस करो। चलो इसी कड़ी में आगे बढ़े, तो कौन सा सवाल दे रखा है अपने को? 37 क्या पूछा गया है दोस्तों? अब पूछा गया है नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ओनली सिग्मा पाई बॉन्ड पूछा गया है। सिग्मा पाई बॉन्ड जितने आपको सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं एकल बंद है यानी कि सिंगल बॉन्ड है, वो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होंगे। मल्टीपल बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे? पाई बॉन्ड होंगे। डबल बॉन्ड आ रहा है तो 1 sigma 1 pi और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो इसका मतलब 1 sigma 2 pi। तो सबसे पहले अपने को जो स्ट्रक्चर दे रखी है उसको पूंछ पकड़ो, क्या दे रखा है? ओक्टा, ओक्ट 8 carbon दे रखा है दोस्तों। 8 carbon के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। कितने कार्बन हो गए? 8। अब कौन कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड लगवा रहा है अपने से? एक तो पहले नंबर पे लगा दो, 1, 2, 3 नंबर पे लगा दो, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर पे लगा दो और फिर 7 निभाना साथिया पे लगा दो, यस करो, लगा दिया। अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर लो, यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तों? 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन, वहां पे भी 1 हाइड्रोजन, जहां नहीं दिख रहा वहां पे भी लगा दो हाइड्रोजन, ठीक है। लास्ट वाले पे आ जाएंगे अपने पास 2 हाइड्रोजन, यस करो, जी हाँ। तो ये वाली बात हो गई दोस्तों। पाई बॉन्ड काउंट कर लो, कितने पाई बॉन्ड है? 1, 2, 3, 4 चार तो अपने पास क्या हो गए? 4 pi, बहुत बढ़िया, 4 pi, ठीक है, लेट जाओ। अब क्या है? सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन गिन लो और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड गिन लो, बस इतनी सी कहानी है। देखो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 इसका मतलब क्या आ जाएंगे? 17 sigma और 4 pi आ गए, कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? फोर्थ आंसर हो जाएगा, यस करो। चलो तो देख लो क्या पूछ रहा है दोस्तों, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड विल शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस ट्रांस का मतलब कौन क्या हो गया? जीआई कौन शो कर रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो कर रहा है, ऐसे भी पूछ सकता था सिन एंटी कौन शो कर रहा है, ईजेड कौन शो कर रहा है ना। चलो देखिएगा दोस्तों कौन शो करता है और कौन शो नहीं करता, उन्हीं की बात कर लेते हैं। जीआई के लिए कंडीशन अपने पता ही है, पीछे सवाल में भी बात की थी,
कंडीशन की अगर अपन बात करें, रेसेप्टर रोटेशन से अटैच दोनों ग्रुप डिफरेंट होनी चाहिए। अब देख लो इस कार्बन से अटैच दोनों CH3 सेम है तो इसके हालात कुछ ऐसे हैं कि ये कुछ कर नहीं सकती। यहाँ पे देखिए दोस्तों दोनों हाइड्रोजन और दोनों BR ही सेम है, इसके हालात भी बहुत बुरे चल रहे हैं। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या दे दिया, फिनाइल यानी कि कार्बन डबल बोन कार्बन, यहाँ पे CH3 दे दिया, यहाँ पे H और एक साइड में अपने को PH दे दिया यानी कि C6H5 और एक साइड में H दे दिया। दोनों ग्रुप डिफरेंट है, 3D अरेंजमेंट वजह से डिफरेंट कर सकते हैं, इसका मतलब ये जी इशू करेगा। ठीक है, फोर्थ की अगर अपन बात करें तो भी ये जी इशू करेगा, कैसे, कार्बन डबल बोन कार्बन, एक साइड में Cl दे दो और एक साइड में CH3 दे दो, एक साइड में क्या दे दो दोस्तों H दे दो और एक साइड में CH3 दे दो, तो दोनों ग्रुप डिफरेंट है इसका मतलब वो जी इशू करेगा। तो तीसरा और चौथा दोनों इशू करेंगे, तो इसका मतलब कौन सा आंसर आ जाएगा अपने पास, थर्ड आंसर आ जाएगा, यस कि नो। चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, कौन सा सवाल दे रखा है, 39 क्या पूछा गया दोस्तों, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन पूछी गई है, DU पूछी गई है, असंतृप्तता की कोटि पूछी गई है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणुओं की कमी, ठीक है, डबल बॉन्ड, द्विबंध तुल्यांक, द्विबंध के समान उसका तुल्यांक किया जाए, ठीक है। आप देखो असंतृप्तता की कोटि डायरेक्टली अगर अपन देखेंगे तो DU को कैसे देख लेंगे दोस्तों, DU इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है, प्लस रिंग कितनी है और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट कर लो बस, और कुछ नहीं गिनना। अब देखो यहां पे क्या आ जाएगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है दोस्तों, ठीक है, तो पाई बॉन्ड कितने हो गए, एक तो ये, एक ये, दो, एक ये, तीन, एक ये, चार, चार तो अपने पास क्या हो गए पाई बॉन्ड और एक अपने पास रिंग हो गई, इसका मतलब कितनी DU आ गई दोस्तों, 5 DU आ जाएगी, कौन सा आंसर आ जाएगा, सेकंड। बिल्कुल आसान सा सवाल था, बिल्कुल आसान सा आंसर आपने फटाफट दे दिया। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों क्या पूछा गया है इसमें, देखो नंबर ऑफ हेट्रो एटम इन गिवन कंपाउंड, ये जो कंपाउंड अपने को दे रखा है इसमें हेट्रो एटम की संख्या पूछी गई है, कितने हेट्रो एटम है दोस्तों, कार्बन के अलावा जितने भी नजर आ रहे हैं वो सारे हेट्रो एटम है, ठीक है, तो देख लो रिंग के अंदर की बात होती है दोस्तों, रिंग के बाहर की बात नहीं होती, ठीक है, घर के अंदर जो लोग हैं उन्हीं की बात हो रही है कि कौन अपना है कौन पराया है, यानी कि कौन बाहर से आया है, ठीक है, तो ये कार्बन कार्बन एक ही फैमिली के लोग थे, लेकिन ये नाइट्रोजन और सनम मतलब सल्फर, ये दोनों क्या हो गए, अलग अलग फैमिली के हो गए और अलग लोग हो गए, अगर नाइट्रोजन नाइट्रोजन सेम होता तो भी ये दोनों को अलग ही मानते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो देखो कार्बन कार्बन कार्बन, ये ऑक्सीजन तो बाहर है कार्बन के, ठीक है, एक ये सनम बैठी है और एक कौन बैठा है, ये नाइट्रोजन बैठा है, तो कितने लोग हो गए, दो, तो दो हेट्रो एटम इस कंपाउंड में उपस्थित हैं, तो नंबर ऑफ हेट्रो एटम की बात हुई थी, तो कितने हैं दोस्तों, दो है, ये ऑक्सीजन बाहर है दोनों के दोनों, क्योंकि रिंग में नहीं है, रिंग से बाहर उनका अपने को कोई लेना देना नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, ठीक है, इसके घर में क्या हो रहा है उसी की बात हो रही थी, ठीक है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट इसी कड़ी में आगे बढ़े तो कौन सा सवाल दे रखा है, 41 नंबर सवाल, बिल्कुल आसान सा सवाल, IUPAC नाम का पूछा गया है, मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, क्रियात्मक समूह के बारे में बात करें तो कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अपन लाइन वहीं से बनाएंगे दोस्तों, लाइन वहीं से बनती है जहां अमिताभ बच्चन खड़े होते हैं, तो अमिताभ कहां खड़े हैं दोस्तों, CWH, ठीक है, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट कर दो, मुख्य क्रियात्मक समूह को देखो और वहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर दो, ले चलो सबसे पहले मुख्य क्रियात्मक समूह यानी कि मेन फंक्शन ग्रुप, उसके बाद में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद में सब्स्टिट्यूएंट का नंबर आता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 यही हुआ। यहाँ पे क्या दे दिया दोस्तों, मिथाइल, और यहाँ पे भी क्या दे दिया, मिथाइल, इसका नेम क्या लिख देंगे दोस्तों, 2,6-डाइमिथाइल, ये नेम लिखोगे 2,6-डाइमिथाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं दोस्तों, 7 निभाना साथिया यानी कि हेप्ट, और एक से ज्यादा बार डबल बॉन्ड आ जाए, मोर देन 1 डबल बॉन्ड% है, तो क्या यूज करेंगे, ए, हेप्टा, कौन कौन से नंबर पे है दोस्तों, 2 नंबर और 5 नंबर, 2,5-डाई डबल बॉन्ड के लिए इन, और लास्ट में अपन CWH को नंबर आपने दिया है तो क्या यूज कर देंगे, ओइक एसिड का इस्तेमाल करेंगे, यस कि नो। देखिए दोस्तों कौन सा आंसर आ जाएगा, 2,6-डाइमिथाइल, किसमें दे रखा है दोस्तों, इसी में दे रखा होगा, हेप्टा हेप्टा, ठीक है, यही हो गया 2,5-डाइइनोइक एसिड। नेक्स्ट देखिए कौन सा सवाल दे रखा है, फिर IUPAC नेम, लाजवाब सवाल है ये भी, मेन फंक्शन ग्रुप कौन है, एल्डिहाइड, मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है दोस्तों, एल्डिहाइड है, तो नंबरिंग अपन कहां से करेंगे, मुख्य क्रियात्मक समूह को नंबर मिल सकता है क्या, नहीं मिल सकता, जहां से ये अटैच है वहीं से स्टार्ट कर देंगे कहानी। अब इसको तो आपने 1 नंबर दे दिया, आप बताओ BR की तरफ जाएं या डबल बॉन्ड की तरफ, BR को अनदेखा करेंगे या नहीं करेंगे दोस्तों, BR को अनदेखा करेंगे, देख के भी नहीं देखेंगे, तो इसका मतलब
पहले मेन फंक्शन ग्रुप, उसके बाद में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद में सब्स्टिट्यूएंट जूनियर फंक्शन ग्रुप का नंबर आता है। इसका मतलब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर भी आ रहा है, ठीक है। और ये कौन सा ग्रुप है दोस्तों? किटोनिक। किटोनिक के लिए क्या यूज करते हैं बताओ? जब ये जूनियर आता है तो या तो किटो यूज करते हैं या फिर ऑक्सो, जो दोनों में से आपको पसंद है वो यूज करो। इसका नेम क्या है? ब्रोमो। और इसका नेम क्या है? इथाइल। तो क्या नेम लिखेंगे दोस्तों? 6 नंबर पे कौन पहुंचा? ब्रोमो, ठीक है। और 3rd नंबर पे कौन है? इथाइल। और फिर क्या यूज किया? 4 नंबर पे या तो ऑक्सो यूज करो या फिर किटो यूज करो, जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑक्सो किटो दोनों में से कोई भी एक होगा, ठीक है। फिर आपको पता है इसको क्या आ रहे हैं दोस्तों? चक्कर आ रहे हैं। तो साइक्लो 6 कार्बन के लिए क्या यूज कर देंगे? हेक्स। और 1 नंबर पे क्या है दोस्तों? ईन, ठीक है। और 1 नंबर पे क्या है बताओ? कार्बेल्डिहाइड, कार के वेल्डिंग करके हाइड कर दो। तो क्या नेम हो गया? 6 ब्रोमो, 3 इथाइल, 4 ऑक्सो या किटो, दोनों में से एक, ठीक है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा दोस्तों? अगर अपन बात करें तो देखो कौन सा आंसर मिल गया? सेकंड आंसर। सेकंड आंसर क्या है अपना? राइट है। यस करो, जी हाँ। नेक्स्ट क्या दे दिया दोस्तों? ये पूछा गया है, क्या पूछा गया है अपने से? द नंबर ऑफ sp2 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड इन द कंपाउंड गिवन बिलो इज, दी गई संरचना में कुल कितने sp2 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है। अब पहले तो ये देखो कि किस किस कार्बन का sp2 संकरण है। sp2 संकरण देखो, sp2 में कितने सिग्मा बॉन्ड है। अब कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहा है, वो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड की बात नहीं कर रहा दोस्तों, कदापि नहीं बात कर रहा। तो देखो इसका संकरण कौन सा है? sp3। इसका कौन सा है? sp। इसका भी कौन सा है? sp। इसका कौन सा है? sp3। तो इनकी तो बात ही नहीं कर रहा, इसका तो कोई आंसर नहीं आ सकता यहां तक तो, क्यों? क्योंकि ये sp है, ये sp3 है, ये sp3 है, उसकी बात ही नहीं की अगले ने। बात किसकी की है? कार्बन कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात की है दोस्तों। तो देख लो भला ये कौन सा कार्बन है, देखो sp2, ये कौन सा है? sp2, ये भी कौन सा है? sp2, और ये भी कौन सा है? sp2, और ये कौन सा है? sp3, और ये भी कौन सा है दोस्तों? sp3। यस करो, ये कार्बन कौन सा है? sp2, ये भी कौन सा है? sp2, डबल बॉन्ड वाले कार्बन सारे के सारे क्या होंगे? sp2 होंगे, ठीक है। अब देखो किस किस की बात की है उसने, कार्बन sp2 की बात की है। यस करो, अब देखो यहां पे इसकी दोनों की बात की है क्या, sp2 और sp3 की? नहीं, sp2 ये सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेना आप दोस्तों, यहां पे sp2 के बीच में ये भी तो सिग्मा बॉन्ड ही है, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड की बात हो रही है, ये sp2 ये भी तो क्या है दोस्तों? सिग्मा बॉन्ड। ये sp2 sp3 सिग्मा बॉन्ड है, अपने को कौन सा चाहिए? sp2 सिग्मा बॉन्ड चाहिए, ठीक है। तो इसमें कितने मिल गए अभी तक? 3 मिल गए। यहां देखो ये sp2 ये भी तो क्या है दोस्तों? देखो सिग्मा बॉन्ड है sp2 sp2, ये sp2 sp2 ये भी क्या है दोस्तों? सिग्मा बॉन्ड। ये देखो sp2 sp2 क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। यस करो, ये सिग्मा 1 2 3 4 5 6 कौन सा आंसर आ जाएगा दोस्तों? 6 आंसर आ जाएगा, यानी कि एक तो ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन ऐसे हैं जो sp2 संकरित हैं, ठीक है। क्या है? sp2 संकरित है, उनके बीच में बोन मिलेगा, यानी कि कार्बन कितने होंगे टोटल sp2 संकरित कार्बन की बात करता हूं तो 7 कार्बन होंगे, क्यों? क्योंकि ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 हो गए सब, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कार्बन अगर sp2 संकरित की बात करता तो कितने होते? 8। लेकिन उसने क्या पूछा है? sp2 सिग्मा बॉन्ड की बात की, तो कितना आंसर आ जाएगा अपना? कितना मिला? 6 आंसर मिल गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 यस। चलो आगे बढ़ते हैं, 3rd आंसर आ गया, नेक्स्ट सवाल की ओर। क्या पूछा गया है दोस्तों? देखो तो द टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पूछा गया, पाई बॉन्ड नहीं पूछा गया, ठीक है। यानी कि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, ठीक है। तो देख लो पाई बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड की अगर अपन बात करें तो देखो ये पाई बॉन्ड ही तो है, तो इसमें कितने हैं? 1 पाई बॉन्ड, ये दूसरा पाई बॉन्ड, ये तीसरा पाई बॉन्ड, ये फोर्थ पाई बॉन्ड। यस करो, तो पाई बॉन्ड 1 2 3 4 4 तो अपने पास क्या है दोस्तों? पाई बॉन्ड है, ठीक है। क्या है? पाई बॉन्ड है। और इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए दोस्तों। तो आंसर अपना क्या जाएगा? 8। कौन सा आंसर मिल गया अपने को? दूसरा, ठीक है। तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि शेयरिंग से मिला है। और पाई बॉन्ड जो बनता है वो क्या होता है? साइड टू साइड ओवरलैपिंग से,
ठीक है, और हेड टू हेड ओवरलैपिंग से अपने को क्या मिलता है, सिग्मा बॉन्ड। चलो 45 नंबर सवाल, क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ मेटामर्स ऑफ कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O का क्या पूछा गया है दोस्तों, मेटामेरिज्म की संख्या पूछी गई है, ठीक है, तो C4H10 बना लो दोस्तों, 1, 2, 3, 4, एक साइड में तीन कार्बन रखो, एक साइड में एक कार्बन रखो, इथरी तो मेटामेरिज्म शो करेंगे, अल्कोहल तो कर नहीं सकते ना दोस्तों, ठीक है, तो एक साइड में आपने तीन कार्बन रखे, एक साइड में एक रखा, अब ये कौन सा ग्रुप है, प्रोपाइल ग्रुप है, इसका आप किस में कन्वर्ट कर दो दोस्तों, आइसोप्रोपाइल में कन्वर्ट कर दो, देख लो अटैच होने की नेचर डिफरेंट, इसका मतलब आप उसमें दोनों रिश्ते में क्या लगेंगे, मेटामर्स, ठीक है, मेटामेरिज्म के साथ साथ सीआई या पीआई हो सकती है, लेकिन इनको अपन क्या नहीं करते दोस्तों, कंसीडर नहीं करते, यस करो, चलो देखते हैं, एक तो ये बना दिया अपने, अब तीन कार्बन में और खिलवाड़ कर सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते दोस्तों, एक कार्बन इधर ले आओ, एक कार्बन आपने दो इधर रखे और दो ही क्या कर दिए इधर, अब दो कार्बन के साथ कुछ नहीं कर सकते, मात्र आप अब गिन सकते हो कितने आइसोमर हो गए टोटल, तीन, तो तीन मेटावर्स बन जाएंगे दोस्तों, कितने मेटावर्स बनेंगे, तीन मेटावर्स, यस करो, चलो नेक्स्ट सवाल, क्या दे दिया दोस्तों अपने को, ये दे दिया था कंपाउंड आइसोब्यूटेन एंड टू ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन एंड टू ब्यूटेन, लो देख लो आइसोब्यूटेन और टू ब्यूटेन में आपस में दोनों का रिश्ता क्या है, आइसोब्यूटेन, आइसो कब यूज करते हैं दोस्तों आपको पता ही है, सीरिया से दूसरे नंबर कार्बन पर क्या हो दोस्तों, एक CH3 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन, ठीक है, डबल बॉन्ड है तो आइसोब्यूटेन हो गया, फिर क्या दे दिया, टू ब्यूटीन, आइसोब्यूटीन एंड टू ब्यूटीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH3, नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट इन मेन चेन और साइड चेन, दीज आर कॉल्ड चेन आइसोमर्स, यहाँ पे कितने कार्बन है दोस्तों, तीन कार्बन है मेन चेन में, यहाँ पे कितने कार्बन हो गए पलक झपकते ही, चार कार्बन हो गए दोस्तों मेन चेन में, इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट इन मेन चेन, दोनों का रिश्ते में क्या लगेंगे, CI लगेंगे, CI का मतलब चेन आइसोमर्स, कौन सा आंसर आ जाएगा दोस्तों, फोर्थ, यस करो, तो अपने आंसर मिल गया कौन सा, फोर्थ, नेक्स्ट इसी कड़ी में आगे बढ़े हैं, तो कौन सा सवाल दे रखा है, बेहद ही प्यारा सा सवाल दे रखा है, देखो तो जरा, द टू स्ट्रक्चर रिटन बिलो रिप्रेजेंट, ये दोनों जो संरचनाएं हैं वो किसको प्रदर्शित करती हैं, ये अपने को बताना है दोस्तों, ये क्या दे रखा है, देखो 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन दे रखे हैं, ये देखो अब इन दोनों का अपने क्या, ये दोनों आपस में डायस्टीरियोमर हैं, एनसीयूमर हैं, या आइडेंटिकल हैं, या फिर दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, इनकी बातें अपने को करनी है, क्या ये दोनों एक जैसी शक्ल वाले हैं, देखो ये तो CH3 ऊपर है, ठीक है, दोनों पे BR लगे हुए हैं, लेकिन ये CH3 कार्बन नंबर एक कार्बन नंबर दो, ये कौन सा फॉर्मूला है, फिशर फॉर्मूला है, और राइट फिशर फॉर्मूला अपने किसको बोलते हैं, कि वर्टिकल लाइन पे टॉप पर नंबर वन कार्बन बैठा हो, टॉप पर नंबर वन कार्बन का मतलब कौन सा हो गया दोस्तों, अकॉर्डिंग टू IUPAC, कौन सा हो गया, IUPAC के अनुसार, ठीक, तो देख लो दोस्त, अगर अपन बात करें तो IUPAC के अनुसार यही तो बैठा है, 1, 2, 3, 4, 5 इधर से ही करेंगे, अब इसमें नंबरिंग किधर से करोगे, 1, 2, 3, 4, 5, ओ ये तो अक्षय कुमार बना बैठा है दोस्तों, है ना, क्यों, क्योंकि इसकी क्या है दोस्तों, सिर नीचे टांगे ऊपर है, तो इसको बेचारे को पहले तो सीधा करो, तो हो जा रे हो जा सीधा हो जा, तो कर दो दोस्तों 180 पे रोटेट कर दो, जैसे ही आपने इसको 180 पे रोटेट किया दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा, अब सीधा करने का मतलब क्या है, इसको उठाओ बड़े ही प्यार से, और आप इसको क्या कर दो 180 पे रोटेट कर दो, आपने इसको उठाया और यूं कर दिया, अब देखो जैसे ही आपने यूं किया तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा, ये CH3 इधर आ गया, देखो तो गौर से CH3 इधर आया, और ये BR किधर चला गया दोस्तों, इधर चला गया, यहां पे क्या रहेगा दोस्तों, H, और ये BR किधर आ जाएगा, इस साइड में आ जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा, H, और यहां पे क्या है, CH2 CH3, अब देखो पहले और दूसरे में रिश्ता क्या है, CH3 वैसे का वैसा है, BR उस साइड में है, H इस साइड में है, H इस साइड में है, BR वैसे का वैसा है, हूबहू वैसी शक्ल वाला है, बस एक की क्या थी, सिर ऊपर था, दूसरे की क्या है, टांगे ऊपर है, यस करो, इसका मतलब उसको सीधा कर दो, दोनों एक जैसे हैं, इसका मतलब दोनों हूबहू एक जैसे हैं, एक जैसे हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, आइडेंटिकल, यानी कि समरूप, आइडेंटिकल का मतलब क्या हो गया, समरूप, हूबहू वैसे का वैसा, वैसे का वैसा, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, कौन सा सवाल दे रखा है, 48 नंबर सवाल, दिए गए यौगिक का निरपेक्ष विन्यास, एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन, एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, RS नोमेनक्लेचर,
आरएस नोमेनक्लेचर कि मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम कि मेरे नाम से शुरू और तेरे नाम पे खत्म, या तेरे नाम से शुरू और मेरे नाम पे खत्म। ये इसी का किस्सा है दोस्तों, आरएस नोमेनक्लेचर का है, यानी कि आर का नाम आर से स्टार्ट होके एस पे खत्म हो रहा है और एस का नाम दोस्तों एस से स्टार्ट होके आर पे खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि आर का मतलब क्या होता है दोस्तों? रेक्टस। आर का मतलब क्या होता है? रेक्टस। एस का मतलब क्या होता है? सिनिस्टर। क्या नाम होता है? एस का मतलब सिनिस्टर, सिस्टर नहीं, सिनिस्टर, ठीक है। तो यहां पे आर का मतलब क्या है? रेक्टस, और एस का मतलब क्या है? सिनिस्टर, यानी कि आर का मतलब तो है क्लॉकवाइज और एस का मतलब क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। चलो देख लो साहब, अब इसमें आरएस नोमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस रूल, सीआईपी रूल, कोन इनगोल्ड परिलोब रूल, क्या कहता है साहब? फर्स्ट नंबर किसको देंगे? उच्च परमाणु क्रमांक, जिसका एटॉमिक नंबर लार्जेस्ट होगा उसको क्या देंगे? फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है। उसके बाद में क्या होती है? अगर आइसोटोप है तो जिसका एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास क्या होगा? ज्यादा होगा, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। उसके बाद में अगर हम बात करें तो फर्स्ट अगर अटैच ग्रुप सेम है तो उसे अटैच नेक्स्ट एटम देखते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर या फिर एटॉमिक मास क्या है लार्जेस्ट होता है उसको क्या मिलती है? फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है। उसके बाद में अगर अपने अनसेचुरेशन दे रखा है तो उसको सपनों में खोया हुआ मानते हैं, यानी कि हाइपोथेटिकल तरीके से मानते हैं। और फिर अगर अपन बात करें तो हाइपोथेटिकली एंड रियल ग्रुप आर सेम, अगर दोनों सेम है तो रियल, तो आपको पता है रियल ग्रुप होता है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है और रियल रियल ही होती है, ठीक है। उसके बाद में लोन पेयर और बोन पेयर में से बोन पेयर को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है, सिस ट्रांस में से सिस को मिलती है, ईजेड में से जेड को मिलती है, आरएस में से आर को मिलती है। ये क्या है दोस्तों? सीक्वेंस रूल है, ठीक है। अब दे दो इसको नंबर, कार्बन नंबर दो और कार्बन नंबर तीन कौन सा है दोस्तों? मान लो ये कार्बन नंबर एक है, ये कार्बन नंबर दो है, ये कार्बन नंबर क्या है? तीन, ये कार्बन नंबर चार और ये कार्बन नंबर पांच। ये चार और पांच मैंने क्यों लिख दिया दोस्तों? अब आपको पता ही है क्यों, क्योंकि ये इथाइल है, इथाइल में कितने कार्बन होंगे दोस्तों? दो कार्बन होंगे, ठीक है। तो देख लो साहब, एक नंबर किसको देंगे? ये देखो, इस कार्बन का देख रहे हैं और इस कार्बन का देख रहे हैं, एक नंबर OH को देंगे, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट अटैच कौन है? OH अटैच है, एक नंबर इसको दिया। फिर देखो इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर कार्बन के साथ में BR है, इधर कार्बन के साथ में सेकंड कौन है? हाइड्रोजन। इधर कौन है? BR। तो इसका मतलब सेकंड नंबर इसको मिलेगा और थर्ड नंबर इसको मिलेगा, और फोर्थ को नेगलेक्ट मानते ही अपन, ठीक है। यानी कि फोर्थ नंबर दो ना दो, एक ही बात है। वन टू थ्री कैसे गए दोस्तों? एक से दो, दो से तीन, भले तो वन टू थ्री कैसे हो गए दोस्तों? क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज के लिए क्या आप इसका आर यूज करोगे? नहीं, कंडीशन अप्लाई। फिशर फॉर्मूले के लिए क्या देखते हैं कि जूनियर मोस्ट ग्रुप, यानी कि निम्न वरीयता वाला समूह है, निम्न वरीयता वाला लो प्रायोरिटी ग्रुप कहां पे होना चाहिए? वर्टिकल लाइन पे। अगर वर्टिकल लाइन पे नहीं है दोस्तों तो उसको क्या कर दो? कॉन्फ़िगरेशन उल्टा कर दो, या फिर टू टाइम स्विच करिए, यानी कि इवन नंबर में स्विच करिए। अब आप इवन नंबर में स्विच नहीं करना चाहते तो सीधा डायरेक्ट देखिए, अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो कॉन्फ़िगरेशन उल्टा कर दो, आर का एस लिखो, एस का आर लिखो। अब देखो इसका क्या आ रहा है दोस्तों? क्लॉकवाइज आर लिख रहे थे, क्या कर दो दोस्तों? एस कर दो। अब है कौन से नंबर पे? वन टू, सेकेंड नंबर पे क्या आ जाएगा? दो एस, ठीक है। अब एक नंबर किसको दोगे दोस्तों? अब इसमें देखो एक नंबर किसको दोगे? यहां पे अगर अपन बात करें तो देखो एक नंबर बीआर को दोगे, दूसरा नंबर किसको दोगे? देखो तो जरा इधर क्या है? कार्बन। इधर क्या है? कार्बन। इधर भी कार्बन के साथ में एक और कार्बन होगा, क्यों? क्योंकि इधर कितने कार्बन है? दो कार्बन, इथाइल है ना, तो इधर क्या है? कार्बन, कार्बन के साथ कार्बन और कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी है, तो दूसरा नंबर अपने किसको देंगे? OH को। तीसरा नंबर इसको, ये देखो एक दो तीन, वाह मजे हो गए। कैसे? निम्न वरीयता वाला समूह है, कौन सी लाइन पे बैठा है? वर्टिकल लाइन पर बैठा है, तो कॉन्फ़िगरेशन उल्टा करने की जरूरत नहीं है। यहां पे निम्न वरीयता वाला समूह कहां पे बैठा था दोस्तों? हॉरिजॉन्टल लाइन पे बैठा था, तब आपने कॉन्फ़िगरेशन उल्टा किया था। यहां पे वर्टिकल लाइन पे है, चाहे ऊपर है चाहे नीचे है, उससे कोई लेना देना नहीं है। इस कार्बन के लिए नीचे होना चाहिए, इस कार्बन के लिए ऊपर होता तो अपन कॉन्फ़िगरेशन में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करते, जैसा आता वैसे लिख देते। लेकिन अब इसमें क्या है? एक दो तीन किधर गए? एक दो तीन कैसे हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। अब चेंज करेंगे? नहीं करेंगे। इसके लिए तीन के लिए क्या आ जाएगा? एस। दो के लिए भी एस, तीन के लिए भी एस, कौन सा आंसर आ जाएगा? सेकंड। बात समझ गए? इसमें तो क्या हुआ? निम्न वरीयता वाला समूह हॉरिजॉन्टल लाइन पे था तो कॉन्फ़िगरेशन को उल्टा कर देते हैं, ठीक है। और इसमें क्या था दोस्तों? निम्न वरीयता वाला समूह कौन सी लाइन पे था? वर्टिकल पे था, तो जैसा था वैसे का वैसा कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। यस करो, जी हाँ। नेक्स्ट कौन सा सवाल दे रखा है? 49 नंबर सवाल। देखो दोस्तों क्या दे दिया, निम्न में से कौन सा यौगिक जीआई प्रदर्शित करता है? ज्यामिति समावयता, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको पता है जीआई के अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड शो जीआई, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्या ये शो करेगा?
नहीं कर सकता दोस्त, क्यों? क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, ना तो इसके पास रेस्पेक्ट रोटेशन ना कुछ और, ठीक है। इसने क्या ये कर सकता है, देखो क्या दे दिया दोस्तों, CH2 ये दे दिया, दो टाइम तो CH2 की दो दे रखा है, और दो क्या दे दिया दोस्तों, एल्डिहाइड, इसका मतलब CH2 CH2 LDH। क्या ये कर सकता है, नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि इसमें रेस्पेक्ट रोटेशन नहीं है, कहानी खत्म है इसकी। यहां पे अगर अपन बात करें तो क्या ये GI शो करेगा, जी हाँ ये GI शो कर सकता है, यानी कि CH यहां पे क्या दे दिया CH, और यहां पे क्या दे रखा है दोस्तों CWH, और इधर भी क्या दे दिया CWH, है ना। अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब एक डबल बॉन्ड भी आएगा, अनसैचुरेशन है ये, ये मैलिक एसिड और फ्यूमैरिक एसिड बना सकता है, तो इसका मतलब ये GI प्रदर्शित करेगा, ठीक है। मिल जाए, दोनों आपस में मिल जाए, वो क्या है मैलिक एसिड, और जो बिछड़ जाए यानी कि एंटी वाले यानी कि ट्रांस वाले, वो क्या होंगे, फ्यूमैरिक एसिड। मैलिक एसिड याद रखो, मिल जाए वो मैलिक एसिड, बिछड़ जाए वो क्या है, फ्यूमैरिक एसिड यानी कि एंटी में हो, तो ये क्या है मैलिक एसिड, ठीक है। फ्यूमैरिक एसिड इसकी ट्रांसफॉर्म, तो यहां पे ये शो करेगा क्या, नहीं कर सकता, मिथाइल मिथाइल तो एक जैसे हैं, इसका मतलब नहीं कर सकता। कौन सा आंसर आ जाएगा दोस्तों, थर्ड। नेक्स्ट सवाल की ओर बात करें तो कौन सा दे रखा है, 50 नंबर सवाल, बहुत ही शानदार सवाल है ये, ऐसा नीट में सवाल पूछा भी गया है 2016 में, है ना। तो बताइएगा दोस्तों कौन है, ये बाईफिनाइल रिंग दे रखी है। अब अपने को पता है कि बाईफिनाइल के ऑर्थो पे बल्कि ग्रुप आते ही इनमें आपस में रिपल्शन हो जाता है, जिसके कारण एक रिंग आउट ऑफ प्लेन हो जाती है, एक तो पड़ी और एक खड़ी, इस वाली कंडीशन में आ जाती है। ये कब रोटेशन होंगे, जो ऑर्थो पे बल्कि ग्रुप आएंगे, जैसे ही ऑर्थो पे बाईफिनाइल के ऑर्थो पे बल्कि ग्रुप आ जाते हैं, इनमें आपस में रिपल्शन होता है, जिसके कारण वो क्या हो जाती है दोस्तों, क्या हो जाती है, एक रिंग आउट ऑफ प्लेन हो जाती है। तो यानी कि एक तो इस प्लेन में हो गई और एक इस प्लेन में हो गई, ठीक है। अगर इसमें POS COS एब्सेंट है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगी, यानी कि विदाउट कायरल कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड या तो एलीन हो सकती है या फिर बाईफिनाइल हो सकते हैं, एलीन यानी कि जिसमें लगातार डबल बॉन्ड होता है। यहां पे देखिएगा दोस्तों, अब एक खड़ी है और एक पड़ी है, ये आपस में रोटेशन कर जाएगी, रोटेशन कर जाएगी तो दोस्तों क्या आ जाएगा, एक को तो खड़ी कर दो और एक को क्या होगा, एक पड़ी है। अब इसको अपन काट सकते हैं क्या, जी हाँ काट सकते हैं, देखो ऐसे है, ऐसे है तो इस पे दोनों BR लगे हुए हैं, तो इसको आप ऐसे काट दो, और जो खड़ी है उसको तो पूरी को काट दो, क्योंकि वो तो प्लेनरी है। तो आपने क्या किया दोस्तों, इसको तो पूरी को काट दिया और इसको आधी काट दिया, तो इसका मतलब इसमें क्या हो गई, POS हो गई, और POS होते ही आपको पता है प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई, सम्मिति का तल हो गया, इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गई, कहानी खत्म हो गई इसकी। इसमें देखो क्या, इसमें क्रियल कार्बन है, देखो अगर क्रियल कार्बन, सिंगल कायरल कार्बन ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, सिंगल कायरल कार्बन अगर किसी में उपस्थित है, इसका मतलब वो क्या रहेगा, प्रकाशिक सक्रिय यौगिक रहेगा, ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। इसमें देखो ये क्या दे दिया, C6H5, ये भी क्या दे दिया, pH, ये भी क्या दे दिया, pH, ओ अलग अलग तरीके से लिख दिया, इसका मतलब एक बंदा एक ही है, इसके रूप अलग अलग कर दिए, इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, सेम ही तो ग्रुप है, फिनाइल फिनाइल फिनाइल, इसका मतलब ये क्रिल कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, ना ये क्रिल ना ये क्रिल, ठीक है। अब इसमें देखो, इसकी अगर अपन बात करें तो ये रिंग भी आउट ऑफ प्लेन जाएगी, अब आपको देख के लग रहा होगा कि इसमें COS है, लो जी इधर गए NO2, इधर गए NO2, इधर गए Cl, इधर गए Cl, तो इसमें क्या है, COS है, सेंटर ऑफ सिमेट्री दोस्तों, नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑर्थो पे जैसे ही बल्कि ग्रुप आए, इनमें आपस में रिपल्शन हुआ, देखते ही ऑर्थो वालों को देखते ही लड़ाई चालू, तो इसका मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, तो ये एक दूसरे में क्या होगी दोस्तों, नहीं खटा सकती, एक प्लेन में नहीं रह सकती, नहीं रह सकती, तो ये आउट ऑफ प्लेन होगी, आउट ऑफ प्लेन होते ही आप इसको काट सकते हो क्या, इधर देखो Cl इधर NO2, ऐसे काट सकते हो, नहीं काट सकते, ऐसे काट सकते हो, ये कट जाएगी, लेकिन इधर Cl इधर NO2 नहीं कटेगी दोस्तों, तो इसका मतलब विदाउट कायरल कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, कौन सा है बोला, थर्ड। इसमें देखो दोस्तों LDH और LDH दोनों सेम हो गए, इसका मतलब इसमें भी क्या नहीं हो सकती, ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं हो सकती, इसका मतलब कहानी खत्म है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा साहब, थर्ड आंसर आ जाएगा जी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े तो कौन सा दे रखा है अपने को, 51 नंबर सवाल, देखो दोस्त 51 नंबर सवाल की अगर अपन बात करें तो CH4 में टोटल नंबर ऑफ बोन एंगल, वाव बताओ कितने हैं, ये सवाल आपके आ भी चुका है, टोटल नंबर ऑफ बोन एंगल, बोन एंगल पूछा है दोस्तों, कितने बोन एंगल हैं, कितने बोन एंगल है बताओ, CH4 में बोन एंगल पूछा है, बंद कोणों की संख्या पूछी है, टोटल नंबर ऑफ बोन एंगल्स, कितने बंद कोण है, अब ये नहीं पूछा 109 डिग्री के कितने बोन एंगल है इसमें, 109 डिग्री 28 मिनट के कितने बंद कोण हैं, बंद कोणों की संख्या पूछी है, बताओ कितने हैं, मेरे हिसाब से तो 6 हैं, आप देखिए कितने हैं,
ठीक है, बताऊं कैसे है। मान लो अपने को क्या दे दिया दोस्तों, कुछ ऐसा दे दिया, ये देखो चार अपने को वैलेंसी दे रखी है, 1, 2, 3 और 4, कौन कौन से बॉन्ड होंगे, यही तो है इसकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, दो तो एक प्लेन में होते हैं, वेज लेग अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो यही तो बनेगी आपकी, ठीक है, कौन सी बन गई, चार। अब काउंट करिएगा कितने बॉन्ड एंगल है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, कितने हो गए, 3, 4, 5, 6, कितने बॉन्ड एंगल हो गए, 6 हो गए, ठीक है, 1, इसके वाला 2, इसके वाला 3, इसके वाला 4, इसके वाला 5, इसके वाला 6, कितने बॉन्ड एंगल होते हैं, 6 बॉन्ड एंगल होते हैं साहब, ठीक है। तो CH4 में कितने बॉन्ड एंगल पाए जाते हैं, 6 बॉन्ड एंगल मिलेंगे साहब, तो नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल कितने हैं, 6 है, 4 नहीं करना है कहीं, 1, 2, 3, 4 कहानी खत्म, नहीं दोस्त, कितने मिलेंगे, 6 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े, तो कौन सा सवाल अपने को दे रखा है, देखो 52 नंबर सवाल, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर्स इन 1-chloro-2-ethyl-cyclohexane, प्रकाशिक समावियों की संख्या पूछी है दोस्तों, ठीक है। तो पहले तो इसकी स्ट्रक्चर बनाओ आप, फिर देखना क्या माजरा है। यहां पे बात करें तो एक तो आपको सीएल दे दिया और एक क्या दे दिया दोस्तों, इथाइल दे दिया, क्या दे दिया, एक सीएल और एक है इथाइल। ये देखिए सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, दो कायरल कार्बन है, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा, 2, कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों, 4, चारों के चारों क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। प्रूफ चाहिए तो आप इसके सिस और ट्रांस फॉर्म बनाइए दोस्तों, क्या बनाओगे, एक तो आप इसकी सिस बनाओगे और एक क्या बनाओगे, ट्रांस, तो बनाइए, क्या बना सकते हो, GI2 प्रदर्शित करेंगे ना आप, एक आपने सिस बना दिया, क्या बना दिया दोस्त, सिस बना दिया, यहाँ सीएल और यहाँ पे क्या लगा दिया, इथाइल, एक तो सिस बन गई, और दूसरी अपन क्या बना सकते हैं दोस्तों, ट्रांस बना सकते हैं, यानी कि एक को बैक साइड में यानी कि बेस लाइन पे और एक को क्या बना दो, डैश लाइन पे बना दो, तो ये आपने बेस लाइन पे बना दिया इथाइल को और डैश लाइन पे बना दिया सीएल को, यस करो। अब इसमें देखो पीएस सीएस है क्या, जिसमें पीएस सीएस एब्सेंट होती है वो कैसा होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, बताओ इसमें पीएस है क्या, नहीं हो सकती दोस्त, काट सकते हो क्या, नहीं काट सकते, दोनों अलग अलग है, तो इसका मतलब एक तो ये हो गया और एक इसकी क्या हो गई दोस्तों, मिरर इमेज हो गई, ठीक है। तो मिरर इमेज यानी कि एक ये डी है तो सामने वाला क्या होगा एल, ये एल है तो सामने वाला क्या हो जाएगा दोस्त, डी हो जाएगा। इसमें देखो जब दोनों सामने थे तब भी पीएस नहीं हो पाई तो अपोजिट जाने पर कैसी हो सकती है, नहीं होगी, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, डी और एल यानी कि इनेंसियोमर बनाएगा। तो कितने हो गए दोस्तों, इनेंसियोमर पेयर 2 हो गए, पेयर 2 हो गए, और टोटल इनेंसियोमर कितने हो गए, 4, चारों के चारों कैसे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, इसका मतलब कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों, 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो इसी कड़ी में आगे बढ़े, तो क्या दे रखा है अपने को, कुछ ये सवाल दे रखा है, बेहद ही प्यारा सा सवाल, क्या दे रखा है, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड, यानी कि टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड या इंक्लूडिंग CH बॉन्ड, यानी कि अति संयुग्मन प्रभाव के कारण बनने वाली कुल अनादि संरचनाओं की संख्या CH बंध को सम्मिलित करते हुए इज इक्वल टू अल्फा H, कितनी होती है दोस्तों, इज इक्वल टू अल्फा H, जितनी अल्फा H होती हैं वही होती हैं, लेकिन ये आपको क्या दे रखा है दोस्तों, ब्रिज हेड एटम दे रखा है, ब्रिज हेड एटम पर उपस्थित हाइड्रोजन चलावयता में अति संयुग्मन में भाग नहीं लेता, ना ही ब्रिज हेड एटम पर उपस्थित लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है तो वो अनुनाद में भाग लेता, क्यों, क्योंकि बिकॉज कैन नॉट हैव प्लेनर स्ट्रक्चर, क्योंकि इसकी क्या नहीं हो सकती, प्लेनर संरचना नहीं हो सकती, ठीक है, समतलीय संरचना नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि ये आपने क्या लगा दिया, ये साइक्लोहेक्सेन, ये आपने क्या लगा दिया दोस्तों, ब्रिज लगा दिया, अगर इसमें संकरण क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, तो दोस्तों ये क्या रहेगा, ब्रिज थोड़ी रहेगा, ये तो ब्रिज आपने तोड़ दिया, कैसी स्ट्रक्चर कर दी, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर कर दी, कहानी खत्म कर दी आपने, इसका मतलब यहां पे जो ब्रिज हेड एटम पर उपस्थित हाइड्रोजन है ये हाइपर कॉन्जुगेशन का हिस्सा नहीं हो सकता, ना ही ब्रिज हेड एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ सकता, क्यों, क्योंकि वो ब्रिज नहीं रहेगा, फिर ब्रिज आपने तोड़ दिया, तो अल्फा एच ये काउंट नहीं करेंगे। अब इसके पास कितने हैं, यहाँ CH3 है और यहाँ पे एक अल्फा एच है, तो 3 इसके पास है और एक इसके पास है, तो कितने हो गए दोस्तों, 4, तो आंसर अपना क्या आ जाएगा, 4, यस करो, क्यों, क्योंकि एक इसके पास है और 3 इसके पास है, 4 ही अल्फा एच अति संयुग्मन में भाग लेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन में भाग लेंगे, ब्रिज हेड एटम पर उपस्थित है हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन का हिस्सा नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अगर आप इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन दोस्तों करवा दोगे
तो यहां पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड आपको पता है दोस्तों नहीं घटा सकता, क्या नहीं रह सकता, ब्रिज हेड एटम के ऊपर डबल बॉन्ड आते ही फिर इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो गई, समतलीय हो गई, प्लेनर हो गई, कैसी हो गई, प्लेनर, नॉन बॉन्ड, नो बॉन्ड रेजोनेंस, नॉन बॉन्ड रेजोनेंस, बिना बंध का अनुनाद, ठीक है। तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन चला लेता, में भाग भी नहीं लेता और हाइपर कॉन्जुगेशन में भाग भी नहीं लेता, यहां पे लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होता तो अनुनाद में भाग भी नहीं लेता, बिकॉज कैन नॉट हैव प्लेनर स्ट्रक्चर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कौन सा आंसर मिल गया आपने को, चार। नेक्स्ट क्या दे रखा है दोस्तों, ये कह रहा है कि मोस्ट एसिडिक कौन सा है। अब एसिडिक सेंथ की अगर हम बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस के, यानी कि एच निकलने के बाद में जो एनायन बनता है वो कितना ज्यादा स्थाई है, जो जितना ज्यादा स्थाई होगा इसका मतलब उसकी अम्लता उतनी ज्यादा होगी, एसिडिक सेंथ उसकी उतनी क्या मिलेगी, ज्यादा। तो देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन को निकालने के बाद में क्या बनाइए, एनायन बनाइए, ये आपने एनायन बनाया, हाइड्रोजन निकालने के बाद में ये आपने एनायन बनाया, हाइड्रोजन निकालने के बाद में ये आपने एनायन बनाया, हाइड्रोजन निकालने के बाद में ये आपने एनायन बनाया, ये सारे के सारे क्या हैं दोस्तों, कॉन्जुगेटेड बेस है। एसिडिक सेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस के, कॉन्जुगेटेड बेस का स्थायित्व जितना ज्यादा होगा इसका मतलब वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज इधर पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, 6 pi इलेक्ट्रॉन, वाओ, ये क्या हो गया दोस्तों, 6 pi इलेक्ट्रॉन, ये भी कैसा हो गया दोस्तों, 6 pi इलेक्ट्रॉन, और ये भी कैसा हो गया, 6 pi इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये कैसी होगी, एरोमेटिक हो गई, एरोमेटिक मोस्ट स्टेबल होती है, इसका मतलब एरोमेटिक तो सारी होगी, कहानी खत्म कर दी, यस करो, तो एरोमेटिक वाली तो किस्सा ही नहीं रहा। अब देखेंगे कि किसी के साथ कोई दूसरा साइड प्रोडक्ट यानी कि साइड कॉन्जुगेशन क्या है, ठीक है, और किसी दूसरे तरीके से कौन ज्यादा स्थाई हो सकता है। अब इसमें देखो यहां पे तो कुछ नहीं है, इसके पास क्या आ गया दोस्तों, प्लस वाला आ गया, और प्लस वाले क्या करते हैं, कार्बेनायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं, माइनस वाले इंक्रीज करते हैं, इसका मतलब इन दोनों में से तो ये ज्यादा अम्लीय हो गया, मोर एसिडिक हो गया, क्यों, क्योंकि CH3 में आते ही क्या हो गया, 3 degree कार्बेनायन बन गया, और 3 degree कार्बेनायन क्या होता है, लीस्ट स्टेबल होता है दोस्तों, कार्बेनायन की स्टेबिलिटी से देख सकते हैं अपन, इसका मतलब कहानी खत्म हो गई, फर्स्ट मोर एसिडिक हो गया। अब इसकी बात करें तो ये कौन सा आ गया दोस्तों, माइनस आई वाले, और माइनस आई वाले क्या करते हैं, कार्बेनायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, इसका मतलब इससे ज्यादा ये हो गया, यस करो। अब इसकी अगर अपन बात करें तो देखो ये इधर भी जा रहा है, और पी के पास क्या होता है दोस्तों, वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वाओ, वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास नेगेटिव चार्ज, इसके पास खाली कक्षक, इसका मतलब क्या मिल जाएगी दोस्तों, इसके खाली घर को देखकर इसका मन ललचाया, इसका मतलब क्या मिल जाएगी, बीवी मिल जाएगी, बीवी का मतलब क्या हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग, कैसा है ये बंधन, अनजाना, ना तूने जाना ना इसने जाना, इसका मतलब क्या हो गया, पश्च बंधन बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, और बैक बॉन्डिंग आपको पता है बीवी मिलते ही स्टेबिलिटी क्या हो जाती है दोस्तों, बढ़ जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो गया, ये वाला। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके पास भी नेगेटिव और पॉजिटिव था तो आपने यहां बीवी नहीं दिलाई, दोस्तों यहां बीवी नहीं मिल सकती, इसकी अभी उम्र छोटी है, क्यों, क्योंकि दूसरे आवर्त सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल इन सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, ये बस की बात नहीं है, सेकंड पीरियड वाले लोगों के बस की बात नहीं है, वो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं दोस्तों, 8, और 8 इसके पास है, 3 तो देखो कार्बन के साथ बॉन्ड बना रखे हैं, 1 इसके पास, तो 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट है। अब ये दोबारा नहीं झेल पाएगा, ये होते ही तो क्या हो जाएगी, 10 हो जाएंगे, तो 10 वो रखेगा कहां, उसके पास तो कोई रूम ही खाली नहीं है, रूम किसके पास खाली था, इस पप्पू के पास खाली था, यानी कि फास्फोरस के पास, यस करो, यस, थर्ड पीरियड वालों के पास, फोर्थ पीरियड वालों के पास क्या होता है दोस्तों, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, इसलिए वो अपना लेते हैं दूसरों को, यस करो, तो कौन सा मोर एसिडिक हुआ आपका, फोर्थ। चलो इसी कड़ी में आगे बढ़े हैं, तो कौन सा दे रखा है आपको, 55 नंबर सवाल दे रखा है दोस्तों, क्या पूछा गया है, बेसिक सेंथ, क्या पूछी गई अपने से, बेसिक सेंथ, बेसिक सेंथ के लिए देखिएगा ये ऑर्डर याद रखिएगा, कौन सा भला, सबसे ज्यादा किसकी क्षारकता होती है, कभी भी क्षारीय सामर्थ्य का सवाल गलत नहीं होगा, यहाँ पे आपको क्या दे दिया दोस्तों, ये दे दिया, ये किसका काम करेगा, प्लस एम वाला, किसका है, प्लस एम, यानी कि पाई के अल्टरनेट में क्या है, लोन पेयर, ये ऐसे भी कॉन्जुगेशन हो सकता है, पाई सिग्मा पाई, फिर लास्ट में NH2 हो सकता है, तो वो लोन कॉन्जुगेशन हो सकता है। अब देगा कौन दोस्तों, ये देने वाला डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, ये है डोनेटिंग ग्रुप, कौन सा है, ये नाइट्रोजन लोन पे डोनेट करेगा, ठीक है, तो सबसे ज्यादा बेसिक सेंथ इसी की मिलेगी, उसके बाद में प्लस आई वाला,
प्लस आई इंक्रीज करते हैं, माइनस आई वाले क्या कर देते हैं दोस्तों, डिक्रीज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन किसके अकॉर्डिंग देखेंगे दोस्तों, ई एन के अकॉर्डिंग, ई एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग। जिसकी ई एन ज्यादा होगी, ई एन ज्यादा होगी उसकी डोनेटिंग पावर उतनी कम होगी, यानी कि ई एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंजूसी के। इसकी बात करें तो लोन पेयर इन रेजोनेंस, लोन पेयर अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो उसकी शारकता कम हो जाती है, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। फिर अगर अपन बात करें तो लोन पेयर इन एरोमेटिक, अगर लोन पेयर एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट करता है तो उसकी शारकता सबसे कम होती है दोस्तों। क्या होती है? सबसे कम होती है। शारकता सबसे ज्यादा किसकी मिलेगी? इस वाले ग्रुप की। अगर इधर भी NH2 लगा देंगे तो सबसे ज्यादा इसी की मिलेगी। यस करो, तो इसकी सबसे ज्यादा, ऐसा कोई ग्रुप कहीं भी आ जाए, चाहे वो रिंग में आ जाए चाहे बिना रिंग वाला आ जाए, सबसे ज्यादा शारकता इसी की रहेगी। उसके बाद में प्लस आई, माइनस आई, उसके बाद में ई एन। ई एन कौन से नाइट्रोजन की ज्यादा होती है? एसपी नाइट्रोजन की ज्यादा होती है, एसपी थ्री वाले की कम होती है। इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ एसपी थ्री वाले की ज्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद में लोन पेयर इन रेजोनेंस, ठीक है। उसके बाद में लोन पेयर इन एरोमेटिसिटी, यानी कि लोन पेयर के पार्टिसिपेट करने से क्या हो जाए, एरोमेटिक हो जाए, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या रहेगी दोस्तों? सबसे कम रहेगी। अब देखो इस सवाल में, अब ये देखो कौन सा है sp2, इसी रूल के अकॉर्डिंग देखना है दोस्तों। इसमें लोन पेयर कहां जा रहा है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसको तो देखते ही क्या कर दो, सबसे लास्ट में पटक दो दोस्तों। लोन पेयर एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहा है तो लोन पेयर इन एरोमेटिसिटी, यस करो, देख लो लोन पेयर इन एरोमेटिसिटी। इसका मतलब इसकी शारकता सबसे कम मिलेगी, इसका मतलब दूसरे की सबसे कम है, ठीक है। उसके बाद में क्या देखो दोस्तों, इसमें देखो लोन पेयर इन रेजोनेंस, पाई सिग्मा लोन पेयर है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें अनुनाद हो गया, इसमें नहीं अनुनाद। इसमें देखो इसमें अनुनाद है क्या? sp2 संकरित लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, वो अनुनाद में भाग नहीं लेता। sp2 हाइब्रिड लोन पेयर एंड नेगेटिव चार्ज डज नॉट पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि p ऑर्बिटल तो ऐसे हो गए और लोन पेयर ऐसे हो गया, तो ये क्या कॉन्जुगेशन का हिस्सा हुआ? नहीं हो सकता दोस्तों। क्यों? क्योंकि ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए, या तो ये पी ऑर्बिटल भी ऐसे ही होने चाहिए थे या फिर लोन पेयर भी ऐसे ही होना चाहिए था। और किसी बंदे के पास कितने भी लोन पेयर हो, ओनली ऑन वन लोन पेयर ही कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, ओनली सिंगल लोन पेयर पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन। क्यों? क्योंकि अगर एक कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर लेगा तो दूसरा एसपी टू हो जाएगा, और एसपी टू हाइब्राइड लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज डज नॉट पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन। बात समझ गए? तो ये एसपी टू है, ये कॉन्जुगेशन का हिस्सा नहीं हो सकता दोस्तों, अनुनाद में भाग नहीं ले सकता। इसका मतलब सबसे कम किसकी? दूसरे की। उसके बाद में क्या देखेंगे दोस्तों? उसके बाद में देखो लोन पेयर इन रेजोनेंस, रेजोनेंस में किसमें जा रहा है? इसमें। इसका मतलब दूसरे से ज्यादा है किसकी? तीसरे की। उसके बाद में ईएन के अकॉर्डिंग देखेंगे, ईएन बताओ किसकी ज्यादा है? अगर अपनी ईएन की बात करें तो बताओ किसकी ज्यादा है? ईएन एक तो एसपी दो संकरित है और एक है एसपी थ्री संकरित है, तो देखो ये तो एसपी टू है और ये कैसा है एसपी थ्री, तो ईएन इसकी ज्यादा होगी। ईएन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंजूसी के, इसका मतलब फर्स्ट, और सबसे ज्यादा कौन सा हुआ? फोर्थ। तो ये अपना ऑर्डर आ जाएगा 4132, कौन सा हुआ दोस्तों? 4132, इसका मतलब थर्ड आंसर होगा। कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। ये सवाल आपने किए भी है मस्ती के साथ झूमते हुए, ठीक है। फिर ये क्या पूछा है दोस्तों, निम्न यौगिकों में क्या पूछा गया है? बेंजीन पर इलेक्ट्रॉनिक घनत्व का सही क्रम है, प्लस वाले इंक्रीज करते हैं माइनस वाले डिक्रीज करते हैं। CH3 का कौन सा इफेक्ट है बताओ? प्लस H। Cl का कौन सा इफेक्ट है? माइनस I। इसका कौन सा इफेक्ट है दोस्तों? प्लस M। लोन पेयर है ना इसके पास, ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो बताओ प्लस M इज मोर डोमिनेट देन प्लस H, प्लस M इज मोर इफेक्टिव देन प्लस H, तो सबसे ज्यादा किसका होगा बताओ? थर्ड का। यस करो, अब इसका पता है, इसका प्लस एम और माइनस आई दोनों होते हैं, लेकिन माइनस आई इज मोर इफेक्टिव देन प्लस एम, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, लेकिन जब भी अपन इसकी ईएसआर करवाते हैं तो ये ऑर्थो एंड पेरा प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। ये इसका अद्भुत गुण है, ठीक है, कह सकते हैं कि मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा हूं फिर भी मैं उल्टा गुण प्रदर्शित कर रहा हूं, ये इसका है, मेरा नहीं इसका, ठीक है। यहां पे अगर अपन बात करें तो थर्ड प्लस एम, उसके बाद में किसकी बात करेंगे? फर्स्ट की, उसके बाद में फोर्थ की, और सबसे कम कौन आ जाएगा दोस्तों? सेकंड, सेकंड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को डिक्रीज करने वाला ग्रुप है, यानी कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। कैसा है? डीएक्टिवेट। तो कौन सा आ जाएगा दोस्तों? थर्ड 3142, 3142, यानी कि कौन सा आंसर आ जाएगा दोस्तों? फोर्थ आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखिए बेहद ही प्यारा सा सवाल क्या दे दिया दोस्तों, दे रखा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फ्लोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
तो सबसे पहले तो अपने देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए क्या देखते हैं, न्यूट्रल स्ट्रक्चर देखा जाता है, नॉन चार्जेबल स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद में क्या देखी जाती है, पोलर, क्या देखा जाता है, पोलर, ठीक। सबसे पहले तो न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब नॉन पोलर, नॉन पोलर आपको डायपोल मूवमेंट चेक नहीं करना, डायपोल मूवमेंट का चेक नहीं करना है। नॉन पोलर का मतलब ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, उसका स्थायित्व सबसे ज्यादा होगा, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, यानी कि नॉन चार्जेबल स्ट्रक्चर, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। उसके बाद में पोलर देखते हैं, पोलर जिसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव हो। उसके बाद में क्या देखते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट क्या हो दोस्तों, कंप्लीट हो, ठीक है। उसके बाद में क्या देखा जाता है दोस्तों, नेगेटिव चार्ज मोर इन एटम पे और पॉजिटिव चार्ज क्या होना चाहिए, लेस इन एटम पर अच्छा लगता है, ठीक है। और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और मोर इन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब अंबानी जी कंगाल, कहानी खत्म हो गई दोस्तों, सुसाइड के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं बचा दोस्तों, ठीक है। आप देखो, ठीक है, सबसे पहले क्या देखेंगे दोस्तों, ऐसी स्ट्रक्चर जिसके ऊपर कोई चार्ज ना है, कौन सी स्ट्रक्चर ऐसी है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कौन सी है, फर्स्ट वाली देखो, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट सबसे मोस्ट स्टेबल हुई, ठीक है। उसके बाद में देखो ऑक्टेट किसका कंप्लीट है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, किस पे, कार्बन पे, ठीक है। अब देखो इसके पास 6, इसके पास 6, इसके पास 8, कितने हैं 8, इसके पास भी कितने हैं दोस्तों 8, इसका मतलब ऑक्टेट किसका कंप्लीट है, फोर्थ का। उसके बाद में क्या देखेंगे दोस्तों, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इन दोनों का ही ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, देखो कार्बन पे नेगेटिव, कार्बन पे ही पॉजिटिव, बराबर है। अब आपको पता है कि कार्बन कार्बन के ऊपर क्या है दोस्तों, पास पास वाली स्पीशीज के ऊपर क्या है दोस्तों, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो स्ट्रक्चर क्या मानी जाती है, लीस्ट स्टेबल मानी जाती है, क्या मानी जाती है, लीस्ट स्टेबल मानी जाती है। इसका मतलब सबसे ज्यादा किसकी स्टेबिलिटी हुई, ये दोनों ही लीस्ट स्टेबल हो गई। फिर कैसे चेक करेंगे, फिर ऐसे चेक करेंगे दोस्तों, ये नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज और ये लोन पेयर एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे दोस्तों। तो अब नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर आपस में रिपल्शन करेंगे, जिसके कारण उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा किसकी हो गई दोस्तों, फर्स्ट की, उसके बाद में फोर्थ की, उसके बाद में थर्ड इज मोस्ट स्टेबल देन सेकंड, तो सेकंड लीस्ट स्टेबल हो गया, तो कौन सा आ जाएगा, थर्ड, और उसके बाद में क्या आ जाएगा दोस्तों, सेकंड, ठीक है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, फर्स्ट फोर थर्ड सेकंड, फर्स्ट फोर थर्ड सेकंड, कौन सा आ गया, सेकंड आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, 58 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों, क्या कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड विल शो टोटोमेरिज्म, ब्रिज हेड एटम पर उपस्थित हाइड्रोजन चलावेता में भाग नहीं लेता, इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन है वो चलावेता में भाग नहीं लेगा, इसका मतलब ये टोटोमेरिज्म शो नहीं कर सकता, ये टोटोमेरिज्म शो कर सकता है दोस्तों। इसके पास अल्फा एच है, ये यहाँ पे, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे और ये यहाँ पे, या फिर डायरेक्ट इसको यहाँ भेज दो, एक ही बात है, ये चलावेता प्रदर्शित करेगा। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या, डबल बॉन्ड के पास CH3 अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये चलावेता प्रदर्शित नहीं कर सकता। इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब चलावेता यानी कि टोटोमेरिज्म के लिए अल्फा हाइड्रोजन sp3 होना चाहिए, ठीक है। जनरली क्या होता है, sp3 अल्फा हाइड्रोजन परसेंट है, तो इसका मतलब वो क्या है, टोटोमेरिज्म शो करेगा। तो कौन सा आंसर हो गया, सेकंड। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, कौन सा दे रखा है अपने को, स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर की अगर अपन बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अल्फा एच के, अल्फा एच जितने ज्यादा होंगे इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही क्या मिलेगी दोस्तों, ज्यादा। इसके पास अल्फा एच क्या है, सर्वाधिक है, तो सबसे ज्यादा किसकी आ जाएगी, फर्स्ट की। उसके बाद में इसकी अगर अपन बात करें तो देखो इसके पास अल्फा एच 6 है, इसके पास भी अल्फा एच 6 है, इसके पास भी अल्फा एच 6 है, तो इन तीनों के बराबर होनी चाहिए, लेकिन नहीं। क्या ऑर्डर आ जाएगा, 1 2 4 3 आएगा। ऐसे कैसे आ गया दोस्तों, अब आप कहोगे ये तो आंसर में मिल गया था हमें, ठीक है। तो कैसे करेंगे कि ये आपको क्या दे रखी है, आइसोब्यूटिलीन, इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे उससे क्या बनेगा दोस्तों, 1 डिग्री कार्बेनाइन मिलेगा, और इससे जो अपन बनाएंगे उससे क्या बनेगा दोस्तों, 2 डिग्री कार्बेनाइन मिलेगा। तो 1 डिग्री कार्बेनाइन इज मोस्ट स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बेनाइन, ठीक है। तो इसकी जो अपने अति संयुग्मन हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे उससे 1 डिग्री कार्बेनाइन मिलेगा, कौन सा, 1 डिग्री, और इससे कौन सा मिलेगा दोस्तों, 2 डिग्री मिलेगा। तो 1 डिग्री कार्बेनाइन इज मोस्ट स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बेनाइन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी जिसके पास अल्फा एच ज्यादा है, इसके पास तीनों के पास अल्फा एच बराबर है, इसका मतलब आइसोब्यूटिलीन इज मोस्ट स्टेबल देन 2-ब्यूटीन,
ठीक है। और सिस और ट्रांस में से आपको बताएं, ट्रांस इज मोस्ट एबल देन सिस, ट्रांस इज मोस्ट एबल देन सिस, ठीक है, ड्यू टू मिनिमम वैन डर वाल्स स्ट्रेन। तो कौन सा आ जाएगा दोस्तों, फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड, कौन सा आंसर आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड, यानी कि कौन सा आंसर आ जाएगा, ये आंसर मिल गया आपने को थर्ड। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, कौन सा दे रखा है दोस्तों, 60 नंबर सवाल, 60 नंबर सवाल क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी की बात कर रहा है। देखिए सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है, देख के अंदाजा लगाइए, ये कौन है दोस्तों, सीपीएम, सीपीएम साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, यानी कि डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है, इसको डांस आता है दोस्तों। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है, डांसिंग रेजोनेंस यानी कि इसकी होती है, ठीक है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, बाकी कोई सीपीएम नहीं है दोस्तों। इसमें क्या है, फिर रिंग के स्ट्रेन से देखेंगे, ये डांसिंग रेजोनेंस क्यों प्रदर्शित करती है, क्योंकि तीन मेंबर रिंग है और स्ट्रेन सबसे ज्यादा है, इसलिए ये बोन क्या करने लग जाते हैं, नाचने लग जाते हैं, ठीक है, तो जिसे अपन क्या बोल देते हैं, डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है। तो सबसे ज्यादा फोर्थ की, उसके बाद में स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, ये 3 डिग्री है, ये कैसा है, 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, 5 मेंबर इज मोर स्टेबल देन 4 मेंबर, ठीक है। कौन सा आ जाएगा दोस्तों, सेकेंड, उसके बाद में कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट, उसके बाद में कौन सा आ जाएगा, थर्ड। तो कौन सा आंसर मिल जाएगा अपने को, 4 2 1 3, 4 2 1 3, यानी कि कौन सा आंसर मिल जाएगा, फर्स्ट, ठीक है। 60 नंबर सवाल के बाद में नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, कौन सा है, 61 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस कार्बोनिल में हाइड्रोजन अधिक अभिगमन करेगा, यानी कि कौन जल्दी क्या होगा, मोस्ट हाइड्रोजन शिफ्टिंग की बात हो रही है दोस्तों। ये तो अपने बात करें तो ये क्या है, सीपीएम है, सीपीएम कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल होता है, यानी कि ए बी सी बोल सकते हैं, ए बी सी, ए फॉर एरोमेटिक, बी फॉर बैक बॉन्डिंग और सी फॉर सीपीएम मोस्ट स्टेबल होता है, इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन माइग्रेट नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद में इनकी बात करें तो कौन करेगा, पीएच, इसमें भी हाइड्रोजन माइग्रेट नहीं करेगा, इसमें हाइड्रोजन माइग्रेट कर सकता है और इसमें हाइड्रोजन माइग्रेट कर सकता है, ठीक है, इससे भी 3 डिग्री कार्बोकैटायन मिलेगा और इससे भी 3 डिग्री कार्बोकैटायन मिलेगा, बस 6 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल देन 5 मेंबर रिंग, इसका मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा अपना, फोर्थ आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्या कह रहा है अपने, 62 नंबर सवाल क्या पूछा गया है दोस्तों, डाइपोल मूवमेंट की बात हो रही है, द्विध्रुव आघूर्ण किसका ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास क्या दे रखा है, देखो Cl, Cl का कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, ऊपर की ओर रहेगी, नेट इफेक्ट इसका क्या रहेगा, ऊपर की ओर। इसकी अगर अपन बात करें तो इसका माइनस आई इफेक्ट भी होता है और माइनस आई इफेक्ट के साथ साथ क्या होता है दोस्तों, प्लस एम इफेक्ट भी होता है। अब माइनस आई इफेक्ट कह रहा है कि, माइनस आई तो कह रहा है कि मैं ऊपर की ओर खींचूंगा, प्लस एम वाला हल्का सा क्या कर देता है दोस्तों, माना कि माइनस आई मोर डोमिनेट होता है लेकिन प्लस एम भी तो कोई चीज है, प्लस एम वाला हल्का सा क्या कर देगा दोस्तों, दबा देगा। तो इसका मतलब इसमें से और इसमें से माइनस आई और प्लस एम दोनों काम कर रहा है, एक ऊपर की ओर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ऊपर से दबा रहा है, ठीक है, हल्का सा ही दबा रहा है, लेकिन उसका डायरेक्शन तो क्या हो जाएगी दोस्तों, यानी कि डायपोल मूवमेंट तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन तो कम हो गई। इन दोनों में से किसका ज्यादा है दोस्तों, फर्स्ट का है। ये भी एनसीईआरटी की लाइन है कि क्लोरोबेंजीन और साइक्लोहेक्सेन क्लोराइड में से डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होता है, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन का ज्यादा होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट, ओनली ऑन माइनस आई इफेक्ट है। अब इसका क्या है दोस्तों, माइनस आई इफेक्ट है, इसका मतलब इसका भी इफेक्ट क्या रहेगा, ऊपर की ओर रहेगा। तो अब माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा है, एनओ टू का ज्यादा होता है, इसका मतलब थर्ड का डाइपोल मोमेंट क्या रहेगा दोस्तों, ज्यादा। उसके बाद में फर्स्ट और सबसे कम किसका रहेगा, सेकेंड का, कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, यानी कि फोर्थ आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, कौन सा सवाल अपने को दे रखा है, देखिए अल्फा हाइड्रोजन इन, यानी कि इनका टोटल पूछा है, ठीक है, योग पूछा है। तो देख लो दोस्तों, आइसोब्यूटीन, आइसोब्यूटीन क्या होती है, CH3, CH डबल बॉन्ड, CH2 और CH3। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं दोस्तों, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 6 है, 2 पेंटीन, 1 2 3 4 5, 2 पेंटीन, इसके पास अल्फा है, डबल बॉन्ड का पड़ोसी कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। तो इसके पास भी 3 है और इसके पास 2 है, इसका मतलब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे दोस्तों, 5 हो जाएंगे। फिर अपने को क्या दे रखी है, बीटा ब्यूटिलीन दे रखी है, ये इसका क्या है दोस्तों, सिंपल नेम है। तो बीटा ब्यूटिलीन, ब्यूटीन यानी कि CH डबल बॉन्ड, CH और CH3, बीटा ब्यूटिलीन का मतलब इसका नेम लिखते हैं, सिंगल बोन यानी कि डबल बोन अगर फर्स्ट नंबर पे है तो उसको अल्फा ब्यूटिलीन बोलेंगे और सेकंड नंबर पे है तो बीटा बोलेंगे और थर्ड नंबर पे है तो उसको क्या बोल देंगे, अल्फा बीटा, गामा की बारी आ जाएगी, फिर डेल्टा की बारी आ जाएगी। इसका मतलब ये अल्फा और ये बीटा ब्यूटिलीन है। अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे तो ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए दोस्तों, 6 हो गए,
ठीक है, तो क्या आंसर आएगा टोटल इनका 6 प्लस 5 प्लस 6 कितना हो गया भला 17। आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या दे रखा है अपने को देख लो, 64 नंबर सवाल। ये क्या कहा गया है दोस्तों, स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्या पूछा गया है, कॉमन नेम ऑफ बेंजोइल क्लोराइड। क्या इसका नेम बेंजोइल क्लोराइड होता है, बेंजोइल क्लोराइड तो बेंजीन से डायरेक्ट COCl चिपका होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बेंजोइल क्लोराइड। इसका मतलब ये तो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद में सेकेंडरी ब्यूटाइल एमीन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। सेकेंडरी ब्यूटाइल किसको बोलते हैं दोस्तों, CHCH सेकेंडरी इसको बोलते हैं। क्या बोला जाता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, यानी कि क्या बोला जाता है, 2 डिग्री से हाइड्रोजन से हाइड्रोजन क्या है रिप्लेस कर दिया जाए ब्यूटेन से। ठीक है, तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल, और यहाँ पे अपने क्या लगा दो दोस्तों, NH2। तो इसके पास कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन होगा तो सिंगल कायरल कार्बन होगा, वो ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर किसी बंदे के पास एक ही कायरल कार्बन है तो वो हमेशा क्या रहेगा, प्रकाशिक सक्रिय रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव के बारे में बोल रहा है, इसका मतलब ये तो इनकरेक्ट हो गया, तो ये गलत होगी बात। फिर क्या कह रहा है, एजुलीन इज एरोमेटिक कंपाउंड। यस, ये सही बात है। एजुलीन क्या होती है दोस्तों, एक तो 7 वाली और एक 5 वाली, यानी कि एक तो 7 मेंबर रिंग होती है और एक कैसी होती है, 5 मेंबर रिंग होती है। ये कैसी होती है दोस्तों, एरोमेटिक होती है और पोलर भी होती है। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो क्या दे दिया आपने को, ये डबल बॉन्ड दे दिया। देखो कौन सा डबल बॉन्ड दे रखा है एजुलीन की, अगर अपन स्ट्रक्चर बनाए, यहाँ डबल बॉन्ड दे दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड दे दिया। ठीक है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलते हैं एजुलीन। ये एरोमेटिक है दोस्तों, और ये ध्रुवीय भी होती है, यानी कि पोलर होती है। पोलर कैसे होती है दोस्तों, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे और ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे। अगर अपने इसको बनाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो क्या बन जाएगा, एक तो 7 मेंबर रिंग आपने बना दी और एक क्या बना रखी है, 5 मेंबर रिंग बना रखी है। देखिएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे चली गई, ठीक है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे और यहाँ पे। इसके ऊपर क्या गया दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ डबल बॉन्ड है। देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये भी कैसी हो गई, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज एरोमेटिक और पोलर भी है। तो इसका मतलब एजुलीन वाली बात सही है, एजुलीन इज एरोमेटिक कंपाउंड। इसका यूपीएससी नेम की बात करें तो दोस्तों ये क्या है, क्रोटोनिक एसिड। क्या दे रखा है, क्रोटोनिक एसिड तो क्या होता है दोस्तों, सिंपल नेम होता है, कॉमन नेम होता है। इसका मतलब आईयूपीएससी नेम लिखोगे तो अपने क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 फोर कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, ब्यूट। सेकंड नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड ईन, और लास्ट में ओइक एसिड यूज करेंगे। इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, एजोलिन इज एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या दे रखा है अपने को, 65 नंबर सवाल। इनोल का स्थायी रूप है। जनरली अगर अपन बात करते हैं, सामान्यता अगर अपन बात करते हैं, तो जनरली कीटोफॉर्म इज मोस्ट स्टेबल देन इनोल, जनरली सामान्यता। लेकिन कुछ इनोल भी क्या होते हैं, मोस्ट स्टेबल अगर कोई एरोमेटिक बन जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, अब इसका बनाइए, अगर किसी का एक से ज्यादा इनोल बनता है, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन एक से ज्यादा वाले कार्बन पे आ रहे हैं, तो वह इनोल बनाते हैं जो मोस्ट स्टेबल है। ठीक है, तो मोस्ट स्टेबल ये वाला बनेगा। तो यहाँ से अगर अपने इसका इनोल बनाएंगे, कीटोफॉर्म से इनोल में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे OH डबल बॉन्ड CH और CH3। क्यों, ये क्यों बनाया आपने स्टेबल, इसके पास अल्फा एच डबल बॉन्ड के पास 6 रहेंगे, और अगर ये बना दोगे तो इसके पास अल्फा एच दोस्तों 2 ही रहेंगे, तो वो एल्कीन बनेगी जो मोस्ट स्टेबल होगी। और एल्कीन की स्टेबिलिटी अपन किससे चेक करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन से, है ना। इसका इनोल बनाएंगे तो दोस्तों ये क्या बना देगा अपने को, एरोमेटिक। ये तो आपको पता ही है दोस्तों, पता नहीं कौन सा नशा करती है, मोस्ट स्टेबल है यानी कि बेंजीन बन गई, तो एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसी की होगी। ठीक है, उसके बाद में बात करें तो मोर एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है दोस्तों, ये वाला ही है। तो यहाँ पे बात करें तो क्या रहेगा, सी एच, यहाँ पे ओ एच सी एच, और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ और सी एस थ्री। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, और इसमें क्या है दोस्तों, रेजोनेंस भी है, बट इतना रेजोनेंस नहीं है कि वो एरोमेटिक को हरा दे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, एरोमेटिक 99.9% इनोल फॉर्म में मिलता है। ठीक है, और इसकी स्टेबिलिटी की अगर अपन बात करें तो कितनी होती है, अप्रोक्सीमेट 76% होती है। ठीक है, और इसकी परसेंटेज की बात करें तो मात्र 1% होती है, यानी कि 0.1%। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी रहेगी दोस्तों, एरोमेटिक की। उसके बाद में किसकी रहेगी, थर्ड की। ठीक है, रेजोनेंस के कारण मोस्ट स्टेबल हो गया, और उसके बाद में कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट, यानी कि सेकेंड थर्ड फर्स्ट। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, सेकेंड थर्ड फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट आंसर आ जाएगा। यस करो, जी हाँ। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या दे रखा है अपने को, देखिए, Which of the following compound is chiral compound? Chiral पूछा गया है दोस्तों। Chiral जिसमें POS, COS absent,
हो, उसे अपन क्या बोलेंगे, कायरल बोलेंगे साहब। इसकी अगर अपन बात करें तो सिस फॉर्म दे दी। अब सिस फॉर्म में क्या आता है दोस्तों, दोनों के दोनों या तो वेस पे बना दो या डैश पे बना दो। इसका मतलब इसमें क्या है दोस्तों, पीओएस है, पीओएस है, इसका मतलब ये कैसा हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, यानी कि मीज हो गया। इसमें दोस्तों कायरल कार्बन ही नहीं है तो इसकी कहानी तो वैसे ही खत्म है। ये ट्रांस दे दिया दोस्तों, ट्रांस का मतलब क्या हो गया कि एक तो आपने वेस पे बना रखी है और एक डैश पे बना रखी है, यानी कि उल्टे सुलटे लगे हुए हैं, एक तो ऊपर लगा रखा है और एक नीचे। अब इसमें पीओएस सीएस हो सकती है क्या, नहीं हो सकती दोस्तों, क्यों, क्योंकि अगर अपने इसको काटने का प्रयास करेंगे तो एक ऊपर लगा हुआ और एक नीचे लगा हुआ है, इसका मतलब कोई भी ऐसा हाइपोथेटिकली प्लेन नहीं है जिससे काटने पर उसके दो इक्वल पार्ट बन जाए और फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट की क्या हो, मिरर इमेज हो। इसका मतलब ये थर्ड वाला क्या रहेगा, ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, पीओएस सीओएस इसमें क्या है, एब्सेंट। इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों, ये क्या दे दिया अपने को, बाइफिनाइल दे दिया, और बाइफिनाइल ऑर्थो के ऊपर बल्कि ग्रुप आते ही क्या हो जाएगा दोस्तों, रिपल्शन हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा तो एक रिंग क्या हो जाएगी, आउट ऑफ प्लेन। अगर उसमें पीओएस सीएस एब्सेंट है तो वो कैसा रहेगा, ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है, दोनों CH3 CLCL लगे हुए हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आउट ऑफ प्लेन जाते ही क्या हो जाएगा, इसमें पीओएस प्रेजेंट हो जाएगी दोस्तों, क्यों, क्योंकि अपने ये तो क्या है, पड़ी है, और ये रिंग क्या है, खड़ी है, तो यहाँ से अपन काट देंगे कि CH3 और BR वाली रिंग पूरी कंप्लीट कट जाए, आधी आधी हो जाए, आधा तेरा आधा मेरा वाली कंडीशन लागू हो जाए, इधर CL और इधर भी क्या है CL, इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, थर्ड आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्या दे दिया आपने को, 67 नंबर सवाल, ज्यामिति समावेता कौन सा प्रदर्शित करेगा, यानी कि GI की बात हो रही है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा दोस्तों, क्या ये GI शो करेगा, इसको अपन SDS करके देख सकते हैं, S यानी कि सेम प्लेन, D का मतलब क्या है, डिफरेंट प्लेन, SDSD, तो कंडीशन ये कहती है कि सेम प्लेन में होना चाहिए, अगर सेम प्लेन में नहीं है इसका मतलब वो GI शो नहीं कर सकता। तो ये क्या हो गया दोस्तों, डिफरेंट प्लेन हो गया, यानी कि डिफरेंट प्लेन का मतलब क्या हो गया, ये तो इस प्लेन में और दूसरे वाला इस प्लेन में हो गया, डिफरेंट प्लेन हो गया, दोनों के प्लेन क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, इसका मतलब ये GI शो नहीं कर सकता। और एक बात ध्यान रखिएगा, या तो आप SDS करके देख लो, यानी कि S का मतलब सेम प्लेन, D का मतलब डिफरेंट प्लेन। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो इवन नंबर में डबल बोन है, इवन नंबर में कंटिन्यूटी में क्या है, डबल बोन है, इसका मतलब वो आउट ऑफ प्लेन रहेंगे, और ओड नंबर में डबल बोन है तो इसका मतलब क्या रहेंगे, वो सेम प्लेन में रहेंगे, ठीक है। तो इवन नंबर में डबल बोन है तो वो GI शो नहीं करेगा, ओड नंबर में डबल बोन है और ग्रुप डिफरेंट है तो वो GI शो करेगा, ठीक है। तो ये नहीं कर सकता, क्या ये GI शो कर सकता है, ये डबल बोन GI शो नहीं कर सकता दोस्तों, लेकिन ये रिंग GI शो करेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे H और यहाँ पे H, ये CH3 और H, CH3 और H दोनों डिफरेंट हो गए, इनका 3D अरेंजमेंट डिफरेंट कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये GI शो करेगी, ये GI शो करेगा तो दोस्तों नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ये क्या है, CH3 सेम है, इसका मतलब ये डबल बोन GI शो नहीं कर सकता, ये रिंग भी GI शो नहीं कर सकती क्योंकि एक ही ग्रुप बचा है, अगर दो ग्रुप होता तो वो GI शो करती। अब डबल बॉन्ड यानी कि GI इन साइक्लो एल्कीन ड्यू टू डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के कारण अगर साइक्लो एल्कीन में GI आपको देखना है तो मिनिमम आपको कितने कार्बन चाहिए दोस्तों, 8 कार्बन, 8 कार्बन से लेस साइक्लो एल्कीन ड्यू टू डबल बॉन्ड GI शो नहीं करेगी, क्यों भला, क्योंकि उसकी ट्रांसपोजिशन ड्यू टू मोर बोन एंगल स्ट्रेन क्या होती है दोस्तों, लेस स्टेबल होती है। तो कहानी इसकी भी खत्म हो गई, तो कौन सा आंसर आ जाएगा दोस्तों, सेकेंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, कौन सा सवाल अपने को दे रखा है, 68 नंबर सवाल, क्या कह रहा है दोस्तों, त्रिविम समावयवों की संख्या पूछी जा रही है, SI, ठीक है, SI यानी कि स्टीरियो आइसोमर्स पूछे जा रहे हैं, ये डबल बॉन्ड GI शो करता है क्या, जी हाँ, ये क्या है, कायरल है क्या, जी हाँ कायरल है ना कायरल, यहाँ पे अगर दो डबल बॉन्ड दे दिए, देखो कार्बन यहाँ पे दे दिया, डबल बॉन्ड सी, एक साइड में CL और एक साइड में H आ गया, यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, H, यहाँ पे क्या दे दिया, CH और OH, यहाँ पे अपने दे रखा है CH डबल बॉन्ड CH और CH3, यही तो दे रखा है, ये डबल बॉन्ड GI शो करेगा, ये कायरल कार्बन है। अब इसको अपन कैसे देख लेंगे, SDSD, डिफरेंट प्लेन हो गया, डिफरेंट प्लेन हो गया और ग्रुप दोनों डिफरेंट है, इसका मतलब इसमें POS COS एब्सेंट हो गई, एब्सेंट हो गई तो ये क्या शो करेगा दोस्तों, ऑप्टिकल आइसोमर विदाउट कायरल कार्बन, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दोस्तों, क्या है, बिना किरियल कार्बन युक्त प्रकाशिक सक्रिय यौगिक, क्यों है, क्योंकि POS COS एब्सेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, तो एक तो ये हो गया आपका, ठीक है, कायरल सेंटर इसको मानेंगे, एक इसको मानेंगे कायरल कार्बन और एक है डबल बॉन्ड को मान लेंगे, तो n इजिकल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो गया। तो SI के लिए क्या यूज कर देंगे फॉर्मूला, 2 की पावर एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल फॉर्मूला है, यानी कि एसिमेट्रिकल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, मॉलिक्यूल कैसा है एसिमेट्रिकल, 2 की पावर 3 इजिकल टू कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों, 8, तो अपना कौन सा आंसर आ गया, 4th आंसर, यस करो, कर लोगे आराम से। चलो नेक्स्ट इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, कौन सा दे रखा है दोस्तों, ये दे रखा है, इन द फ्लोइंग
द मोस्ट स्टेबल कंफॉर्मेशनल की बात हो रही है दोस्तों, 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड। ये देखिएगा दोस्तों, अपने को क्या दे रखा है, कुछ ऐसा दे रखा है, यानी कि सी डबल ओ एच, यहाँ पे क्या दे दिया सी एच ओ एच, यहाँ पे भी सी एच ओ एच, और यहाँ पे भी क्या दे दिया दोस्तों सी डबल ओ एच, ऐसा ही कुछ दे रखा है। देखो तो जरा, ये दे रखा है 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड दे रखा है, अधिक स्थायी पूछा गया है, मोर स्टेबल पूछा गया है दोस्तों। मोर स्टेबल अपन इसका बनाएंगे कंफॉर्मर, तो क्या बना देंगे दोस्तों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब दो ही फॉर्म बनाओ मोस्टली, तो क्या है दोस्तों, कौन कौन सी, एक तो गाउच फॉर्म और एक कौन सी एंटी सेगड, एक तो गाउच फॉर्म और एक एंटी सेगड, यानी कि एक तो घोचे फॉर्म बना दो और एक कौन सी बना दो, एंटी सेगड बना दो दोस्तों। एंटी सेगड में अपोजिट कर देना, यानी कि यहाँ पे सी डब्ल्यू एच आपने लगा दिया, यहाँ पे सी डब्ल्यू एच लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे आप ओ एच लगा दो और यहाँ पे ओ एच लगा दो और एच लगा दो, यानी कि एक को आपने अल्फा कार्बन मान लिया और एक को बीटा कार्बन मान लिया, ठीक है। अब ये तो गाउच फॉर्म है, जब बल्कि बल्कि ग्रुप यानी कि सेम ग्रुप अगर पास पास में रहते हैं, 60 डिग्री पे रहते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, गाउच फॉर्म। एंटी सेगड में क्या हो जाते हैं दोस्तों, दोनों अपोजिट हो जाते हैं, यहाँ पे सी डब्ल्यू एच, यहाँ पे क्या जाएगा सी डब्ल्यू एच, यहाँ पे क्या है ओ एच, यहाँ पे ओ एच और यहाँ पे एच और एच। अब देखो इसमें भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण कहते हैं कि गाउच फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एंटी सेगड, बट दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है दोस्तों। तो क्या देखेंगे बताओ, इसमें देखेंगे कि किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मोस्ट स्टेबल रिंग बन रही है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण किसमें मोस्ट स्टेबल रिंग बन रही है। रिंग की अगर अपन बात करें तो देखो क्या बना देंगे दोस्तों, इसके मोस्ट स्टेबल रिंग बना देंगे रिंग, यानी कि यहाँ पे क्या दे दिया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे OH, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, अब आएगा O और H, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यही तो बनेंगी। अब इसमें कितने मेंबर रिंग बन गई देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, एक तो ये फ्रंट वाला, दूसरा बैक साइड वाला, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मेंबर रिंग बन गई। और इसमें अगर अपन बात करेंगे तो देखो 1, 2, 3, 4, ठीक है, और एक हाइड्रोजन आएगा, किसी का भी हाइड्रोजन ले लो, यानी कि 5 मेंबर रिंग बन जाएगी दोस्तों। कैसे बना देंगे अपन, ऐसे बना देंगे, यहाँ पे क्या है O और H, यहाँ पे ऑक्सीजन, क्या बन गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 5 मेंबर, इसमें 5 मेंबर बनी और इसमें 7 मेंबर बनी, और इसमें क्या बनती है दोस्तों, इसमें 6 मेंबर रिंग बनती है। कैसे भला, आप बना सकते हो दोस्तों मजे से, क्या बना दो आप, 6 मेंबर रिंग बना दो, ठीक है। देखिएगा क्या नजारा पेश हुआ है, यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों, OH और यहाँ पे क्या है O और H। देखो तो जरा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे OH, अब इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवा दो आप, ठीक है। अब इसमें कितने मेंबर रिंग हुई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेंबर, इसमें देखो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेंबर, तो 6 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल देन 5 एंड 7 मेंबर रिंग। तो इसका मतलब 6 सदस्य रिंग जिसमें दोनों बनेगी उसका स्थायित्व क्या होगा दोस्तों, ज्यादा होगा। तो देख लो दोस्तों किसमें बन रही है, साफ कर दें इसको। अब देखो 6 मेंबर रिंग किसमें बन रही है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसमें भी और इसमें भी हो रही है, इसमें तो एक 7 वाली बनेगी और एक क्या बनेगी दोस्तों, 5 वाली बनेगी। और अगर अपने इसको साफ कर दे तो यहां देखो ये OH दे दिया और ये भी OH दे दिया, इसका मतलब इसमें भी 6 मेंबर रिंग और इसमें भी 6 मेंबर रिंग मोर स्टेबल है, ठीक है। इसमें और इसमें ही आपको आइडेंटिफाई करना था, बाकी तो स्ट्रक्चर ही आपको गलत नजर आ रही है, क्यों, क्योंकि एक ही कार्बन पर दोनों सी डबल एच लगा दिए, ये गलत होगी वैसे ही, और एक ही कार्बन पर दोनों OH लगा दिए, इसका मतलब इस रूल को फॉलो नहीं कर रही, यानी कि जो आपको नेम दे रखा है उसको फॉलो नहीं कर रही। कहानी खत्म, कौन सा आंसर आ जाएगा दोस्तों, सेकंड। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, कौन सा सवाल अपने को दे रखा है देखो, 70 नंबर, निम्न लिखित यौगिक के मध्य क्या रिलेशन है दोस्तों, देख लो इन दोनों में क्या रिलेशन है। ये CH3 वैसे का वैसा है, कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे H वैसे का वैसा है, Br वैसे का वैसा है, H वैसे का वैसा नहीं है दोस्तों। इसमें क्या हुआ, आपको एक बार स्विच हो गया, प्रत्येक क्रिल कार्बन में सम संख्या में स्विच कर दिया जाए तो आइडेंटिकल बनता है, प्रत्येक क्रिल कार्बन में विषम संख्या में स्विच कर दिया जाए तो इनेंसियोमर बनता है, बट मीजो के केस को छोड़कर, ठीक है। अदर कॉम्बिनेशन आर डायस्टीरियोमर, एक में इवन और एक में ओड नंबर में स्विच होता है तो उसे अपन क्या बोल देते हैं, डायस्टीरियोमर। तो देखो यहाँ पे तो जीरो स्विच, यानी कि इवन नंबर में स्विच, ठीक है, और इसमें क्या हो गया दोस्तों, इसमें एक बार स्विच हुआ, एक बार अदला बदली हुई, यानी दो लोग आपस में चेंज हो गए, तो इसे क्या कहेंगे, ओड नंबर में स्विच। तो एक में ओड और एक में इवन, तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकेंड का रिलेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, डायस्टीरियोमर हो गया। तो क्या ऐसा कोई दे रखा है फर्स्ट और सेकंड इनेंसियोमर दे रखा है, सेकंड और थर्ड डायस्टीरियोमर दे रखा है, इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता। यहां पे देखिएगा दोस्तों, यहां पे क्या दे रखा है, Br, देखो Br वहां नहीं है, H वहां पे नहीं है और CH3 भी वहां नहीं है, इसका मतलब तीनों अगर आपस में एक्सचेंज हो जाता है तो उसको बोलते हैं इवन नंबर में स्विच,
यानी कि सम संख्या में स्विच कर दिया आपने। देख सकते हैं आप कैसे बार स्विच करवाया, देखो CH3 और H को यहां कर दिया, या फिर फर्स्ट टाइम देखो इसमें चेंज करना है तो BR और CH3 को ऐसे किया, तो कितनी बार स्विच हो गया, एक बार, तो आपने BR यहां पे लगा दिया और H यहां पे, CH3 यहां पे ले आए, एक बार स्विच। अब लेकिन BR यहां है, यहां पे तो H है, तो H और CH3 में और स्विच कर दिया आपने कितनी बार, एक बार यू और एक बार यू, कितनी बार, दो बार। तो इसका मतलब दो किस में आता है दोस्तों, इवन में, और जीरो भी किस में आता है दोस्तों, इवन में, यानी कि कोई स्विच नहीं किया तो भी वो किस में आएगा, इवन में ही आता है। तो इसमें तो इवन नंबर में स्विच है, और इसकी बात करें तो देखो CS3 वैसे का वैसा है, H और CL में आपस में एक बार फिर आपने स्विच कर दिया, तो एक क्या होगा दोस्तों, ओड, एक में इवन और एक में क्या हो गया दोस्तों, ओड हो गया, एक में इवन और एक में ओड, तो दोनों का रिश्ता क्या हो गया दोस्तों, डायस्टेरियोमर का हो गया, क्या हो गया, डायस्टेरियोमर। सेकेंड और थर्ड आइडेंटिकल नहीं है, ये मीजो नहीं हो सकते दोस्तों, मीजो किसको बोलते हैं, जिसमें पीएस सीएस प्रेजेंट होती है, तो देख लो दोनों बीआर और सीएल अलग अलग है, इसका मतलब ये मीजो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो कहानी खत्म, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या दे रखा है अपने को, 71 नंबर सवाल, हाउ मनी स्ट्रक्चर आइसोमर आर पॉसिबल फॉर, क्या दे रखा है दोस्तों, C4H9Br दे रखा है, तो कितनी स्ट्रक्चरल आइसोमर बना सकते हैं, देखो तो जरा, एक दो तीन चार, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा दो दोस्तों, Br, दूसरा अपन क्या बना देंगे, ये बना देंगे, यहाँ पे Br लगा दो, फिर अपन क्या कर देंगे दोस्तों, एक आधी पंखुड़ी निकाल दो, यानी कि यहाँ पे Br लगा दो, और दूसरा अपन क्या लगा देंगे, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बना देंगे। ठीक है, तो कितने आइसोमर बनाए जा सकते हैं दोस्तों, चार आइसोमर बनाए जा सकते हैं, यानी कि C4H9 के कितने रेडिकल बनाए जा सकते हैं, चार रेडिकल बनाए जा सकते हैं, तो चार आंसर, जहां जहां वैलेंसी भरी छोड़ोगे वहां वहां क्या लगा दोगे, Br लगा दोगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 72 नंबर सवाल, क्या पूछा गया है दोस्तों, त्रिक जो दे रखी है आपको ट्राइड, उसमें माइनस आई इफेक्ट पूछा गया है, तो माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होता है दोस्तों, अगर अपन बात करें तो ऑर्डर मैं लिख देता हूं यहां, सबसे ज्यादा किसका होता है, NF3 पॉजिटिव का। ठीक है, उसके बाद में किसका आता है, NR3 पॉजिटिव का, उसके बाद में SR2 पॉजिटिव का। ठीक है, SR2 पॉजिटिव, उसके बाद में अगर अपन बात करें तो NS3 पॉजिटिव, उसके बाद में क्या आता है, CF3, उसके बाद में कौन आता है दोस्तों, NO2, उसके बाद में कौन आता है दोस्तों, साइनाइड, उसके बाद में कौन आता है दोस्तों, SO3H, उसके बाद में एल्डिहाइड कीटोन का नंबर आता है, उसके बाद में COOH। ठीक है, उसके बाद में फिर चल बाहर आई फ्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन, BR और आयोडीन, उसके बाद में कौन आता है दोस्तों, OR का और OH का, उसके बाद में कौन आता है दोस्तों, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद में कौन आता है दोस्तों, नाइट्रोजन NH2, उसके बाद में कौन आता है दोस्तों, PH, उसके बाद में कौन आता है, डबल बॉन्ड की कहानी, और हाइड्रोजन के लिए स्टैंडर्ड जीरो मानते हैं अपन इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो देख लो दोस्तों क्या क्या पूछा गया है, एक तो NH3 पॉजिटिव दे रखा है, यानी कि NR3 पॉजिटिव, देख लो R की जगह पर अपने एल्काइल पार्ट लगा दिया। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इसका, उसके बाद में देखो किसका नंबर आ रहा है, NO2 का, ये रहा NO2, उसके बाद में कहीं कीटोन एल्डिहाइड का नंबर आता है, कार्बोनिल ग्रुप का, एल्डिहाइड से कम होता है, किसका भला, कीटोन का, और कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा होता है, तो इसका मतलब एल्डिहाइड। तो कौन सा ऑर्डर आंसर है दोस्तों, अगर अपन बात करें तो इसको अपन साफ कर देते हैं, तो सबसे ज्यादा किसका मिलेगा, यानी कि फर्स्ट ही आंसर आ जाएगा, यस कि नो। चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, कौन सा सवाल अपने को दे दिया, 73, NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल की बात हो रही है दोस्तों, क्या कह रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आक्रमण कहां कौन कौन करेगा, ये तो कौन सा इफेक्ट है दोस्तों, माइनस है, और माइनस वाले क्या होते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, इसका मतलब कैसा हो गया, मेटा डायरेक्टिंग हो गया। ठीक है, और ये कौन सा इफेक्ट है दोस्तों, प्लस एम, और प्लस एम वाला क्या करता है दोस्तों, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। फिर अगर अपन बात करें तो एल्डिहाइड का कौन सा इफेक्ट है दोस्तों, माइनस एम, इसका मतलब ये भी कैसा डायरेक्टिंग हुआ, मेटा डायरेक्टिंग हुआ। ठीक है, ये भी मेटा डायरेक्टिंग। अब सीएल का माइनस आई इफेक्ट होता है, माइनस आई मोर डोमिनेट होता है कंपेयर टू प्लस एम के, फिर भी ये क्या बनाता है दोस्तों, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनाता है, तो अपनी बात हो रही है कि ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट कौन बनाएगा, सीएल वाला भी क्या बनाएगा, ऑर्थो और पैरा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है लेकिन ये क्या काम करेगा दोस्तों, प्लस एम भी शो करेगा, यानी कि ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सेकंड और थर्ड आंसर आ जाएगा, तो सेकंड और थर्ड कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑर्थो और पैरा पोजीशन प्रोडक्ट बनाएंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्या दे दिया आपने को, 74 नंबर, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा यौगिक अधिक अम्लीय है, एसिडिक सेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस के। देखो इसमें जो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो कॉन्जुगेशन में जाएगा, अनुनाद में ये कहीं नहीं जा सकता दोस्तों,
इसमें आएगा वो कार्बन, यानी कि सी एच टू के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और इसमें इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो सबसे ज्यादा मोर एसिडिक कौन सा हो गया दोस्तों, अगर अपन बात करें तो फर्स्ट वाला, क्यों? क्योंकि उसमें अनुनाद है, रेजोनेंस है ना। तो कॉन्जुगेटेड बेस का स्थायित्व जितना ज्यादा होगा एसिडिक संयंत्र उतनी क्या मिलेगी दोस्तों, ज्यादा मिलेगी। तो उसके बाद में कौन सा आएगा दोस्तों, सेकंड वाले का आएगा, ठीक है। क्यों आएगा सेकंड वाला, क्यों? क्योंकि ये बेंजीन अब किसका काम करेगी, यानी कि फिनाइल माइनस आई का काम करेगी, ठीक है। और यहां पे अगर हम बात करें तो किसके अकॉर्डिंग देखेंगे दोस्तों, EN के अकॉर्डिंग देखेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन यहां से, ऑक्सीजन के पास से हाइड्रोजन हटा रहे हैं, यहां से कार्बन के साथ हटा रहे हैं, इसका मतलब कौन आ जाएगा, फोर्थ और उसके बाद में थर्ड। मोर एसिडिक पूछा था दोस्तों, कौन सा आंसर आ जाएगा अपना, कार्बोलिक एसिड। तो फिनोल को क्या कहा जाता है, कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है, ठीक है। तो कौन सा आंसर, फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्या दे दिया आपने को, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, प्रबल क्षार कौन सा है जिसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसका मतलब वो क्या होता है, अच्छा क्षार होता है। एनिलीन, एनिलीन में देख लो क्या करेगा दोस्तों, पिछले सवाल में आपको क्या लिखा था, इसका ऑर्डर लिखा था, रूल लिखा था, भी किस प्रकार से अपन क्या देख सकते हैं, बेसिक साइंस देख सकते हैं, उससे अपने कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। एक तो ये दे दिया, उसके बाद में क्या दे रखा है दोस्तों, पिरिडीन दे रखी है, और एक अपने को क्या दे रखी है, बेंजाइल एमीन, क्या होती है दोस्तों, बेंजाइल ग्रुप ये होता है, और ये क्या लगा दिया आपने, एमाइन, ठीक है। और फिर क्या दे दिया, एन एन डाई मिथाइल एमाइन दे दी दोस्तों, एन यानी कि ये नाइट्रोजन के ऊपर क्या लगा दिया, सी एस थ्री लगा दिया। तो सबसे अच्छा बेस कौन सा होगा दोस्तों, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होगा जिसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है, या sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये sp3 है, ये sp2 है, तो en जिसकी ज्यादा होगी डोनेटिंग पावर उसकी उतनी क्या हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी, ठीक है। यानी कि en डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंजूसी के, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा हो गया, कौन सा, थर्ड मिल जाएगा। इसमें रेजोनेंस है, उसके बाद में इसका नंबर आएगा, इसमें भी क्या है दोस्तों, रेजोनेंस है, लेकिन इसका प्लस m ज्यादा होता है, तो इसका स्ट्रॉन्गेस्ट बेस यानी कि इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन सा मिलेगा, थर्ड, उसके बाद में पिरिडीन, उसके बाद में फोर्थ, और सबसे लिस बेस कौन सा है वाला, फर्स्ट है, ठीक है। तो अपने वो स्ट्रॉन्ग पूछा था, कौन सा आ गया, थर्ड। नेक्स्ट, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए क्या पूछा गया है दोस्तों, रोंग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पूछी गई है दोस्तों। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक टेम्पररी इफेक्ट होता है दोस्तों, ओनली ऑन रिएक्शन के टाइम ही होता है, वास्तविक जीवन से उसका कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है। टेम्पररी इफेक्ट यानी कि अस्थायी प्रभाव है, ये रिएक्शन के टाइम ही होता है। तो जिसकी ईएन ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो देखो इलेक्ट्रॉन ये लेगा, इसका मतलब ये सही दे रखा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपका क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन लेगा तो ये प्लस आई शो करवा दो सीधा ही, ये इलेक्ट्रॉन किधर आएगा दोस्तों, इधर ही आएगा, इसका मतलब ये भी सही दे रखा है। इसमें क्या आएगा दोस्तों, अधिक विद्युत ऋणी कौन है, मोर ये एटम वाला नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन पे आएगा ना दोस्तों नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब ये क्या दे दिया दोस्तों, गलत, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें तो एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, क्यों, ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है और कुछ नहीं जोड़ रखा, तो एक पे क्या आएगा नेगेटिव, एक पे पॉजिटिव, किसी पे भी लगा दो, इसका मतलब कौन सा आंसर आ जाएगा दोस्तों, थर्ड, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में दे रखी है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये साइनाइड की, ठीक है। लेकिन साइनाइड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये होती है, कार्बन डबल बॉन्ड, इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर क्या आता है दोस्तों, पॉजिटिव, इसके पास पहले से ये क्या होता है, लोन पेयर होता ही है। तो कौन सा गलत दे रखा है आपको, थर्ड गलत दे रखा है, सही कौन सा होता है, ये वाला। नेक्स्ट, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, 77 नंबर सवाल, क्या दे रखा है दोस्तों, लिस रिएक्टिव क्लोरीन, ठीक है, सबसे कम क्रियाशील किसमें है दोस्तों, जिसमें सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाते हैं, इसका मतलब उस सीएल को हटाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, क्यों, क्योंकि अनुनाद में भाग लेता है। इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड में तो क्या है दोस्तों, ये फटाफट इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाएगा, यानी कि जल्दी बेवफा हो जाएगा। बेंजाइलिक क्लोराइड की अगर अपन बात करें तो बेंजाइल ग्रुप ये होता है दोस्तों, ठीक है, इसका मतलब ये भी जल्दी भागेगा, इससे भी जल्दी भागेगा, ठीक है। फिर क्या दे रखा है दोस्तों, विनाइल, विनाइल का मतलब क्या हो गया, यानी कि डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे क्या दे दिया दोस्तों, सीएल पाई सिग्मा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस एम शो करेगा, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ रहे हैं, इसको हटाना आसान नहीं होगा, इसका मतलब ये लिस रिएक्टिव होता है। एलाइल ग्रुप किसको बोलते हैं दोस्तों, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू, ये एलाइल ग्रुप होता है, और यहाँ पे क्या लगा दिया, सी एल, ये तो भगा कर खुश हो जाएगा, जल्दी भाग जाएगा, ठीक है। स्टेबल कार्बोक्टाइन बनेगा ड्यू टू रेजोनेंस, इसका मतलब कौन सा लिस रिएक्टिव हुआ आपका, विनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट सवाल की ओर क्या पूछा गया है दोस्तों, ये पूछा गया है विच कंपाउंड शो डाइपोल मूवमेंट, कौन सा द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित करेगा दोस्तों, कौन सा प्रदर्शित कर रहा है ये देख लो, 1 2 1 4 डाइक्लोरो बेंजीन दे दी, ये नहीं कर सकता दोस्तों, यानी कि ये ऊपर की ओर खींच रहा है और ये नीचे की ओर खींच रहा है, इसका मतलब इसका डायपोल मोमेंट क्या मिलेगा, जीरो। फिर क्या दे दिया दोस्तों, ये दे दिया बेंजीन 1 4, क्या दे रखा है दोस्तों, कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल कौन सा होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है दोस्तों, ये भी कैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी, लीनियर,
रेखा पहली बार देखा ना, देखते ही समझ गया था ये सीधी साधी है, भोली भाली है, इसका मतलब ये शो नहीं करेगी, एक दूसरे को क्या कर देगी, कैंसिल आउट। क्यों? लीनियर रहेगी ना, ये ऊपर खींचेगी और ये क्या कर देगी दोस्तों, नीचे की ओर खींचेगी, डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो, कहानी खत्म हो गई। बेंजीन 1,4-diol दे दिया दोस्तों, अब इसमें नहीं हो सकता, क्या भला जीरो नहीं हो सकता दोस्तों, ये शो करेगा क्यों, क्योंकि ये कैसा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में एच, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे एच और यहाँ पे भी क्या है दोस्तों, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये लोन पेयर अलग दिशा में खींचेंगे और ये अलग दिशा में खींचेंगे, इसका डायपोल मूवमेंट क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब यही अपना आंसर आ जाएगा। ट्रांसट्रूब्यूटीन, ट्रांसट्रूब्यूटीन ये होती है दोस्तों, एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल आउट। यस नो, नेक्स्ट इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए कौन सा सवाल दे रखा है, 79 नंबर, काइरल कार्बन पूछे गए हैं दोस्तों, एक कार्बन से जुड़े चारों समूह अलग अलग है, इसका मतलब वो कैसा है, काइरल है, ये काइरल है क्या, जी हाँ, ये काइरल है क्या, जी हाँ, ये काइरल है, हाँ जी, ये काइरल है, ये काइरल है, ये काइरल है क्या, ये काइरल नहीं हो सकता दोस्तों, दोनों के दोनों हाइड्रोजन है, ऊपर नीचे बनाने से कोई काइरल नहीं हो जाता दोस्तों, ठीक है, इसका मतलब काइरल कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 काइरल कार्बन मिल जाएंगे, इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट आंसर, ठीक है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, 80 नंबर सवाल क्या दे रखा है दोस्तों, क्षारीय सामर्थ्य, सबसे ज्यादा क्षारीय सामर्थ्य किसकी है दोस्तों, देखो इसका तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, कम विद्युत ऋणी से अधिक विद्युत ऋणी पर जा रहा है, इसका मतलब साइड तो बढ़ रहा है उसका, तो वो क्यों डोनेट करेगा किसी को, यहाँ पे देखिए दोस्तों इसमें भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन पार्टिसिपेट हो रहा है, तो इसका ये और इसका ये सबसे पहले लिखाया गया था दोस्तों, ये अपने लिखा था पीछे सवाल में, याद करो ये रूल लिखा था, NH2 सबसे ज्यादा क्षारकता किसकी मिलेगी दोस्तों, इसी की मिलेगी, यहाँ पे बताया गया था कि पाई सिग्मा पाई कुछ भी हो सकता है, लोन पेयर हो सकता है ना लास्ट में, ठीक है, बीच में पाई सिग्मा आ सकता है, इसमें यही तो है दोस्तों, पाई सिग्मा लोन पेयर, यस करो, तो इसकी क्षारकता सर्वाधिक होगी, इसका मतलब जेड की सर्वाधिक होगी, ये देखो ये अधिक विद्युत ऋणी से कम विद्युत ऋणी पर जा रहा है, इसका मतलब इसका स्थायित्व कम हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब देने की पावर इसकी क्या होगी, कंपेयर टू इसकी ज्यादा होगी, इसका मतलब वाई और उसके बाद में एक्स की क्षारकता सबसे कम होगी, क्यों, क्योंकि उसमें लेस ई एन एटम से नेगेटिव चार्ज, अधिक विद्युत ऋणी पर, मोर ई एन एटम पे ट्रांसफर हो रहा है, तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है, देने की पावर क्या हो रही है, डिक्रीज, तो कौन सा आंसर आ जाएगा दोस्तों, जेड वाई एक्स कौन सा हो गया, जेड वाई एक्स यानी कि थर्ड आंसर हो गया। नेक्स्ट इसी कड़ी में आगे बढ़े तो कौन सा सवाल दे रखा है अपने को, 81 नंबर, निम्न दिए यौगिक में क्या दे रखा है दोस्तों, sp2 संकरित, ठीक है, दिए गए यौगिक में क्या दे रखा है, sp2 संकरित कार्बन परमाणु की संख्या होगी दोस्तों, अब sp2 संकरित कार्बन परमाणु पूछे हैं, इसमें कितने हैं, सारे के सारे बेंजीन में क्या होते हैं, sp2 संकरित हैं, कितने कार्बन हुए दोस्तों, 6 कार्बन है, 6 के 6 sp2 है, ये कैसा है दोस्तों, sp3 है, ये कैसा है, sp2 है, ये कैसा है, sp2 है, और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी कैसा होता है दोस्तों, sp2 और लास्ट वाला कैसा है, sp3, तो sp2 कितने हो गए दोस्तों, 1, 2, 3, 3 तो ये हो गए और 6 के 6 ये सारे हैं, तो कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों, 9 sp2 संकरित कार्बन है, ठीक है, और sp3 पूछता तो कितना आंसर आता दोस्तों, 2, 1 CH3 और 1 CH2, यस करो, तो कितना आंसर आ जाएगा, 6 और 3 9 आंसर आ जाएगा, यानी कि दूसरा आंसर। नेक्स्ट इसी कड़ी में बात करें तो क्या दे रखा है अपने को, 82 नंबर, Which of the following IUPAC name is correct? ठीक है, IUPAC name कौन सा सही है? ठीक है, तो इसको करके देखना पड़ेगा। सबसे पहले पूंछ पकड़ लो दोस्तों, क्या दे रखा है? पेंटेन, 5 कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5। ये दे रखा है। 2 नंबर पे क्या लगा दो दोस्तों? BR लगा दो। 3 नंबर पे क्या लगा दो दोस्तों? CL लगा दो। 4 नंबर पे क्या लगा दो दोस्तों? इथाइल लगा दो। 1 और 2। अब बताओ क्या ये नेम सही है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका मतलब यहाँ हेक्सेन आना चाहिए था। कहानी खत्म हो गई इसकी। ये आंसर नहीं हो सकता। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या दे रखा है अपने को? ये दे रखा है दूसरा। दूसरे में क्या है? 5 कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5। जैसे जैसे ये बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ। देखो 4-ethyl, 2-bromo, 3-chloro। इसका मतलब इसने तो अल्फाबेटिक में गड़बड़ कर रखा है। इसका मतलब इसकी कहानी तो वैसे ही खत्म है। ठीक है, फिर देखो 2-bromo, 3-chloro, 4-ethyl hexane, तो एक कार्बन और बढ़ा दो। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो इसने अल्फाबेटिक में गड़बड़ दे रखी है। इसका मतलब ये हो ही नहीं सकता सही। ठीक है, 2-chloro, 2 नंबर पे क्या लगा दो दोस्तों? BR लगा दो। 3 नंबर पे क्या लगा दो दोस्तों? क्लोरो। 4 नंबर पे क्या लगा दो दोस्तों? मिथाइल। 1, 2, 3, 4, 4 नंबर पे एक कार्बन लगा दो, हेक्सेन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका मतलब ये क्या है दोस्तों? राइट है। यस करो, चलो इसकी बात करें तो ये क्या दे रखा है? 5-bromo, 4-chloro, 3-methyl, इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6,
इसी का नाम दे रखा है लेकिन उल्टी नंबरिंग कर रखी है, इसका मतलब वो इनकरेक्ट हो गया। तो कौन सा राइट ऑप्शन है दोस्तों? थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या दे दिया आपने को, देखो स्टेबिलिटी पूछी गई है। कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो क्या करेंगे दोस्तों, माइनस वाले इंक्रीज करेंगे, प्लस वाले क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, माइनस वाले क्या करेंगे, इंक्रीज कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को, और प्लस वाले डिक्रीज करेंगे। तो NO2 का कौन सा इफेक्ट है, माइनस MCl का कौन सा इफेक्ट है, माइनस ICS3 का कौन सा इफेक्ट है, प्लस H। तो सबसे ज्यादा कौन सा हुआ दोस्तों, स्टेबिलिटी के मामले में सेकंड, उसके बाद में कौन आ जाएगा, थर्ड। फर्स्ट पे कुछ नहीं है दोस्तों, तो इसका मतलब फर्स्ट, और उसके बाद में फोर्थ वाला क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज कर रहा है, और स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, डिक्रीज। तो कौन सा ऑर्डर आ जाएगा, सेकंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ, यानी कि कौन सा फोर्थ आंसर आ जाएगा। यस कि नो? चलो इसी कड़ी में आगे बढ़े। तो कौन सा सवाल दे रखा है, 84 नंबर। देखिए दोस्तों 84 नंबर सवाल क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा गया है। प्लस वाले इंक्रीज करेंगे, अब इसकी स्टेबिलिटी को प्लस वाले इंक्रीज करेंगे, माइनस वाले डिक्रीज करेंगे। ठीक है, CS3 का कौन सा इफेक्ट होता है दोस्तों, प्लस आई। अब आपको पता है कि प्लस माइनस एम या प्लस माइनस एच कहां पे देखा जाता है दोस्तों, ऑर्थो और पेरा पे, मेटा पे ओनली ऑन क्या दे रखा जाता है दोस्तों, प्लस माइनस आई प्रभाव देखा जाता है। प्लस माइनस आई इफेक्ट कहां देखा जाता है, मेटा पे। ठीक है, तो इसका कौन सा है, कौन सी पोजीशन पे है, ये मेटा पोजीशन पे है, इसका मतलब प्लस आई। CD3 का भी कौन सा है, प्लस आई, और OCS3 का कौन सा इफेक्ट है दोस्तों, माइनस आई है। अगर ये ऑर्थो पेरा पे होता तो प्लस एम इफेक्ट होता है। यस करो, तो यहां प्लस वाले इंक्रीज करेंगे, माइनस वाले डिक्रीज करेंगे, तो प्लस एम, प्लस आई इन दोनों का है। अब प्लस आई ज्यादा किसका होता है दोस्तों, अब आपको बताएं, अगर आइसोटोप आ जाए तो जिसमें भार जितना ज्यादा होता है, एटॉमिक मास जिसका जितना ज्यादा होता है, उसका प्लस आई इफेक्ट उतना ही क्या रहता है दोस्तों, ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि जिसमें भार ज्यादा होगा उसमें वाइब्रेशन उतना ही कम होता है, और अगले के साथ में बॉन्डिंग उतनी शानदार होती है, यानी कि ओवरलैपिंग उतनी ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा प्लस आई किसका मिलेगा, CD3 का, और उससे कम मिलेगा CS3 का। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी को कौन इंक्रीज करेगा, थर्ड वाला, फिर कौन करेगा, सेकंड वाला, ये तो डिक्रीज करने वाला हो गया। तो कौन आ जाएगा दोस्तों, फर्स्ट, और उसके बाद में कौन आ जाएगा, फोर्थ। कौन सा आंसर मिल गया, थर्ड सेकंड फर्स्ट फोर्थ, थर्ड सेकंड फर्स्ट फोर्थ। ठीक है, कौन सा आंसर मिल जाएगा दोस्तों, थर्ड आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन कौन सा है, 85 नंबर सवाल। देखिएगा दोस्तों क्या कहा गया है, मेटामेरिज्म कौन सा शो करेगा। मेटामेरिज्म के लिए क्या कंडीशन होती है दोस्तों, कि टू आइसोमर हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह से सेम होने चाहिए, बट पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप से अटैच एल्काइल और एराइल पार्ट की नेचर क्या हो, डिफरेंट हो। तो कार्बोक्सिलिक एसिड शो कर सकता है क्या, नहीं कर सकता दोस्तों, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। एस्टर कर सकता है क्या, जी हाँ एस्टर कर सकता है। क्या कर देगा दोस्तों, अगर अपने इसको ऐसे कर दें, सी डबल बोन ओ ओ, और यहाँ पे क्या रहेगा, सी एस टू सी एस थ्री, यानी कि पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप से अटैच एल्काइल पार्ट की नेचर डिफरेंट हो जाए। पहले कौन अटैच था, सी एस थ्री, अब एथाइल अटैच हो गया, अटैच होने की नेचर डिफरेंट हो गई, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मेटावर्स। एल्डिहाइड शो कर सकता है क्या, नहीं। एफजीआई शो कर सकता है ये, ठीक है, बट मेटामेरिज्म शो नहीं कर सकता। सीएल कर सकता है क्या, नहीं कर सकता दोस्तों, ये तो केवल क्या शो कर सकता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। इसका मतलब कौन सा आंसर आ जाएगा, सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या दे दिया दोस्तों अपने को, ये पूछ लिया स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है दोस्तों। तो क्या देखेंगे अपने, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जिसमें कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन मोर इफेक्टिव है, उसके बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन से चेक करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है दोस्तों, अल्फा एच कितने दे दिए अपने पास, अल्फा एच 5 दे दिए। इसके पास अल्फा एच की बात करें तो दोस्तों कितने हैं, अल्फा एच 4 है, कितने हैं 4, यानी कि 3 इसके पास और 1 इसके पास। इसमें क्या है दोस्तों, रेजोनेंस है, ठीक है, और पाई सिग्मा अनपेड इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉन्जुगेशन। तो यहां पे भी क्या है दोस्तों, कॉन्जुगेशन। अब दो लोगों में कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन इज मोर इफेक्टिव देन हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो इसका मतलब थर्ड और फोर्थ इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट और सेकंड। तो अब इसमें कॉन्जुगेशन दोनों में बराबर है, बट देखेंगे उसके बाद में अल्फा एच किसके पास ज्यादा है। देखो इसके पास अल्फा एच कितने हैं दोस्तों, 6 हैं। इसके पास अल्फा एच की बात करें तो 2 ही हैं। तो किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, फोर्थ की। उसके बाद में कॉन्जुगेशन, उसके बाद में क्या देख लेंगे दोस्तों, अल्फा एच किसके पास ज्यादा है, फर्स्ट के पास, और उसके बाद में क्या देखेंगे, सेकेंड के पास। ठीक है, फ्री रेडिकल में किसी प्रकार का कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, ठीक है, और करवाना भी नहीं है। अपने स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, 4312 कौन सा आ जाएगा दोस्तों, 4312 कौन सा ऑप्शन आ गया, ये अपना आ गया थर्ड ऑप्शन। यस करो, चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। कौन सा सवाल दे रखा है, 87 नंबर सवाल। 87 नंबर सवाल क्या कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड इज मोर एसिडिक, मोर एसिडिक, ठीक है, कौन होता है दोस्तों,
पिक्रिक एसिड इज मोर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड। पिक्रिक एसिड दोस्तों किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसका मतलब पिक्रिक एसिड। ठीक है, नीट में सवाल भी आया हुआ है कि पिक्रिक एसिड कौन होता है, निम्न में से कौन सा पिक्रिक एसिड है, तो पिक्रिक एसिड ये होता है दोस्तों जिसके ऊपर क्या लगे हुआ, तीन तीन एनओ टू, इससे ज्यादा कहीं माइनस एम वाले नहीं आ सकते, सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। कार्बोलिक एसिड किसको बोलते हैं दोस्तों, फिनोल को बोला जाता है, फिनोल से आपको पता है पिक्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड से भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, उसके बाद में पैरा नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल पे एक ही NO2 होता है, इस बंदे के पास तीन तीन NO2 है, इसका मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा हो गया, फर्स्ट। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े तो क्या दे दिया, 88 नंबर सवाल, क्या पूछा गया है दोस्तों, निम्न में से कौन सी एसिड सोल्ट रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। एसिड बेस रिएक्शन के लिए अपने एक लाइन लिखते हैं, कौन सी स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को उसके सोल्ट में से रिप्लेस कर देता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को उसके सोल्ट में से क्या कर देता है दोस्तों, रिप्लेस कर देता है। एसिड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सोल्ट वीक एसिड का होना चाहिए। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो क्या देते हैं दोस्तों, वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में CO2 रिलीज करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या दे रखा है COOH, और ये क्या दे रखा है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका मतलब CO2 रिलीज करेगा, ये सत्य घटना पर आधारित है बात। ठीक है, ये क्या दे दिया दोस्तों, इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, देखो अब अमोनिया का सोल्ट है ये, और ये ट्रिपल बॉन्ड का है, वन एल्काइन एंड अमोनिया में से ईएन किसकी ज्यादा होती है, ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा होती है, तो ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है दोस्तों, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, इसका मतलब ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये किसका सोल्ट है दोस्तों, वीक एसिड का, तो ये अपने लाइन लिखते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को उसके सोल्ट में से क्या कर देता है दोस्तों, रिप्लेस कर देता है, इसका मतलब ये भी बात सत्य घटना पर आधारित है। पैरा नाइट्रोफिनोल दे रखा है, वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में CO2 रिलीज करता है, जी हाँ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। ठीक है, और ये किसका सोल्ट है दोस्तों, H2CO3, H2CO3 से जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ना वो CO2 रिलीज करेगा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, और ये कैसा है दोस्तों, वीक एसिड, तो बात वही आ गई, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को उसके सोल्ट में से क्या कर देता है, रिप्लेस भगा देता है। ये देखिए दोस्तों, ये वीक एसिड का सोल्ट है, देखो ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्ट आपको क्या दे दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड का दे दिया, तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड को उसके सोल्ट में से कदापि नहीं भगा पाएगा, पूरी जिंदगी ऐसा नहीं कर पाएगा, इसका मतलब ये ही रिएक्शन क्या नहीं होगी, उल्टी होगी दोस्तों, क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन इसकी उल्टी है। ठीक है, चलो इसी कड़ी में आगे बढ़े तो कौन सा आंसर आ जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्या दे रखा है, 89 नंबर सवाल, अपने से क्या पूछा गया, ज्यामिति समावियों की संख्या पूछी गई है दोस्तों। ठीक है, ज्यामिति समावि कौन कौन से डबल बॉन्ड जीआई शो करते हैं, देखो ये डबल बॉन्ड जीआई शो करता है, ये डबल बॉन्ड अपना जीआई शो करता है, ये रिंग जीआई शो करती है क्या, जी हाँ, ये सिस और ट्रांस, यानी कि यहाँ पे एच और यहाँ पे एच, ये दोनों ग्रुप अलग अलग हैं तो ये भी जीआई शो करेगी, ये डबल बॉन्ड जीआई शो करता है कि नहीं करता, जी हाँ, तो जीआई के लिए मॉलिक्यूल कैसा है, सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल है तो फॉर्मूला लगा देंगे, टू की पावर क्या आ जाएगा दोस्तों, वन टू थ्री फोर, यानी कि एन इज इक्वल टू कितना आया, फोर, तो टू की पावर फोर, आंसर कौन सा आ जाएगा अपना, सेकंड, यस करो ये अपना आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल कौन सा है, 90 नंबर सवाल, देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है, प्लस एम इफेक्ट, ठीक है प्लस एम बोल दो या प्लस आर बोल दो, रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट, सबसे ज्यादा किसका होगा दोस्तों, एनएस2 का, ठीक है उसके बाद में क्या होगा दोस्तों, ओ आर का, उसके बाद में क्या होता है, सी ओ आर का, क्यों, क्योंकि इसमें है अनुनाद, क्या है, रेजोनेंस है, तो सबसे ज्यादा एनएस2 का होगा, तो कौन सा ऑर्डर आ जाएगा दोस्तों, एनएस2 ओ आर और ओ सी ओ आर, ठीक है तो कौन सा आंसर, थर्ड। नेक्स्ट इसी कड़ी में आगे बढ़े तो क्या दे दिया दोस्तों, ये हेट्रो एटम पूछ लिया, नंबर ऑफ हेट्रो एटम इन गिवन कंपाउंड, ठीक है हाइड्रो एटम यानी कि नाइट्रोजन के अलावा अगर आपको कोई और दिखाई दे है सॉरी कार्बन के अलावा अगर कोई आपको और दिखाई दे रहा है इसका मतलब वो क्या है, क्या है, हेट्रोसाइक्लिक है, तो हेट्रोसाइक्लिक यानी कि कार्बन है, कार्बन कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम दिखाई दे रहा है तो वो क्या है, हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है तो ये नाइट्रोजन एक और ये नाइट्रोजन दो और ये तो बाहर है रिंग के, इसका मतलब आप एक ही नहीं मानेंगे कि आप देख लो कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन एक ही तो दिया हुआ है एक ही कंपाउंड, नहीं दोस्त वो दो अलग अलग जगह पर आ रहा है इसका मतलब उसको दो मानेंगे, ठीक है तो आंसर कौन सा आ जाएगा अपना, दो आ जाएगा। ठीक है तो हेट्रो एटम कितने हुए, हेट्रो एटम परमाणु की संख्या पूछी गई थी कितने हो गए दोस्तों, दो। नेक्स्ट इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, कौन सा दे रखा है अपने को, 92 नंबर सवाल, देखिएगा दोस्तों क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा युग्म समजात है, समजात होमोलोगस क्या होगा दोस्तों, जिसमें मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, सेम स्पीसीज हो, जिनमें केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो दोस्तों, सेम हो, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट, यानी कि एक ही जाति के लोग,
एक ही जाति के लोग क्या होंगे, होमोलोगस होंगे। ये क्या दे दिया, प्रोपेनॉल, और ये क्या दे दिया, प्रोपेनॉल। इसका मतलब ये तो ओल, ओल का मतलब क्या हो गया, एल्कोल, और ये नेल, एल, एल का मतलब क्या हो गया दोस्तों, एल्डिहाइड। इसका मतलब इन दोनों की जाति एक नहीं हो सकती दोस्तों। फिर क्या दे रखा है, वन प्रोपेनॉल और टू प्रोपेनॉल, ये तो आपस में पोजिशन आइसोमर हुए जिसमें मिनिमम क्या हो, वन सी एच टू का डिफरेंट हो, वही तो होंगे आपस में क्या, होमोलोगस। ये दोनों तो क्या हुए दोस्तों, पी आई हो गए, पोजिशन आइसोमर हो गए। एसीटोन और एसिटल्डिहाइड, इन दोनों का कोई रिश्ता नहीं है दोस्तों। ये एसीटोन यानी कि कीटोन होता है, और एल्डिहाइड क्या होता है, एसिटल्डिहाइड, ये होता है सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड ओ, और एसीटोन आपको पता ही है दोस्तों, ठीक है, क्या होता है, बड़ा ही फेमस है एसीटोन। इन दोनों का कोई रिश्ता नहीं है, एक कीटोन है और एक एल्डिहाइड। ये क्या दे दिया दोस्तों, एसिटिक एसिड, और ये क्या दे दिया, ब्यूटायरिक एसिड। इन दोनों का रिश्ता है, एक ही परिवार से है। एसिटिक एसिड में क्या होंगे दोस्तों, दो कार्बन, और ब्यूटायरिक एसिड में क्या होंगे दोस्तों, ये होंगे कितने कार्बन भला, चार कार्बन। यस करो, तो इन ये दोनों आपस में क्या है, होमोलोगस है, एक ही जाति के लोग हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसी कड़ी में आगे बढ़े, तो कौन सा दे दिया आपने, पूछा गया हाउ मनी कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन एस्टर, एस्टर में न्यूनतम कितने कार्बन उपस्थित होते हैं। एस्टर, सबसे छोटा एस्टर कौन सा है दोस्तों, सबसे छोटा एस्टर तो क्या है, यही होगा दोस्तों, इससे छोटा और कोई हो नहीं सकता। मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, दो कार्बन तो चाहिए ही चाहिए। एक तो ये सी एस थ्री वाला, क्यों, ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा होगा वो, और एक ही एस्टर ग्रुप है ही खुद, तो कितने कार्बन हो गए दोस्तों, दो, तो आंसर कौन सा आ जाएगा अपना, आंसर ठीक है, तो कितने कार्बन, दो कार्बन। नेक्स्ट इसी कड़ी में आगे बढ़े, तो कौन सा दे दिया, 94 नंबर सवाल, क्या पूछा गया, विच ऑफ द फ्लोइंग सेकेंडरी रेडिकल, सेकेंडरी रेडिकल यानी कि दो डिग्री कार्बन से वैलेंसी फ्री हो, तो ये देखो कौन सा है, दो डिग्री, ये कौन सा है दोस्तों, ये भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, अनसेचुरेशन आ जाए, तो दोस्तों डिग्री पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, केवल नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं दोस्तों, कम हो जाते हैं, और कुछ नहीं होता जिंदगी में, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी दो डिग्री, ये भी दो डिग्री, ये कैसा है, वन डिग्री है ये, तो ये कैसा है दोस्तों, ये भी दो डिग्री है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, ए बी और डी आंसर आ जाएगा, ए बी डी, यानी कि कौन सा आंसर हो गया, फोर्थ, ठीक है। चलो इसी कड़ी में आगे बढ़े, तो कौन सा सवाल दे रखा है, 95 नंबर सवाल, क्या पूछा गया है, आईयूपीएसी नेम में यानी कि जो मेन चेन है उसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है, बताओ तो जरा, मेन फंक्शन ग्रुप, कहानी वहीं से स्टार्ट होगी, लाइन वहीं से बनेगी दोस्तों, जहां पे अमिताभ खड़े हैं, तो 1 2 3 4 5, यानी कि सबसे पहले क्या देखते हैं, मेन फंक्शन ग्रुप, उसके बाद में क्या देखा जाता है, अनसेचुरेशन यानी कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद में कहीं जाकर सब्स्टिट्यूएंट का नंबर आता है दोस्तों। तो मेन चेन में कितने कार्बन हो, 1 2 3 4 5, पांच कार्बन मेन चेन में हो गए, इसका मतलब आंसर अपना कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। यस करो, चलो देखिएगा दोस्तों, फिर क्या दे रखा है, 96 नंबर सवाल, आईयूपीएसी नेम पूछा गया है दोस्तों इसका। आईयूपीएसी नेम की अगर अपन बात करें तो मेन चेन में एल्डिहाइड को छोड़, एल्डिहाइड और कीटोनों को छोड़कर और किसी को भी अगर वो जूनियर आता है तो मेन चेन में काउंट नहीं किया जाता, एल्डिहाइड और कीटोनों को छोड़कर और किसी को भी मेन चेन में काउंट नहीं करते, कब, कब, जब वो जूनियर आए, जब वो जूनियर के रूप में प्रेजेंट हो, ठीक है। तो एल्डिहाइड अगर लास्ट पे आता है तो इसका मतलब उसको मेन चेन में काउंट किया जाता है। इसके लिए क्या यूज करेंगे दोस्तों, ऑक्सो यूज कर सकते हो, दो ऑक्सो, और दो कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे दोस्तों, एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज कर देंगे, एन, और लास्ट में सीएन के लिए क्या यूज करेंगे, नाइट्राइल। कौन सा ऑप्शन हो गया दोस्तों, सेकेंड, बिल्कुल आसान सा सवाल था। ये क्या दे रखा है दोस्तों, 97 नंबर सवाल, अब अगर दो से ज्यादा मेन फंक्शन ग्रुप है तो इसका मतलब तीनों के तीनों एक जैसे हैं, तीन है इसमें, तीनों के तीनों एक जैसे हैं दोस्तों, इसका मतलब तीनों को छोड़ दो, किसी के घर नहीं जाएंगे, किसी को नाराज नहीं करेंगे, इसका मतलब तीनों को छोड़ दो, तीनों को ही, किसी को भी मेन चेन में काउंट नहीं करेंगे अपन, तो इसका मतलब तीनों को छोड़ दो। तो यहां से नंबरिंग 1 2 3, क्या नाम आ जाएगा दोस्तों, दो नंबर पे कौन दे रखा है, मिथाइल, और टोटल कितने कार्बन है मेन चेन में, तीन कार्बन, क्या यूज कर देंगे, प्रोपेन, और 1 2 3, और सी एच ओ के लिए आपने नंबर नहीं दिया है उसको, तो क्या यूज करेंगे, कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड, कार के बेल्डिंग करके क्या कर दो दोस्तों, हाइड कर दो, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, 2-methyl-propane-1-2-3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड, यानी कि फर्स्ट आंसर हो गया। यस करो, चलो इसी कड़ी में आगे बढ़े, तो क्या दे दिया दोस्तों, 98 नंबर सवाल, एसिटो एसिटोन, एसिटो एसिटोन का यूपीएससी नेम पूछा गया दोस्तों। एसिटो ग्रुप किसको बोला जाता है, इसको एसाइल ग्रुप, एसी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, है ना, एसिटो एसिटोन, एसिटोन किस ग्रुप को कहा जाता है दोस्तों, सी एस थ्री एसिटोन इसको बोलते हैं। इन दोनों को आपस में मिला दिया तो इसका नाम क्या हो गया, एसिटो एसिटोन, ठीक है।
अब नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5, क्या नाम लिख दोगे? पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, यानी कि पेंटेन 2,4-diol, 2,4-diol कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? सेकंड, ठीक है, कौन सा हो गया? पेंटेन 2,4-diol, यस कि नो? चलो नेक्स्ट सवाल, 99 नंबर सवाल, क्या पूछा गया है दोस्तों? द टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इन द फ्लोइंग स्ट्रक्चर, टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, कुल पाई बन इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई है दोस्तों, तो पाई बन काउंट कर लो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये पाई बन का हिस्सा नहीं हो सकता, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये डीलोकलाइज्ड नहीं है, sp2 हाइब्रिड लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज डज नॉट पार्टिसिपेट इन कंजुगेशन, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये प्लेनर हो गया और p ऑर्बिटल ऐसे हैं, क्या कहते हैं कि ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए कंजुगेशन के लिए, तो ओरिएंटेशन सेम ही नहीं है दोस्तों ओवरलैपिंग के लिए, है ना, ओरिएंटेशन का मतलब अभिविन्यास समान होना चाहिए, x वाला x के साथ ओवरलैपिंग कर सकता है, y वाला y के साथ, z वाला z के साथ, तो कहानी खत्म, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हुए, 1, 2, 3, 4, 5, तो पाई बॉन्ड तो कितने हुए दोस्तों, 5, ठीक है, 5 पाई बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है, तो बॉन्ड जितने हैं इसका मतलब एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 × 10 आंसर क्या आ जाएगा अपना, 5, ठीक है। चलो ये बहुत ही प्यारा सा सवाल है, 100 नंबर सवाल, क्या पूछा गया है दोस्तों? सिग्मा और पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर पूछा गया है, लोन पेयर किसको बोलते हैं? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ऐसा इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते और वो जोड़े के रूप में उपस्थित है, उन्हें क्या कहा जाता है? लोन पेयर, ठीक है। क्या दे दोगे दोस्तों? ये अपने को दे रखा है डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसके पास एक तो लोन पेयर है, और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं दोस्तों? 12 तो इसमें हो गए, एक इसमें, 13 तो सिग्मा मिल गए, और पाई बॉन्ड कितने मिल गए? 1, 2, 3, 4, 5, 5 अपने को पाई बॉन्ड मिल गए, और एक क्या मिल गया दोस्तों? लोन पेयर, कौन सा आंसर आ जाएगा? ये आ जाएगा 13, 5, 1, 13, 5, 1, यानी कि फोर्थ आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहे हैं, 101 नंबर, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, क्या पूछा गया है? एस कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया है दोस्तों, एस कॉन्फ़िगरेशन, आरएस नोमेनक्लेचर के लिए अपने को पता है, पहले तो काइरल कार्बन होना चाहिए, तो क्या ये काइरल है पहला? पहले को तो हटा दो, हटा सावन की घटा, क्यों? क्योंकि दोनों CH3 एक जैसे हैं, तो आरएस नोमेनक्लेचर नहीं कर सकते, इसका क्या कर सकते हैं दोस्तों? आरएस नोमेनक्लेचर मजे से कर सकते हैं। अब इसके लिए बेस डैश के लिए क्या होती है दोस्तों? कंडीशन होती है कि लो प्रायोरिटी ग्रुप कहां पे होना चाहिए? डैश डैश लाइन पे होना चाहिए। अगर लो प्रायोरिटी ग्रुप डैश लाइन पे नहीं है, कौन सी लाइन पे है? वेज लाइन पे है, तो कॉन्फ़िगरेशन उल्टा कर देते हैं। और अगर सिंपल लाइन पे है, एक प्लेन वाली लाइन पे है, कागज के तल वाली लाइन पे है, तो दोस्तों एक को फिक्स करके तीन को आपस में रोटेट कर देते हैं, ठीक है। तो या तो आप इसको एक को फिक्स करके तीन को रोटेट कर लो, एक को फिक्स करोगे तो क्या कर दिया दोस्तों आपने? ये कर दिया, यानी कि यहां पे सी एफ को फिक्स कर दिया, और इन तीनों को आपस में क्या कर दो दोस्तों? बदल दो, क्या कर दो? बदल दो। अब तीनों को आपस में बदलोगे तो H अपने को यहां चाहिए, जूनियर मोस्ट ग्रुप, यानी कि निम्न वरीयता वाला समूह कहां पे होना चाहिए? डैश डैश लाइन पे होना चाहिए, तो यहां लाना है इसको, तो यहां पे H ले आए, बहुत बढ़िया किया। CH3 को यहां ले जाओ, CH3 यहां ले जाए, और एथाइल यहां लगा दिया, तो अब एक नंबर इसको दोगे, दो नंबर इसको, तीन नंबर इसको, तो 1, 2, 3 कैसे गए दोस्तों? क्लॉकवाइज गए, क्लॉकवाइज गए। जूनियर मोस्ट ग्रुप कहां पे लिया है आप? डैश डैश लाइन पे लिए, इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? R, यस करो, या तो आप ऐसे कर लो इसको, अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते तो दोस्तों इसको किस में चेंज कर लो, ये बेस डैश आपको दे रखा है, इसको फिशर में कन्वर्ट कर लो। देखो तो दोस्तों कैसे कर सकते हैं इसको फिशर में कन्वर्ट, अब इसको एफ और हाइड्रोजन को पकड़ के यूं कर दो, बहुत बढ़िया, कि मैं तुझे यहां खड़े होकर निहारना चाहता हूं, तो निहार ले दोस्त, निहारने से क्या मिलेगा? एफ और एच, तो यूं कर दो, ठीक है, वर्टिकल लाइन पे कर दो, यहां पे एफ और यहां पे एच, ठीक है। अब यहां से देखोगे तो ये ऊपर उठी हुई लाइन दिखेगी अपने को, इसका मतलब क्या है? यहां पे इथाइल लगा दो, और यहां पे क्या लगा दो दोस्तों? CH3, क्यों? क्या समझे? कि एफ और हाइड्रोजन को तो पकड़ के यूं कर दिया, ठीक है, अब जो बेस लाइन वाला है ना, उनको उनके बीच में पटकना है उसको, ठीक है, इसको तो ऐसे किया, इसको यहां बीच में रखना है, तो इस साइड में क्या चला जाएगा दोस्तों? इथाइल, यहाँ पे एक नंबर, इसको दो नंबर, और इसको क्या मिला दोस्तों? तीन नंबर, तो क्या हो गया? 1, 2, 3, क्या आया दोस्तों? कॉन्फ़िगरेशन इसका आर आया, क्यों? क्योंकि क्लॉकवाइज हो रहा है, और निम्न वरीयता वाला कौन सी लाइन पे बैठा है दोस्तों? वर्टिकल लाइन पर बैठा है, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज अपने को नहीं करना है, पहले भी इसका आ रहा था, अब भी इसका आ रहा है, इसका मतलब वो एस पूछ रहा है, तो नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें देखो दोस्त, निम्न वरीयता वाला कहां चाहिए था अपने को? यहां चाहिए था, लेकिन यहां नहीं है, तो वही काम करना है, एक को क्या कर दो दोस्तों?
फिक्स कर दो और तीन को आपस में अदला बदली कर दो। तो आपने क्या किया दोस्तों, कुछ ऐसा कर दिया, कार्बन यहाँ पे क्या दे दिया, फ्लोरीन, अब इसको फ्लोरीन को फिक्स कर दो और इन तीनों को आपस में क्या कर दो दोस्तों, अदला बदली कर दो। यहाँ पे अपने को हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ हाइड्रोजन चाहिए, तो यहाँ CH3 लगा दो और यहाँ इथाइल लगा दो। एक नंबर इसको दोगे, दो नंबर इसको, तीन नंबर इसको, एक दो तीन, कैसे गए दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या जाएगा, एस, यही अपना आंसर हो गया। या फिर आप इसको ऐसे कर दो, जैसे ही आपने इसको ऐसे किया दोस्तों क्या जाएगा, देखो तो जरा यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या रहेगा, फ्लोरीन। देखो ठीक है, यहाँ आप खड़े हुए इसको निहारा गौर से तो क्या दिखेगा दोस्तों, ये और ये नीचे, और ये क्या दिखेगा दोस्तों, इथाइल ऊपर की ओर, ठीक है, और यहाँ पे क्या देखा दोस्तों, CH3। एक नंबर इसको, दो नंबर इसको, तीन नंबर इसको, कैसे गए दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि निम्न वरीयता वाला समूह कौन सी लाइन पर बैठा है दोस्तों, ये आपका वर्टिकल लाइन पे है, कॉन्फिगरेशन चेंज नहीं होगा, इसका मतलब इसका क्या रहेगा, एस रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर अपन बात करें तो एक नंबर इसको, दो नंबर इसको, तीन नंबर इसको, क्या मिलेगा दोस्तों, एक दो तीन, कैसा हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ये जूनियर मोस्ट ग्रुप कौन सी लाइन पर बैठा है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर बैठा है, तो उल्टा करना पड़ेगा, इसका कॉन्फिगरेशन क्या जाएगा दोस्तों, आर, इसका मतलब अपना आंसर कौन सा हो गया, थर्ड। ठीक, नेक्स्ट इसी कड़ी में आगे बढ़े तो क्या दे दिया, 102 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है, कुल प्रकाशिक समावियों की संख्या पूछी जा रही है दोस्तों, ऑप्टिकल एक्टिव यानी कि SI त्रिविम समावियों की संख्या। ठीक है, इसमें कायरल कार्बन देख लो, एक दो, ये कायरल है दोस्तों, लेकिन आपको पता है दो साइड वाले कायरल और बीच वाला आपको नजर आ रहा हो कि ये कायरल हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये R हो सकता है, ये R हो सकता है, तो ये कायरल नहीं होगा, ये R हो गया, ये S हो गया, तो इसका मतलब ये कायरल हो गया, तो इसको अपन बीच वाले को भी क्या मानते हैं, श्यूडो कायरल कार्बन मानते हैं, यानी कि आभास दिलाने वाला, ये आभास दिला रहा है कि मैं भी कायरल हूं, मैं भी कायरल हूं, थोड़ी सी इसकी इज्जत कर लो। ठीक है, तो इसका मतलब n इजिकल टू कितना आ जाएगा दोस्तों, तीन आएगा, तीन आएगा, तो ये सिमेट्रिकल ही है, एसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल है, तभी तो इसको स्यूडो कायरल कार्बन मानते हैं, लेकिन त्रिविम समावी की संख्या ज्ञात करेंगे तब इसको काउंट करेंगे। तो अब इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज कर देंगे, सिमेट्रिकल है और एन बराबर क्या है, ओड नंबर में है, ओड नंबर में है, तो ऐसा ही के लिए यानी कि ऑप्टिकल आइसोमर के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, फॉर्मूला हो जाता है 2 की पावर n-1। ठीक है, तो क्या यूज कर दोगे दोस्तों, क्या आंसर आएगा अपना, 2 की पावर 3-1 = 2 की पावर 2 = 4 आंसर आ जाएगा दोस्तों, 4। उसने ऑप्टिकल एक्टिव नहीं पूछे हैं दोस्तों, अब कोई मीजो बनेगा वो भी तो क्या होगा, प्रकाशिक समावयता तो प्रदर्शित करेगा ही करेगा, वो ऑप्टिकल एक्टिव है, ऑप्टिकल इनएक्टिव है वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन उसने क्या पूछा है अपने से, केवल ऑप्टिकल आइसोमर पूछे हैं, तो कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। ऑप्टिकल एक्टिव पूछता तो आपको पता है इसमें से वीजो माइनस कर देंगे तो कितने आ जाएंगे, 2। ठीक है, चलो इसी कड़ी में आगे बढ़े तो क्या दे दिया दोस्तों, नेक्स्ट सवाल 103 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ये पूछा गया तो इन दोनों में आपस में रिलेशन क्या है, अगर क्रियात्मक समूह चेंज हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, क्रियात्मक समूह समावी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बोलेंगे। देखो पहले तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है क्या, 1 2 3 4 1 2 3 4 ClOH, ठीक है, यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये क्या है दोस्तों एल्डिहाइड, और ये क्या है कार्बोनिल, कार्बोनिल क्लोराइड, इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, तो आपस में दोनों में रिश्ता क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स का हो गया। ठीक है, कौन सा आंसर आ जाएगा अपना, 4th। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों क्या दे दिया आपने को, 104 नंबर सवाल क्या पूछा गया दोस्तों, जेड आइसोमर पूछा गया है, तो अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस रूल, ठीक है, जैसे RS नोमेनक्लेचर करते हैं, एक नंबर इसको, दूसरा नंबर इसको, एक नंबर इसको, दूसरा नंबर इसको, हाई प्रायोरिटी ग्रुप क्या है दोस्तों, हाई प्रायोरिटी ग्रुप यानी कि उच्च वरीयता वाले, अगर अपोजिट साइड में है तो क्या यूज करेंगे, E, और सेम साइड में है तो क्या यूज करेंगे, जेड। इसमें देखो दोस्तों एक नंबर इसको मिलेगा, दूसरा नंबर इसको, इसमें कार्बन, इसमें कार्बन, इसके कार्बन के साथ ऑक्सीजन, इसमें कार्बन के साथ कार्बन, ये तो एक नंबर। अब यहाँ पे pH को क्या मिलेगा, एक नंबर, और CH3 को 2 नंबर, इसका मतलब इसका कॉन्फिगरेशन कैसा हो गया, जेड। इन दोनों में बात करें तो एक नंबर इसको, दो नंबर इसको, एक नंबर इसको, दो नंबर इसको, इसका मतलब ये भी क्या हो गया दोस्तों, ई। इन दोनों में बात करें तो एक नंबर, दो नंबर, एक नंबर, दो नंबर, इसका मतलब इसका भी क्या हो गया, ई। अपने से जेड पूछा गया था, कौन सा आंसर हो जाएगा, 2nd। यस करो जी हाँ। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्या दे दिया दोस्तों, 105 नंबर सवाल, निम्नलिखित संरचना में फर्स्ट और थर्ड के संदर्भ में बताइए दोस्तों, 1 से 3 देखा है, क्या ये कायरल कार्बन है क्या, जी हाँ ये कायरल है, देखो क्यों, क्योंकि इसमें कितने कार्बन दे दिए, C3H7 दे रखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 2 3। ये ऐसे भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, आइसोप्रोपाइल भी ग्रुप हो सकता है, इसका मतलब ये कायरल रहेगा, क्यों, क्योंकि ये तीनों ग्रुप डिफरेंट है और एक हाइड्रोजन डिफरेंट है, चारों डिफरेंट है, इसका मतलब ये कायरल है, ये कायरल है क्या दोस्तों, जी हाँ ये कायरल है, क्यों, क्योंकि इधर इथाइल है, इधर मिथाइल है, और इधर एसाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये भी कायरल, ये भी कायरल।
ये कायरल है क्या दोस्तों, ये इथाइन लगा हुआ ET और ये C2H5, ये दोनों एक जैसे हो गए, ये कायरल नहीं हो सकता। देखो स्टेटमेंट पढ़िए दोस्तों, ऑल थ्री कायरल कंपाउंड, नहीं दोस्त तीनों कंपाउंड कायरल नहीं है। क्या दे रखा है, फर्स्ट और थर्ड आर कायरल, जी हाँ फर्स्ट और थर्ड नहीं, फर्स्ट और सेकंड आर कायरल, फर्स्ट और सेकंड दे रखा है दोस्तों, जी हाँ ये दोनों कायरल है, इसका मतलब ये सत्य घटना पर आधारित है। ओनली सेकंड कायरल, ओनली सेकंड नहीं है दोस्तों, फर्स्ट कहा जाएगा फिर। ये कह रहा है कि फर्स्ट और थर्ड आर कायरल, नहीं दोस्तों थर्ड तो है ही नहीं, कहानी खत्म होगी। कौन सा आंसर आ जाएगा अपना, सेकंड आंसर। ठीक है नेक्स्ट क्या दे रखा है दोस्तों, 106 नंबर सवाल, क्या पूछा गया अपने से, निरपेक्ष विन्यास पूछा गया है, यानी कि आरएस नोमेनक्लेचर पूछा गया है। ठीक है तो देख लो, आरएस नोमेनक्लेचर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट नंबर किसको देंगे, इसको एक नंबर। ठीक है दूसरा नंबर अपने किसको देंगे बताओ, इधर कार्बन, इधर कार्बन, कार्बन के साथ में इधर हाइड्रोजन है और इधर सीएल है, तो दूसरा नंबर अपने इसको देंगे और तीसरा नंबर इसको देंगे, फोर्थ नंबर इसको, तो एक दो तीन किधर गए दोस्तों, यू गए एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन निम्न वरीयता वाला समूह कौन सी लाइन पर बैठा है, हॉरिजॉन्टल पर, इसका मतलब कॉन्फिगरेशन क्या कर देंगे दोस्तों, उल्टा, उल्टा करेंगे तो इसका कॉन्फिगरेशन क्या जाएगा दोस्तों, आर। अब कौन से नंबर पे है, एक दो, एक दो तीन, तो नंबरिंग तो इधर से ही होगी ना, एक दो, दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा दोस्तों, आर। ठीक है अब इधर से देखिए, एक नंबर किसको देंगे दोस्तों, एक नंबर इसको देंगे, दूसरा नंबर किसको देंगे, देखो इधर कार्बन, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन, इधर कार्बन, कार्बन के साथ में कार्बन, तो दो नंबर ऊपर वाले को मिलेगा, तीन नंबर इसको मिलेगा, तो एक दो तीन कैसा हो गया दोस्तों, ये भी क्या हो गया आपका, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज के लिए देख लो ये कौन से लाइन पे है, यानी कि निम्न वरीयता वाला समूह है, कौन सी लाइन पे है दोस्तों, हॉरिजॉन्टल पे या वर्टिकल पे, हॉरिजॉन्टल पे है तो कॉन्फिगरेशन को क्या कर देंगे दोस्तों, उल्टा कर देंगे, तो इसका भी कॉन्फिगरेशन क्या आ जाएगा दोस्तों, आर। ठीक है अब ये कौन सा आर है दोस्तों, एक तो दो आर है और एक कौन सा है, तीन आर है, इसका मतलब आंसर अपना कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा, यस नो। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, कौन सा दे रखा है अपने को, 107 नंबर सवाल, देखिएगा दोस्तों क्या दे दिया अपने को, हाउ मनी आइसोमर इन C5H11OH, प्राइमरी अल्कोहल की बात कर रहा है दोस्तों, केवल केवल प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है स्टीरियो को छोड़ना है आपको, नहीं मिलाना उसको, तो वैसे तो अगर अपन बात करते हैं तो कितने आइसोमर बना देते दोस्तों, आठ आइसोमर बना देते, एक तो यहाँ पे OH, ठीक है दूसरा जो आएगा वो यहाँ पे OH आएगा, इसका मतलब वो दो डिग्री हो जाएगा, यहाँ लगाओगे तो भी वो दो डिग्री हो गया, इसका मतलब एक ही बनेगा। इससे दूसरे से अगर अपन बात करें तो क्या बना सकते हैं दोस्तों, देखो तो जरा, एक यहाँ पे लगा दो, दूसरा ये बन गया। ठीक है अब ये आपको बताया, ये CH3 CH3 CH3, ये डिफरेंट थे, अलग अलग थे, क्यों, इनकी संगति अलग अलग थी, तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो एक बार यहाँ पे भी लगा सकते हैं, तो कहाँ लगा दोगे दोस्तों, यहाँ पे लगा दिया। ठीक है यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या लगा दिया आपने, OH। ठीक है तो एक डिग्री है, एक डिग्री है, एक डिग्री है, ये भी यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, वो तो एक ही बात हो गई। फिर अपन क्या बना सकते हैं, नियो पेंटाइल या फिर नियो एमाइल, एक ही बात है, पेंटाइल को एमाइल भी लिखते हैं, यहाँ पे क्या लगा दो दोस्तों, OH लगा दो, तो कितने आइसोमर बना सकते हो, एक दो तीन चार, चार आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है तो प्राइमरी अल्कोहल कितने बनाए जा सकते हैं, मात्र फोर। ठीक है नेक्स्ट इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, तो क्या दे रखा है दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा सवाल दे रखा है, IUPAC नेम पूछा गया है RS और EZ के अकॉर्डिंग। ठीक है अब देखो, एक नंबर पहले तो इसका नेम कंफर्म कर लो भी क्या नाम हो सकता है, एक दो तीन चार पांच छह, ठीक है क्या लिखोगे दोस्तों, फोर नंबर पे ब्रोमो, क्या आ जाएगा, फोर ब्रोमो टू क्लोरो, फोर ब्रोमो टू क्लोरो, फोर ब्रोमो टू क्लोरो, इसका मतलब ये दोनों तो भैंस गई कादे में, है ना, यहाँ पे बात करें तो टू ब्रोमो सॉरी फोर फोर ब्रोमो टू क्लोरो, ठीक है और हेक्स, और फोर नंबर पे क्या है, डबल बोन, और लास्ट में क्या यूज करेंगे, LL, इसका मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा, या तो पहला होगा या फिर दूसरा होगा, यस करो पहले दूसरे में से आपको डिसाइड करना है। अब RS नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग देख लो, एक नंबर इसको मिलेगा, दूसरा नंबर इसको मिलेगा, तीसरा नंबर इसको मिलेगा और फोर्थ नंबर इसको मिलेगा। अब आपने इसको कोई सोच रहे होंगे कि दो नंबर इसको कैसे दे दिया, देख लो दोस्त इधर देखो, इधर कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर कार्बन के साथ में कार्बन है, इधर कार्बन के साथ में ऑक्सीजन है दोस्तों, BR तो बहुत दूर की बात है, BR तो दूर है दोस्तों, क्यों, क्योंकि एक दो तीसरा एटम हो गया BR, तो यहाँ पे एक दो दूसरा एटम कौन है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को क्या मिलेगी, फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, तो दो नंबर, इसलिए इसको तीन नंबर दिया, एक दो तीन इधर गए दोस्तों। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या यूज करेंगे बताओ, निम्न वरीयता वाला लो प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे है, जूनियर मोस्ट ग्रुप है, डैश डैश लाइन पे है, इसका मतलब क्या यूज करेंगे दोस्तों, एस यूज करेंगे, तो इसका मतलब इसमें एस और इसमें आर, इसका मतलब फर्स्ट आंसर हो गया। ठीक है देख लो, ये तो एस हो गया। अब अपन बात करें तो EZ के लिए एक नंबर इसको देंगे, दो नंबर इसको, एक नंबर इसको, और यहाँ पे एच होता है, इसको दो नंबर देंगे, तो क्या हो गया दोस्तों, सेम ग्रुप सेम साइड में, इसका मतलब क्या यूज करेंगे, जेड,
तो ये फर्स्ट आंसर हो गया। एक दो नंबर पे तो क्या आया एस, एक दो तीन चार नंबर पे डबल बॉन्ड है तो चार के लिए क्या यूज किया है, जेड यूज किया है। ठीक है, तो कौन सा आंसर, फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल कौन सा है, 109 नंबर सवाल। देखिए, निम्न में से कौन सा यौगिक क्या है एरोमेटिक नेचर का है, तो एरोमेटिक कौन सा है दोस्तों, देखो एनिलीन एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये कैसी है, नहीं है एरोमेटिक। पिरिडीन 6 पाई इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, कैसी है, हकल रूल को फॉलो कर रही है, इसका मतलब ये भी कैसी है दोस्तों, एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। किसी के पास कितने भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, केवल एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर थे लेकिन एक ही लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, दूसरे वाला नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जैसे एक लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन पीछे जो बच गया उसका sp2 हो गया, sp2 हाइब्रिड अब कैसा हो गया दोस्तों, प्लेनर स्ट्रक्चर हो गई और p ऑर्बिटल ऐसे बनेंगे, तो अब ये इसके साथ में क्या नहीं कर सकता दोस्तों, ओवरलैपड नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि कॉन्जुगेशन नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ए सी और डी आंसर आ जाएगा, ए सी डी यानी कि थर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसी कड़ी में आगे बढ़े, तो अपने को क्या दे रखा है, 110 नंबर सवाल। NaOH में कौन सोल्यूबल है, NaOH में सोल्यूबल आपको पता है दोस्तों, टोटोमेरिज्म जो होती है वो एसिडिक और एज वेल एज बेसिक मीडियम में होती है दोस्तों, तो इसका मतलब बेस दे दिया, तो इसका मतलब ये टोटोमेरिज्म की बात कर रहा है। टोटोमेरिज्म में बेसिक मीडियम में कौन टोटोमेरिज्म शो करेगा दोस्तों, वही करेगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। नाइट्रो के घर पे एसी लगवा दो, एसी नाइट्रो, गर्मी बढ़ रही है इसका मतलब क्या लगवा दो, एसी लगवा दो, ये कह रहा है कौन, नाइट्रो। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे एच दे रखा और ये क्या दे दिया, नाइट्रो। नाइट्रो के घर पे क्या लगवाना है, एसी, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, 1-3 टोटोमेरिज्म हो गई, क्या हो गई, 1-3 के लिए अगर अपन बात करें तो क्या करवा दोगे दोस्तों, ये नाइट्रो ग्रुप अपने को दे रखा है। ठीक है, और क्या कर दोगे, नाइट्रो के घर पे एसी लगवाना है, तो किसमें चेंज कर दोगे, कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रो और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, इसको क्या बोलते हैं, एसी नाइट्रो। नाइट्रो के घर पे आपने एसी लगवा दिया, तो इसके पास भी अल्फा है, ये भी चला रहता प्रदर्शित करेगा टोटोमेरिज्म, ये भी करेगा, इसका मतलब NaOH में सोल्युबल हो जाएगा। इसकी बात करें तो दोस्तों ये नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास अल्फा कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, एसिडिक का हाइड्रोजन होना चाहिए तभी तो वो क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन करेगा दोस्तों। ठीक है, और दुनिया की सबसे फास्टली रिएक्शन होती है एसिड बेस रिएक्शन, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये भी, ये तो सबसे ज्यादा करेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास इधर जो कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा, दो दो के साथ मजे लेगा जिंदगी के, दो के साथ अनुनाद करेगा, तो कौन रिएक्शन नहीं करेगा, विलय नहीं है दोस्तों, कौन सा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कौन सा आंसर आ जाएगा, थर्ड। चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, 111 नंबर सवाल क्या दे रखा है दोस्तों, निम्नलिखित किस मध्यवर्ती में केवल 3 इलेक्ट्रॉन युग्म है, ऐसा इंटरमीडिएट ढूंढो जिसमें ओनली ऑन 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि युग्म। ठीक है, कितने, कार्बन एनायन की अगर अपन बात करें तो दोस्तों क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बोनियम आयन की बात करें तो कार्बोकेटाइन को बोलते हैं दोस्तों, और कार्बोकेटाइन में क्या होता है दोस्तों, कुछ ये हाल होता है, पॉजिटिव चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन हुए दोस्तों, 6 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, ये आंसर आ सकता है। फ्री रेडिकल की अगर अपन बात करें तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर तो है लेकिन ये कहां जाएगा दोस्तों, 3 इलेक्ट्रॉन प्लस एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसने पूछा है केवल किसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो मात्र किसमें है, कार्बोकेटाइन में, कार्बोनियम आयन। अमोनियम आयन में दोस्तों कितने हो गए, ये तो वो हाल हो गई यानी कि पॉजिटिव चार्ज अमोनिया, ये आ गया दोस्तों, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, इसका मतलब कार्बोनियम आयन आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो इसी कड़ी में आगे बढ़े, तो कौन सा सवाल दे दिया, 112 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अति संयुग्मन प्रदर्शित करेगा, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए दोस्तों। अब हाइपर कॉन्जुगेशन किस किस में होता है, डबल बॉन्ड का पड़ोसी कार्बन क्या होना चाहिए दोस्तों, अल्फा हाइड्रोजन रखना चाहिए। कार्बोकेटाइन का पड़ोसी कार्बन क्या रखना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन रखना चाहिए। फ्री रेडिकल का पड़ोसी कार्बन अल्फा हाइड्रोजन रखना चाहिए तभी उसमें क्या होगा, अति संयुग्मन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फिनोल कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। एल्काइन कर सकती है क्या, नहीं। अल्कोहल कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। प्रोपीन कर सकती है क्या, जी हाँ, कूद कूद के कर सकती है, इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, प्रोपीन, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन बात करें तो क्या दे दिया दोस्तों, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की डिस्टेंस पूछी जा रही है। ठीक है, अब इसमें देखो दोस्तों क्या है, अनुनाद, अनुनाद के कारण क्या हो जाता है दोस्तों, सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के करेक्टर, डबल बॉन्ड में क्या आ जाते हैं, सिंगल बॉन्ड के करेक्टर, यानी कि डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है और सिंगल बॉन्ड की क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये किसका खेल है, हाइपर कॉन्जुगेशन का हो सकता है, रेजोनेंस का हो सकता है। रेजोनेंस इज मोर इफेक्टिव देन हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के करेक्टर आएंगे, इसमें तो बेचारे में क्या रहेंगे दोस्तों, डबल बॉन्ड में ही करेक्टर रहेंगे, इसका मतलब बी की सबसे छोटी रहेगी।
उसके बाद में इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है। हाइपर कॉन्जुगेशन आपको पता है दोस्तों सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का, तो वो तो धीरे धीरे ब्रेक होगा। इसमें क्या होता है दोस्तों पाई इलेक्ट्रॉन टूटना है, तो पाई इलेक्ट्रॉन कैसा होता है वीक होता है, इसका मतलब वो जल्दी टूटेगा, और जो जल्दी टूटेगा वो काम अपना क्या करेगा दोस्तों जल्दी करेगा। इसका मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के करेक्टर उतने ही ज्यादा आएंगे। तो उसके बाद में सबसे बड़ी किसकी होगी दोस्तों सी की, तो कौन सा आंसर आ जाएगा सी ए बी, सी ए बी कौन सा आंसर थर्ड। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है 114 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा माइनस आई प्रभाव का सही क्रम है, इंडक्टिव इफेक्ट का पूछा जा रहा है दोस्तों, कौन सा माइनस आई इफेक्ट, ठीक है माइनस आई इफेक्ट का पूछा गया है। सब्स्टिट्यूएंट आर क्या दे रखा है अल्काइल ग्रुप, ये आर कोई दे रखा है तो वो अल्काइल ग्रुप है, तो माइनस आई सबसे ज्यादा किसका होता है दोस्तों, अगर अपन बात करें तो ये ऑर्डर अपने पिछले सवाल में लिखा ही था, तो सबसे ज्यादा किसका होगा दोस्तों सी एन, अगर कहीं दे रखा है तो सी एन का, ठीक है। उसके बाद में कौन होगा दोस्तों ओ आर कहीं दे रखा है तो, ठीक है। उसके बाद में किसका नंबर आता है दोस्तों एन एस टू का, ठीक है, तो सी एन ओ आर, सी एन ओ आर एन एस टू, यानी कि कौन सा आंसर आ जाएगा आपका सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट 115 नंबर सवाल क्या कह रहा है, मोर एसिडिक, माइनस वाले देख लो दोस्तों, कॉन्जुगेटेड बेस इसका जितना मोर स्टेबल होगा इसका मतलब उसकी एसिडिक पावर उतनी क्या होगी दोस्तों ज्यादा होगी। इसके ऊपर एक माइनस वाला है, इसके ऊपर पिक्रिक एसिड का भाई है, यानी कि गोला लगा देते तो पिक्रिक एसिड बन जाता, ठीक है, लेकिन उसका भाई है, वो नहीं है लेकिन उसका भाई है, ठीक है। इसका मतलब थर्ड मोर एसिडिक हो गया, क्योंकि माइनस आई वाले एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं दोस्तों इंक्रीज करते हैं, कहानी खत्म। नेक्स्ट देखिए कौन सा सवाल दे दिया आपको 116 नंबर, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है दोस्तों, कौन सा बेसिक सेंथ का, बेसिक सेंथ सबसे ज्यादा किसकी है दोस्तों जिसमें लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब फर्स्ट की देखो कहीं कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, देने में विश्वास करेगा। इसमें क्या हो रहा है दोस्तों अनुनाद हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, और इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन के साथ कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो इसका मतलब सबसे मोर इफेक्टिव जिसमें लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं जा रहा। इसका बाद में कौन सा है दोस्तों, इसका भी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, इसका मतलब सेकंड, थर्ड और सेकंड, थर्ड और फोर्थ में से इसमें कॉन्जुगेशन रिंग के साथ हो रहा है दोस्तों, और इसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ हो रहा है, इसका मतलब इसमें लेस एन एटम से नेगेटिव चार्ज कहां पे जा रहा है, मोर एन एटम पर, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन देने की डोनेट करने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी दोस्तों डिक्रीज हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा थर्ड और फोर्थ सबसे लिस्ट बेस होगा, इसका मतलब 1 2 3 4 किसमें दे दिया दोस्तों 1 2 3 4 यानी कि कौन सा आंसर आ जाएगा फर्स्ट आंसर, यस कि नो, जी हाँ। 117 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, ये पूछा गया है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन यानी कि एंथैल्पी ऑफ द हाइड्रोजिनेशन HOH, ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजनीकरण की उष्मा, उष्मा यानी कि हाइड्रोजनीकरण की उष्मा की अगर अपन बात करें दोस्तों तो आपको पता ही है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के, अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेंगे, ठीक है। अब देखिए स्टेबिलिटी देख लो, स्टेबिलिटी को उल्टी कर देना, उल्टी करना है इसका मतलब क्या हो जाएगा पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, इसका मतलब फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन अदर। इसमें देखो दोस्तों क्या है कॉन्जुगेशन है ना, इसमें इधर भी कॉन्जुगेशन करवा दो, चलो इसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन है, छोटा कॉन्जुगेशन इसमें बड़ा कॉन्जुगेशन, बड़ा कॉन्जुगेशन मोर इफेक्टिव, इसका मतलब सेकंड, ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों दूर दूर तक पाई बॉन्ड का कोई नाता नहीं है, इसका मतलब ये कौन सी है कॉन्जुगेटेड ट्राइईन है, ये भी कॉन्जुगेटेड है बट इस ये कौन सी है इसकी अगर अपन बात करें तो आइसोलेटेड है, ठीक है। एक क्या होती है क्यूमुलेटिव होती है जिसमें लगातार डबल बॉन्ड होता है, तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी कॉन्जुगेटेड, अब कॉन्जुगेशन दो में है तो फर्स्ट इज मोस्ट स्टेबल, क्योंकि जिसमें जितना ज्यादा लंबा कॉन्जुगेशन होगा उसका सहायता उतना ही ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो देख लो इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है दोस्तों, तो इसका मतलब कौन सा आ जाएगा दोस्तों थर्ड। अब क्या करना है HOH का ऑर्डर कर दो, HOH क्या कर दो उल्टी कर दो, यानी कि थर्ड उसके बाद में सेकेंड उसके बाद में कौन आ जाएगा फर्स्ट, कौन सा आंसर आ जाएगा दोस्तों थर्ड सेकेंड फर्स्ट, यानी कि सेकेंड आंसर। अब देखिएगा कौन सा सवाल दे रखा है अपने को 118 नंबर, एरोमेटिक कंपाउंड पूछा गया है दोस्तों, हकल रूल के अकॉर्डिंग 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है तो एरोमेटिक है, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कंप्लीट क्लोज कॉन्जुगेशन होना चाहिए, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तो वो एरोमेटिक है। इसका मतलब ये कैसा है दोस्तों sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, नॉन पोलर है, इसका मतलब ये क्या है भेरू बाबा, यानी कि कितने भी इलेक्ट्रॉन हो लेकिन ये कैसा है नॉन एरोमेटिक है। इसकी अगर अपन बात करें तो दोस्तों कैसा है नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, क्यों, क्योंकि सेकंड पीरियड एलिमेंट्स जितने भी हैं उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, अगर आप कॉन्जुगेशन करवाओगे तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, वो इसके बस की बात नहीं है, इसका मतलब ये क्या है नॉन एरोमेटिक, कहानी खत्म। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, कॉन्जुगेशन कर लेगा तो ये एंटी एरोमेटिक है। अब ये एजुलीन दे रखी है दोस्तों, तो ये कैसी है
एरोमेटिक है, ये अपने पिछले सवाल में बताई हुई थी, कैसी होती हैं, पोलर भी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये अपने क्या दे रखा है दोस्तों, 119 नंबर सवाल, पी के ए की वैल्यू, पी के जो आए इसका मतलब वो जिंदगी जी के आए सब। ठीक है, तो क्या दे रखा है, एसिडिक संत का ठीक उल्टा, एसिडिक संत का ठीक उल्टा पूछा है दोस्तों। तो एसिडिक संत निकाल लो, उसकी ठीक उल्टी कर देना पी के ए। तो एसिडिक संत माइनस वाले इंक्रीज करेंगे, प्लस वाले डिक्रीज करेंगे। ये देखो इसके ऊपर क्या है, प्लस आई, इसके ऊपर भी प्लस आई, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड में से किसकी एसिडिक संत ज्यादा होगी दोस्तों, फर्स्ट की ज्यादा होगी, किससे, सेकंड से और थर्ड से, सॉरी क्योंकि ये थर्ड दे रखा है, ये सेकंड, सेकंड में क्या दे रखा है दोस्तों, माइनस आई, क्या है, माइनस आई, और सीओ का भी क्या दे रखा है दोस्तों, माइनस आई। तो इसका मतलब इन दोनों में से माइनस आई किसका ज्यादा होगा दोस्तों, फोर्थ का ज्यादा होगा, सीओ का ज्यादा होता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक संत की अगर अपन बात करें तो किसकी ज्यादा मिली दोस्तों, फोर्थ की, उसके बाद में किसकी ज्यादा होगी, सेकंड की, और प्लस वाले क्या करेंगे, एसिडिक संत को डिक्रीज कर देंगे, इसका मतलब कौन सा आ जाएगा दोस्तों, फर्स्ट, और उसके बाद में कौन आएगा, थर्ड। ठीक है, ये तो एसिडिक संत यानी कि के ए का ऑर्डर आ गया, अब पिला दो इसको, यानी कि पी के ए का ऑर्डर क्या कर दो, उल्टा कर दो, उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, सबसे ज्यादा थर्ड का, उसके बाद में कौन आ जाएगा, फर्स्ट, उसके बाद में सेकंड, उसके बाद में फोर्थ, कौन सा आंसर आ जाएगा दोस्तों, देख लो, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, यानी कि थर्ड आंसर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल, लास्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों, देख लो, दिए गए यौगिक में सही आईयूपीएसी नाम, बहुत ही प्यारा सा सवाल है दोस्तों। ठीक है, ईजेड किसके अकॉर्डिंग, DL नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, DL नोमेनक्लेचर आपको पता है दोस्तों, राइट फिशर फॉर्मूले के ऊपर अप्लाई होता है। राइट फिशर फॉर्मूला क्या कहता है दोस्तों, कि वर्टिकल लाइन पर टॉप पर यहां पे नंबर वन कार्बन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू IUPAC। ठीक है, तो अब क्या ये देख लो, सही राइट फिशर फॉर्मूला है क्या, पहले तो इसके बारे में देखिए, नंबरिंग किधर से करोगे, मेन फंक्शन ग्रुप कौन सा है, NH2 या OH, OH है दोस्तों, तो इसका मतलब 1, 2, 3, 4, इसका मतलब इसका सिर नीचे है, टांगे ऊपर है, तो पहले तो इसको बेचारे को सीधा करो, का हो जा रहा है सीधा 180 पे बेचारे को घुमा दो, जैसे ही आपने 180 पे रोटेट किया तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पूरे को उठा के यू रोटेट किया आपने, तो क्या हो जाएगा, देखो यहां पे CH3, यहां पे CH3, अब आपने इसको उठा के इधर गए हैं तो OH किस साइड में आ जाएगा, इस साइड में, और NH2 किस साइड में आ जाएगा, इस साइड में, इसी साइड में रहेंगे दोस्तों। अब देखो अगर OH राइट हैंड साइड में है तो D यूज करते हैं, और खलासी साइड में है तो L यूज करते हैं, देख लो, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में है तो L यूज करते हैं। तो अब देखो OH किस साइड में है दोस्तों, दो नंबर का, एक दो, दो नंबर का लेफ्ट हैंड साइड में है तो क्या यूज करेंगे, L यूज करेंगे, और तीन नंबर के लिए NH2 कौन सी साइड में है दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड में है तो क्या यूज करेंगे, 3L यूज करेंगे, तो क्या नाम हो जाएगा, 2L 3L, 2L 3L। ठीक है, और किसी में नहीं है, इसका मतलब यही आंसर आ जाएगा। आईयूपीएसी नेम लिखोगे तो 1, 2, 1, 2, 3, थर्ड नंबर पे NH2 है तो क्या यूज कर दोगे, 3-amino-2-butanol, आंसर कौन सा हो गया दोस्तों, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलो ये था दोस्तों आपका पेपर सॉल्यूशन। ठीक है, तो मस्ती से करिएगा, बिल्कुल NCERT बेस पे पेपर सॉल्यूशन बनाया गया था। ठीक है, और सॉल्यूशन करवाया गया है, तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुद का ध्यान रखें। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय CLC।